यस बच्चों, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डे के ऊपर। सो आई होप बाय दिस टाइम यू माइट हैव बीन स्टार्टेड रिवाइजिंग ऑन योर ओन, आप चालू कर चुके होंगे। एक चीज मैं आपको बोल रहा हूं, आपको डेली पढ़ना है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। और अगर इस स्टेज पे आ चुके हो, जब आप सीए फाइनल के स्टेज पे आ चुके हो, सीएस प्रोफेशनल एंड सीएमए फाइनल स्टेज पे आ चुके हो, तो आप बिल्कुल आगे जा रहे हो। और अब आपको एक हैबिट हो जानी चाहिए विदाउट आपको डेली बोले हुए। तो आपको रोज टारगेट है, कोई बोले ना बोले मालिक, आपको रोज पढ़ने का है। यस ऑनो। सो आई थिंक दो दिन के क्यूमुलेटिव होमवर्क हमारे बाकी थे, तो वो सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और फिर आज के कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाइए पेज नंबर 33 के ऊपर। पेज नंबर 33 पे आपको योर प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये मैंने आपको सबसे पहले जब टैक्स कैलकुलेशन सिखाए थे तब दिए थे। सो आई होप आप लोगों ने उसे सॉल्व किया होगा। बहुत छोटे छोटे थे, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे। यहां आपके नॉलेज टेस्टिंग बहुत कम की गई थी, तो दिस वॉज ओनली फॉर योर प्रैक्टिस। आप देख सकते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर बाहुबली एज 43 हैविंग द फॉलोइंग इनकम, बिजनेस इनकम एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो इट वॉज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। 4,50,000 इज योर ओवरऑल इनकम, वेदर इट विल हैव एनी टैक्स और नॉट। नो आंसर, आंसर इज नो, द टैक्स वुड बी निल। आई थिंक इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, बट स्टिल अगर आपने सॉल्व किया होगा तो अच्छी बात है। बट इसका टैक्स वैसे भी नहीं आएगा, बिकॉज ओवरऑल इनकम इज 4,50,000 रुपीज एंड सिंस इनकम इज 4,50,000 द ओवरऑल इनकम इज लेस देन 5 lakh rupees and hence no tax liability would be there. कमिंग अप टू द सेकंड क्वेश्चन, मैंने जैसे कि आपको बोला यहां पे आपको कुछ ये नहीं करना था, सिर्फ आपका नॉलेज टेस्ट करना था। सेकंड यहां पे हम लोगों ने टेस्ट किया था द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर रंगा एज 40 years हैविंग द फॉलोइंग इनकम, बिजनेस इनकम 6 lakh, अदर सोर्सेज 1,50,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सो हियर दे हैव टेस्टेड अवर नॉलेज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट स्पेशल इनकम, हालांकि बहुत छोटे लेवल पे था,
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40,000 इंटू 20%, दैट इज 8,000। ये आप लोगों ने रख लिया होगा मेरे हिसाब से, इफ नॉट चेक इट, यस और नो। इस तरीके का कोई फॉर्मेट आप लोगों ने जरूर बनाया होगा, नहीं बनाया होगा तो प्लीज बना लेना। सो दिस इज 8,000 रुपीज टोटल। वॉट अबाउट अदर इनकम? अदर इनकम इज ऑल्सो गिवन टू यू, आई थिंक, चेक इट आउट, 6 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 30,000, 7,80,000। सो हियर इट इज 7,80,000। जस्ट लुक एट द एज ऑफ असेसी, 40 ईयर्स, सो अप टू 5 लाख। आई होप यू नो द टैक्स अप टू 5 लाख, 12,500। नाउ वॉट इज द बैलेंस? बैलेंस वुड कम टू 2,80,000। द टैक्स रेट, अनलेस एंड अंटिल गिवन दैट असेसी हैज ऑप्टेड फॉर द न्यू टैक्सेशन स्कीम, डोंट कैलक्यूलेट इट अनलेस स्पेसिफिकली आस्क फॉर। दिस कम्स टू 68,500। जस्ट चेक इट आउट योर कैलकुलेशन। मैंने आपको हैबिट लगाई है, दोबारा से एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना। दोनों एक्सेल शीट को मर्ज कर लीजिए, आ जाएगा आपका टोटल टैक्स। ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम से भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग डेढ़ डेढ़ पेज के प्रॉब्लम भी लेने वाले हैं। एड HEC एट द रेट ऑफ 4%, 3060, योर फाइनल टोटल टैक्स कम्स टू 79,560। जस्ट चेक इट आउट, 79,560 इज योर टोटल टैक्स लाइबिलिटी। हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर टू भी सॉल्व कर लिया। अब आप लोग एक काम करना चालू कर दीजिए, जब लोग भी आप जब आप लोग प्रॉब्लम्स लिखते हैं तो इसके बाजू आपका पेज नंबर डाल दीजिए, जैसे प्रॉब्लम नंबर टू पेज नंबर व्हाटसो एवर। इससे क्या होगा कि जब आप अपना रजिस्टर बनाते रहेंगे, जब आप अपना रजिस्टर कंप्लीट करते रहेंगे, उस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा हेल्प हो जाएगी कि कौन सा प्रॉब्लम किधर सॉल्व किया है। और नोट्स में उसी तरीके से आपने रजिस्टर को भी पेज नंबर डालिए। एक बहुत बेहतरीन तरीका बताता हूं अपनी बुक को 100% को रिलेट करने का, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि हम लोग आगे जाके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करें, हम लोग कॉन्सेप्ट में और आगे जाके प्रॉब्लम सॉल्व करें, ऐसा हो सकता है। इसी के लिए आज से ही पेज नंबर डालना मैंडेटरी है, और आज आपका एक होमवर्क रहेगा, घर पे जाकर के पेज नंबर डाल देना पूरे रजिस्टर के ऊपर। तो जब भी आप लोग कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम के बाजू उसका पेज नंबर लिख लेना, ताकि आपको इजीली फाइंड आउट करने में, जब सेल्फ स्टडी करते रहोगे तब बहुत ज्यादा आपको क्या मिलने वाला है, हेल्प मिलने वाला है इस सिचुएशन के अंदर में। सो प्रॉब्लम नंबर टू इज ऑल्सो डन। प्रॉब्लम नंबर टू आंसर केम टू 79,560। मैं आपको अगेन बोल रहा हूं, मेरे साथ साथ आप मेहनत कर लो, बाद में ये कुछ होने वाला नहीं है। प्रॉब्लम नंबर थ्री, आई थिंक देर वर टू स्पेशल इनकम। यहां पे दो स्पेशल इनकम दी गई थी। कैलकुलेट करना बड़ा इजी है, 52 ईयर्स है, कोई बात नहीं, कैलकुलेट करना बड़ा इजी है, सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए दिया गया था। सो प्रॉब्लम नंबर थ्री कालिया, लॉन्ग टर्म 40, शॉर्ट टर्म 30, ठीक है सर। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दिस वुड कम टू 8,000, दिस वुड कम टू 4,500, ओवरऑल कम टू 12,500, यस और नो, राइट? टेल मी अबाउट योर अदर इनकम। अदर इनकम सीम्स टू बी 8,50,000 रुपीज। टैक्स रेट 20%, सेवन थाउजेंड, हियर टोटल कम्स टू रुपीज 19,500।
मर्ज द बोथ एक्सेल शीट $32,000 इज योर टैक्स. नाउ इज असेसी एलिजिबल फॉर रिबेट? यू टेल मी, इज असेसी एलिजिबल फॉर रिबेट? जस्ट चेक इट आउट. इज असेसी एलिजिबल फॉर रिबेट? इफ योर आंसर कम्स टू नो, देन प्लीज गो अहेड एंड कैलकुलेट 4% सेस. थर्टी थ्री टू एट्टी, नो नीड टू राउंड ऑफ. 33,280 इज योर टैक्स लाइबिलिटी. होप ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, बट बिलीव मी इतने छोटे वैल्यूज के आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगे. 33,280 इज योर आंसर यहां पे. ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4. कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ जैस्मिन, एज 85 इयर्स. सो 85 इयर्स, इट मस्ट स्ट्राइक योर माइंड दैट असेसी इज अ सुपर सीनियर सिटीजन. असेसी कौन है? सुपर सीनियर सिटीजन, यस और नो? तो ये एक बात आपके दिमाग में आनी चाहिए. कौन कौन सी इनकम है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A, नॉट 112, 112A, यानी 1 लाख रुपए के बियॉन्ड टैक्स लगने वाला है. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज 111A. सो इट्स ओके, इट्स अ वेरी इजी प्रॉब्लम. प्रॉब्लम नंबर 4, अलोकेट द पेज नंबर अकॉर्डिंगली ऑफ योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A. 1,40,000 है, तो क्या मैं कह सकता हूं ओनली 40,000 इंटू 10% दैट इज 4,000? येस ऑर नो? टैक्स इज बियॉन्ड 1 लाख, सो 40,000 इंटू 10%. देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मालिक, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है? 28,000. सो 28,000 इंटू 15%, सो 4,200. टोटल 8,200 इज योर टैक्स लाइबिलिटी इन केस ऑफ स्पेशल. इसके बाद जो भी बचता है वो बचता है नॉर्मल. नॉर्मल में आई गेस 8,80,000. कैसे? 7 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 30,000 इनकम अप टू 5 लाख. क्या पकड़ेंगे? नील. सर वाई नील? आस्क योर सेल्फ वाई नील. असेसी इज अ सुपर सीनियर सिटीजन, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज अप टू ₹5 लाख. वॉट इज बैलेंस? 3,80,000. वॉट इज द टैक्स रेट? 20%. ₹76,000. मर्ज बोथ एक्सेल शीट टू ब्रिंग इन टोटल 84,200. एड HEC एट द रेट ऑफ 4%. ₹87,568. वेट, राउंड ऑफ अंडर सेक्शन 288B, टैक्स नीड टू बी राउंडेड ऑफ. So, final answer would come to 87,570. Final answer would come to 87,570. आप देख सकते हैं यहां पे हमने सीनियर सिटीजन के भी एग्जाम्पल को ले लिया. जब हम सीनियर सिटीजन वाला प्रॉब्लम ले रहे थे, जब कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, तब हमने नहीं लिया था, यहां हमने कंसिडर कर दिया. तो ऐसा कि मैं आपको बताता हूं बेटा, हर बार बताता हूं कि आप टेंशन मत लो. अगर आपका कोई पार्ट यहां पे नहीं भी हो रहा है या एग्जाम्पल यहां पे नहीं भी हो रहा है, आगे हो जाएगा, आपका सब कुछ कवर होगा, इस बात की गारंटी मेरी. और मैंने आपको पहले ही बोला है भाई साहब, दिन का सबसे फेवरेट लेक्चर कौन से रहने वाला है? DT. चलो जी, सो आई थिंक प्रॉब्लम नंबर 4 इज ऑल्सो डन, राइट?
लेट अस कम टू प्रॉब्लम नंबर फाइव. माइक्रोमैक्स इज अ पर्सन हैविंग एन एज ऑफ 56 ईयर. नाउ टेल मी वेदर वी हैव स्पेशल इनकम. यस वी हैव टू स्पेशल इनकम. सो कैलकुलेट द टैक्स. प्रॉब्लम नंबर फाइव. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111. 60, 50. सो आई होप जिनने होमवर्क नहीं किया वो मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं, और जिनने होमवर्क कर लिया है प्रभु ये बन गया आपका टोटल. अब आ जाते हैं आपकी नॉर्मल इनकम के ऊपर. नॉर्मल इनकम इज 9 लाख प्लस 1,80,000, दैट इज 10,80,000, इजंट इट? अब द सिस्टम इज लिटिल स्लो टुडे. तो टेन लैख एट्टी थाउजेंड टैक्स अप टू रुपीज 10 लाख वी नो कितना आ रहा है बॉस. 1,12,500. वी जस्ट नीड टू चेक इट आउट. असेस इज नॉट अ सीनियर सिटीजन. नो इट इज नॉट अ सीनियर सिटीजन. सो वी आर गोइंग राइट. बैलेंस इज 80,000. टैक्स रेट इज एट द रेट ऑफ 30%. 24,000. योर टोटल टैक्स कम्स टू 1,36,500. सो आफ्टर मर्जिंग बोथ द एक्सेल शीट माय टोटल टैक्स वुड कम टू 1,56,000. आई विल एड एच ई सी एट द रेट ऑफ 4%. वन लैख 62,240 इज द फाइनल आंसर. इजंट इट? आ रहा है साथ साथ में मजा आप लोग को सॉल्व करते वक्त. सर एक बार बस प्रॉब्लम आप जब भी सॉल्व कर रहे हो प्लीज एक बार देख लीजिए. आई एम ऑल्सो ह्यूमन. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बिल्कुल करेक्ट सॉल्व करूं और आप भी डायरेक्टली क्या करें उसको कॉपी पेस्ट कर दें. प्लीज हैव अ चेक ऑलवेज. आप भी करें, मैं भी करता हूं दो बार, आप भी करें अपना चेक. एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, मैंने पहले भी बोला है आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर, अभी भी कहता हूं, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू जस्ट सेंड इट अ व्हाट्सएप. आपको बुक के नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर के ऊपर डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको रिप्लाई जरूर आ जाएगा. पर क्वेरी भेजने से पहले ये खुद एक बार देख लेना कि आप क्या पूछ रहे हो, बिकॉज सच में बहुत बार सिली मिस्टेक्स आती है. फाइनल लेवल के स्टूडेंट से ये एक्सपेक्टेड नहीं है, तो आप एक बार जरूर देखिएगा. चलिए सिक्स्थ प्रॉब्लम. वी नीड टू कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ ओपो हु इज अ अगेन सुपर सीनियर सिटीजन. तो अगेन सुपर सीनियर सिटीजन के लिए एक और प्रॉब्लम है हमारे पास. 112A वाला कैपिटल गेन दिया हुआ है एंड आपको दिया हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी, राइट? ओके, सो
कैलकुलेट करते हैं। आई थिंक ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है हम लोगों को। प्रॉब्लम नंबर 6, ऑब्लिक आपका जो भी पेज नंबर है यहाँ पे बुक का वो डाल दीजिएगा तो आपको इजी हो जाएगा। मैं बार बार खुद यहाँ पे पेज नंबर नहीं बताऊंगा, आपने एक्सरसाइज एक्टिविटी करना है 1,42,500। तो मालिक दो चीजें दी हुई है यहाँ पे, दिया है स्पेशल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, ये 42,500 ले लूँ तो मेरे हिसाब से आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। 4,250, दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, और जैसे कि मैंने आपको कहा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, 38,000, 38,000 इंटू 15%, दिस विल कम टू। सर आप जो ये फॉर्मेट दे रहे हैं हम क्या इसे एग्जाम में भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशल 9,950, एक बार आप सभी लोग देख लीजिएगा। हमने लॉन्ग टर्म के ऊपर 1,42,500 वाज लॉन्ग टर्म, बियॉन्ड 1 लाख हम लोगों ने उसके ऊपर टैक्स लगाया 10% के हिसाब से, एंड शॉर्ट टर्म 15% के हिसाब से हम लोगों ने लगाया है। ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी कम्स टू 9,950 फॉर स्पेशल काइंड ऑफ इनकम। वी आर लेफ्ट विथ वॉट योर अदर इनकम, सो हम लोग अदर इनकम पे बात करेंगे। हाउ मच इज द अदर इनकम? 7 लाख प्लस 1,50,000, 30। देखो छोटी छोटी मिस्टेक मत करना, फिगर पूरी लिखी है वहां पे, प्लस 30,000, दिस कम्स टू 5 लाख नील। सर नील असेस इज अ हाँ सीनियर सिटीजन। बैलेंस कितना बचता है सेठ? डन सर, तो 7,600,6 यहां का टोटल आ गया, एड अप कर दीजिए सर। एट फाइव 9,56 इज द टोटल, एड कर दीजिए एच ई सी एट द रेट ऑफ 4%। एट नाइन 3,94, हाउ एवर टोटल आफ्टर राउंड ऑफ 8,93,90, बिकॉज लास्ट फिगर इज अप टू 4, इट इज राउंडेड ऑफ टू लोअर साइड। दिस इज योर टैक्सेशन। करते हुए आपको बहुत मजा आना चाहिए, क्योंकि ये छोटे 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 प्रॉब्लम आपको बार 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 छोटी चीजों पे मजबूर करेंगे, और जब आपकी एक प्रैक्टिस खत्म हो चुकी है तो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है सेठ, कि यू नो ये छोटे प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस मिलेगी सबसे ज्यादा। यस और नो, और आगे जितने भी प्रॉब्लम आप देखोगे अलग अलग हेड के अंदर में, वहां पे हम लोगों ने क्या करी है, एक्चुअली प्रैक्टिस करी है, और इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है वहां पे जब भी आप इनको क्या करोगे मालिक, सॉल्व। तो हम लोगों ने एज ऑफ नाउ 6 प्रॉब्लम्स क्या कर दिए हैं, सॉल्व कर दिए हैं। मैंने इन टोटल आई गेस आपको 8 प्रॉब्लम्स दिए थे, 8 और 9, तो वो भी हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। हाँ सर, तो आप मुझे बताइए
कैसे कर सकते हैं सर, और प्रैक्टिस के लिए हमें प्रॉब्लम चाहिए, या और प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम हमें किस तरीके से मिल सकते हैं। यू टेक एनी रैंडम फिगर, अंडरस्टैंड, यू टेक एनी रैंडम फिगर, जो तुमको मन में आ रहा है ना वो रैंडम फिगर लेने का, और वो रैंडम फिगर लेने के बाद जिस तरीके से हम लोगों ने बताया है उस तरीके से आपने सॉल्व करने का। इसके बाद क्या करने का, कैसे चेक करने का कि जो दिया है वो सही है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप स्ट्रेट अवे गूगल पे जाइएगा, गूगल पे जाके इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर सर्च कीजिएगा, बहुत सारी वेबसाइट का आपको मिलेगा, बट इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाइएगा, इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर, वहां जाकर के जहां पे भी अपनी इनकम है वहां पुट ऑन कीजिएगा, और अकॉर्डिंगली आप सारी डिटेल डालने के बाद जब नीचे एंटर करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आंसर्स मिल जाएंगे। तो यहां आप खुद भी, आपको मेरे को भेजने की जरूरत नहीं कि सर प्लीज चेक ये मेरा आंसर सही है कि नहीं है, आप वहां जाएंगे आपको आपका खुद का आंसर मिल जाएगा, अलग अलग जितना भी आपको लग रहा है सर ये इनकम हुई तो क्या, वो इनकम हुई तो क्या, क्या होता है व्हेन वी कम इनटू फाइनल यू नो देयर इज अ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जो हमारे माइंड में हमेशा होता है कि ऐसा हुआ तो क्या, वैसा हुआ तो क्या, ऑल ऐसी जो भी क्वेरीज है आपके पास उसके सभी के मैं आपको स्ट्रेट अवे बता दूंगा कि इस चीज को ढूंढना कैसे है। चलिए प्रॉब्लम बढ़ाते हैं आगे, सिक्स प्रॉब्लम वी हैव डन, कम टू सेवन प्रॉब्लम, कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी इन केस ऑफ मिस्टर स्टार्क, एज इज 55 एंड द इनकम इज बियॉन्ड 50 लाख, दैट मीन्स द प्रॉब्लम ऑल्सो इंक्लूड द कैलकुलेशन ऑफ सरचार्ज। तो हम लोग आप देख सकते हैं नॉर्मल टैक्स कैलकुलेशन लिए, टैक्स कैलकुलेशन अलॉन्ग विद स्पेशल इनकम लिए, और अब हम धीरे धीरे सरचार्ज की ओर बढ़ रहे हैं। स्टार्क, आई होप आप लोगों ने मार्वल सीरीज देखी होगी, और अगर आप भी इसके फैन है तो मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं इसके लिए, राइट। सो यू हैव अ स्पेशल इनकम एंड योर ओवरऑल इनकम एक्सीड रुपीज 50 लाख, नाउ वॉट टू डू, नथिंग टू वरी, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम नंबर सेवन ऑब्लिक पेज नंबर आप अप्रोप्रिएटली डाल दे वहां पे, सर देर इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच इज कवर्ड अंडर 112A, डोंट यू थिंक सो कि इट इज 7 लाख इंटू 10%, सर 7 लाख कैसे लाया, बडी 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 इट इज ऑलरेडी 8 लाख एंड 8 लाख रुपीज इज शॉर्ट टर्म, सो हियर इट कम्स टू 70,000, हियर इट कम्स टू 1,20,000, टोटल कम्स टू 1,90,000, जस्ट चेक इट आउट। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बियॉन्ड 1 लाख इज टैक्सेबल, सो 7 लाख इंटू 10%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज 8 लाख इंटू 15%, दैट इज 1,20,000, जस्ट चेक इट आउट, आप वापस से एक बार प्लीज चेक कीजिएगा साहब। डन सर, इसके बाद में क्या मिलता है, इसके बाद में आपको मिलता है आपका अदर इनकम, आपका अदर इनकम कितना आ रहा है सर, 52 लाख आपका अदर इनकम है, सो यहां पे मैं ले लेता हूं 52 लाख, अप टू 10 लाख वी नो व्हाट इज द टैक्स 1,12,500, बैलेंस की अगर मैं बात कर लू मालिक, सो 52 लाख माइनस 10 लाख इंटू 30%, आप बार बार अटकेंगे सर, बार बार अटकेंगे, और अगर आप कैलकुलेट करते हुए अटक रहे हैं तो बिलीव मी इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जब कोई आदमी प्रैक्टिस करता है ना मेरे भाई तब ऐसा होता है, और बहुत दिनों बाद प्रैक्टिस कर रहा है तब तो ऐसा कंफर्म होता है। इसी के लिए इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार और घर पे सॉल्व कर लेना, आपको बहुत ज्यादा मजा भी आ जाएगा, प्लस आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी हो जाएगी। दोनों को ऐड कर दीजिए सर, आपका टोटल बन जाएगा 15,62,500। नाउ आस्क योरसेल्फ, इज योर टोटल इनकम एक्सीड रुपीज 50 लाख, सर चार्ज इज 10% ऑन बोथ ऑफ द इनकम, यस, सो 1,56,250, दैट इज 1,56,250, योर टोटल कम्स टू 17,18,750,
एंड देन यू विल एड एच ई सी एट द रेट ऑफ 4%, $68,750. योर फाइनल आंसर कम टू 17,87,500. मैं भी चेक कर लेता हूं, आप भी एक बार चेक कर लीजिए सर. राउंड ऑफ करने की किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इसको किया है. सो ये एक प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया जहां पे क्या इंक्लूडेड था मालिक, सरचार्ज इंक्लूडेड था. एक कॉन्सेप्ट बाकी है चैप्टर नंबर 1 के अंदर में, देखेंगे उसके अंदर में, बड़ा मजा आएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है, कहां अप्लाई होता है ये देखने लायक बात है. सर कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर हल्क अगेन मार्वल सीरीज. 23 इयर्स की है मात्र, लेकिन इनकम इनने कहीं कमा रखी है, 1 करोड़ के ऊपर इनकम ये कमा रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है सर हम भी 23 के एज में कर सकते हैं? ठीक है, हाइपोथेटिकल बात छोड़िए, हाँ ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि ये नहीं हो सकता, बट यस आप बिल्कुल ये चीज कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ तो आप हाइपोथेटिकल समझ के रखिए. अपना सीए जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए, 21, 22, 23, 24, जिसके भी अंदर में और सर आप ऐसी इनकम भी कमा सकते हैं. सर इज इट पॉसिबल इतने बड़े पैकेजेस मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं सर, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं, बट आप अप्रोप्रिएट जगह होनी चाहिए, प्लस आपके पास अप्रोप्रिएट स्किल होना चाहिए. मार्केट के अंदर में ना मैं आपको बता दूं, आप इतना काम अवेलेबल है मार्केट के अंदर में कि तुम 24 घंटा काम कर लोगे, 24 आवर्स भी काम कर लोगे ना तो भी तुमको काम मिलेगा. तो इस बात के ऊपर बिल्कुल दिमाग मत लगाना कि सर मेरे इतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट हो चुके हैं, मेरे यू नो इंटर के अंदर में 5-6 अटेम्प्ट लग चुके हैं, फाइनल के अंदर में ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं. इस बात के ऊपर बिल्कुल दिमाग लगाना, नंबर ऑफ अटेम्प्ट कभी भी ये डिसाइड नहीं करेगा कि तुम लाइफ में कहां जाओगे, तुम्हारा स्किल हमेशा डिसाइड करेगा कि तुम कहां जाओगे. आई हैव ऑल्सो सीन पीपल हु हैव गॉट गुड मार्क्स बट नॉट गॉट द गुड सर्विसेज. एट द सेम टाइम मैंने उन लोगों को भी देखा है जो मेरे साथ थे, जो 5 बार फेल हुए एंड दे हैव गॉट अ वेरी हैंडसम पैकेजेस. तो पूरा गेम ना मेरे भाई तेरे स्किल का है. मार्क्स एक बार तो जो है ना जॉब दिलाने में शायद हेल्प कर दे, लेकिन इसके बाद तेरा सिर्फ और सिर्फ तेरी मेहनत और तेरे स्किल है जो काम आएगी. और जितना ज्यादा तू यू नो मैं बोल रहा हूं ना, जितना ज्यादा अपन बोलते हैं तपता है उतना फाइन चीज बाहर आती है. राइट सर, क्या आपको अटेम्प्ट लगा है क्या मालिक? यस सर, मुझे भी अटेम्प्ट लगा है और इसीलिए मैं दर्द जानता हूं. इसी के लिए मैं लेक्चर के अंदर में भी कहता हूं कि भैया मैं एवरेज बच्चा हूं, मैं बार बार कैलकुलेट करूंगा, कुछ गलती होगी मैं भी उठूंगा, मेरे बच्चे को भी उठाऊंगा. यस ऑनो, और ह्यूमन है यार, हो सकता है, अपने को करना चाहिए. एक बार प्रॉब्लम सॉल्व किया, गलती हुई करने का ना दोबारा, ऐसा कुछ बड़े काम नहीं है, वापस से करने का दोबारा. यस ऑनो, ह्यूमन से अपन, गलतियां होती है और यही ह्यूमन होने का सबसे बड़ा नतीजा भी है कि आप गलतियां करते हैं. कई बार तो इतनी खूबसूरत होती है कि जिंदगी भर याद रहती है. चलिए आगे बढ़ते हैं सर, प्रॉब्लम नंबर 8 की ओर हम जा रहे हैं. हल्क जी 23 की एज में बड़े बड़े कमाल कर रहे हैं एंड हैज स्पेशल इनकम एज वेल. तो आ जाओ, सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A इज 10 लाख एंड 18 लाख फॉर शॉर्ट टर्म. दोबारा से एक बार फिगर्स चेक कर लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए प्रभु कि आप कहीं कुछ फिगर के अंदर में गड़बड़ कर दें. फिगर्स दोबारा चेक कीजिए, कैलकुलेशंस दोबारा चेक कीजिए, इसमें कोई शर्म नहीं है करने के अंदर में. मेरे पापा हमेशा कहते हैं दुर्घटना से देर भली. थ्री लैख 70,000 इन टोटल, 2,70,000 प्लस 1 लाख 3,70,000 आपके स्पेशल के अंदर में आ गए हैं साहब. ठीक है, इज दैट डन? ओके,
अब हम बात करेंगे हमारे अदर इनकम की। अदर इनकम हल्क ने कितनी कमाई है उसके ऊपर भी आपका डिपेंड करेगा। वन करोड़ 30 लाख हल्क ने अपनी अदर इनकम कमाई है। इनकम अप टू 10 लाख रुपीज, 1,12,500, दैट इज 1,12,500। वॉट इज बैलेंस? अच्छा, कई बार जब ये करोड़ की फिगर के साथ कर रहे हो ना, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं गलतियां कर देता हूं और मैं आपको भी बोलता हूं कि जब 1 करोड़ के ऊपर की फिगर होती है, राइट, 1 करोड़ के ऊपर की फिगर आप कर रहे हो, तो मैं बोलूंगा एसेंशियली कैलकुलेटर यूज कर लें, क्योंकि कई बार हम लोग ये गलती करते हैं। ठीक है, कुछ चीजें कुछ कुछ जगह पे जहां पे आपको सच में सॉल्व कर दे। हाँ, ये देखिए, कई ऐसी भी चीज आपको मिलेगी, आपके कई दोस्त होंगे जो ऑर्थर्ड बुक यूज कर रहे होंगे, तो वो क्या करते होंगे, वो सिर्फ कैलकुलेटर पे टिक 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 करके क्या कर रहे होंगे, आंसर निकाल रहे होंगे। उनको ये गलतियां तब नहीं समझेगी जब एक्चुअल एग्जामिनेशन या टेस्ट सीरीज देंगे, तब उनको गलतियां होगी और तब उनको समझ में आएगा कि कितनी सिली सिली मिस्टेक है। तो आज ये चीज को सुधार ले। इन टू 30% आ जाते हैं सर, 36 लाख रुपीज। ₹37,12,500 सर, इसको जोड़ दीजिए इसके साथ, ₹40,82,500। इसमें अभी क्या ऐड होगा सर? इसमें ऐड होगा सरचार्ज एट द रेट ऑफ 15%। इनकम अगर 1 करोड़ के ऊपर जा रही है तो आपकी नॉर्मल इनकम प्लस स्पेशल इनकम दोनों के ऊपर सरचार्ज कितना है सर? 15% है। इनटू 15% इसमें ऐड कर दीजिए सर HEC एट द रेट ऑफ 4%। आपको आपका टोटल मिल जाएगा 6। कर लीजिए अपना टैक्स कैलकुलेशन सर, पूरा का पूरा। इज दिस डन? यस, बाकी है। चलिए सर, हल्क ऑल्सो डन। तो 8 प्रॉब्लम हम लोगों ने कर लिए हैं। 9, 10 एंड 11 को मैं रख रहा हूं 2 मिनट के लिए पेंडिंग। अब थोड़ा सा चलते हैं कंसेप्ट के ऊपर। ये प्रॉब्लम भी कर लेंगे, आज ही कर लेंगे, बस थोड़े से कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं, राइट। सभी लोग नोट्स के ऊपर आ जाओ। हम लोगों ने कौन कौन से टैक्स रेट्स पढ़ लिए मैं आपको बताता हूं। कल तक हम लोगों ने इंडिविजुअल के टैक्स रेट्स पढ़ लिए थे, फर्म कंपनी के टैक्स रेट्स पढ़े। कंपनी में हम लोगों ने अब तक नॉर्मल के टैक्स रेट्स पढ़े। इफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी इन प्रीवियस ईयर 18-19 डज नॉट एक्सीड 400 करोड़ रुपीज, देन द टैक्स रेट इज 25%, अदरवाइज द टैक्स रेट इज 30%। फिर हम लोगों ने एक हिस्ट्री सुनी जिसके अंदर में हम लोगों ने बताया कि जो नई कंपनीज थी और जो एग्जिस्टिंग कंपनीज थी, इन्हें एक और बेनिफिट दिया गया क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रही थी, और 2 नए सेक्शन हमारे पास में एड किए गए, 115 BAA, 115 BAB, ये सेक्शन भी एड किए गए।
है एंड दीज सेक्शंस आर अगेन व्हाट ऑप्शंस है, बी ए ए एंड बी ए बी, ये अगेन क्या है ऑप्शंस है आप लोगों के लिए, तो आप इसको क्या कर सकते हो सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा बेटा, जैसे कि मैंने आपको कहा 115 वाली ये जो सीरीज है इसके लिए जैसे आप आगे जाओगे तो इनके कंडीशंस देखोगे। अब आप देखिएगा कंडीशंस, राइट, डिडक्शंस अंडर 10AA शुड नॉट बी टेकन, 32AD शुड नॉट बी टेकन, 33AB, AB, A, 35, 35AD, 35CCC, ये सारे सेक्शन लिखे हैं। आज अगर मैं आपको इन सेक्शंस के बारे में बता दूं, ठीक है, होगा क्या कि आप सेक्शन पढ़ लेंगे उसका इम्प्लीकेशन आपको नहीं समझ में आएगा, क्या डिडक्शन ले सकती है ये कंपनी, क्या डिडक्शन नहीं ले सकती कंपनी, इस बारे में क्लैरिटी नहीं होगी। और इसीलिए क्या कर रहा हूं मैं, मैंने चैप्टर वन में आपको सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए यहां पे सेक्शन रख दिया कि देखिए ऐसा कोई सेक्शन है और ऐसा कोई ऑप्शन आज क्रिएट हो रहा है। लेकिन इसको मैंने अगेन पढ़ाया है कहां पे, बहुत डीप में, जब हम मॉड्यूल 3 करते रहेंगे तब हमने पढ़ाया, क्योंकि तब तक के आपके पूरे असेसमेंट्स खत्म हो चुके होंगे, तब तक के आपका क्या खत्म हो चुका होगा, पीजीबीपी खत्म हो चुका होगा, तो मेजर डिडक्शंस वहीं मिल जाते हैं, तो वहां हम लोगों ने कवर किया हुआ है। और इनफैक्ट जब आप मॉड्यूल 3 चालू करते हो तो आपके जो चैप्टर 6A के डिडक्शन है वो भी कवर हो जाते हैं, आपका मैट चैप्टर भी कवर हो जाता है। और उसके बाद जब एंड में नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन चालू होने से पहले हमने इन सेक्शंस को फिर से डाला है पूरे के पूरे, और उस टाइम पे ये जो पार्ट है टैक्सेशन वाला पार्ट हम फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि अब जब आपके सारे डिडक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं तो अब न्यू ऑप्शन के अंदर में टैक्स कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, इन सेक्शंस को वहां पढ़ने वाले हैं, राइट, ये एज इट इज सेक्शन हम लोग वहां पढ़ेंगे। क्या आपको ये बुक कैरी करने की जरूरत है, नहीं ये बुक आपको कैरी करने की जरूरत नहीं, हम ये वहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है सर। आगे चलते हैं, पेज नंबर 16 तक के आपका सब कुछ हो चुका है, 17 तक के आपका सब कुछ हो चुका है, 18 से आपके ये ऑप्शन चालू हो रहे हैं 115 बी ए ए, जिसके अंदर में 22% का टैक्स रेट लाया था अगर आपको याद हो तो। एट द सेम टाइम आपका दूसरा टॉपिक, दूसरा सेक्शन है 115 बी ए बी, ये वाला सेक्शन भी आपको करने की अभी जरूरत नहीं है, साथ साथ में इससे रिलेटेड सर्कुलर जो भी जो है वो हम तभी करने वाले हैं, ये भी सेक्शन आपको करने की अभी जरूरत नहीं है। एट द सेम टाइम 115 बी ए बी भी आपको कब करना है, वही करना है। जो नया सेक्शन आया है वो कब आया, उन कंपनीज के लिए जो 1 अक्टूबर 2019, दैट इज आफ्टर 1 अक्टूबर 2019 दे सेटअप देयर बिजनेस एंड कंप्लीट देयर सेटअप एंड स्टार्ट वर्किंग बाई 2023, क्योंकि 24 में फिर से क्या आने वाले हैं इलेक्शन, तो 2023 तक के ही ये बेनिफिट क्या किए गए हैं आपको दिए गए हैं सर। चलिए 115 बी ए बी, सर तो कौन से असेसी का बचता है मैं आपको बताता हूं, इसी श्रृंखला में एक और सेक्शन ऐड हुआ है वो है कॉर्पोरेटिव टैक्स के लिए, कोऑपरेटिव टैक्स के लिए बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले पेज नंबर 1.29 पे आए, जैसे आप 1.29 पे आएंगे आपको दिखेगा हमने डोमेस्टिक कंपनी के लिए नॉर्मल टैक्स पढ़ लिया, अदर कंपनी के लिए नॉर्मल टैक्स पढ़ लिया, राइट, फॉरेन कंपनी का टैक्स कैलकुलेशन अभी भी बाकी है, हम सबसे पहले फॉरेन कंपनी पढ़ेंगे, फॉरेन फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी पढ़ लिया। सो अब क्या बाकी है इस चार्ट के अंदर में, बाकी है फॉरेन कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। जब ये दो चीजें पढ़ लेंगे हम और इनके जो स्पेशल रेट जो ऑप्ट आउट करना है वो हम करेंगे बाद में करेंगे। आइए सबसे पहले रजिस्टर के अंदर में हम लोगों ने डोमेस्टिक कंपनी के बारे में लिख दिया था, अब हमारी जिम्मेदारी है फॉरेन कंपनी के बारे में करें। आइए पहले समझते हैं फॉरेन कंपनी और इससे रिलेटेड इंटरनेशनल टैक्स का कुछ पार्ट। नाउ सर, फॉरेन कंपनीज को इंडिया में लाया गया, इसके पीछे की पहले थोड़ी सी हिस्ट्री सुनिए और इसकी डीप हिस्ट्री हम लोग इंटरनेशनल टैक्स में भी पढ़ने वाले हैं। पॉइंट क्या है, सबसे पहले जब इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस की अगर मैं बात, बिफोर इंडिपेंडेंस यहां पे फॉरेन कंपनीज थी, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1961 के बाद भी हम लोगों ने क्या किया, फॉरेन कंपनीज को अलाउ किया कि आप यहां पे आकर के बिजनेस कर सकते हैं, उस टाइम पे भी टैक्स रेट इनके लिए हाई रखे गए। फिर आया इंदिरा गांधी एरा जहां पे फॉरेन कंपनीज को बैन कर दिया गया इंडिया के अंदर में और फॉरेन कंपनीज इंडिया से बाहर चली गई। इट वॉज इन 1991 डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब अगेन ओपन द इकोनॉमी
विद द नेम ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन, यस और नो, एलपीजी, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के तहत 1991 के अंदर में हमने अपनी इकोनॉमी को फिर से ओपन किया और फॉरेन कंपनीज को बहुत अच्छे से ऑपरेट करने के लिए दे दिया। फॉरेन कंपनीज जब इंडिया के अंदर में आई तो ऑब्वियसली बात थी कि इनके टैक्स रेट हायर रखे गए। ऑब्जेक्टिव समझिएगा, इनके टैक्स रेट हायर रखने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि जब भी फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर के वर्क करेगी तो यहां पे जो लोकल कंपनीज है इनके ऊपर एक अच्छा खासा असर पड़ेगा। और इसी के लिए क्या किया गया, इनके जो टैक्स रेट्स रखे गए वो हायर रखे गए ताकि कल चल के ये रिवोल्ट ना खड़ा हो जाए इंडियन कंपनीज के बीच में कि फिर हमारे टैक्स रेट और इनके टैक्स रेट तो सेम है और कितना भी करे तो बाहर टेक्नोलॉजी ज्यादा है वो ज्यादा कमा लेंगे हमसे। तो उनके इंटरेस्ट को सेव रखने के लिए क्या किया गया, हर बार एक पैरामीटर ये रखा ही जाता है और नॉन रिसीव दैट इज फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट क्या किया गया, हायर रखा गया। अब फॉरेन कंपनी के टैक्स रेट हायर है तो कैसे हैं, आइए जरा समझते हैं। हमने डोमेस्टिक कंपनी का लिखा था, आइए लिखिए फॉरेन कंपनी। अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ टू 10 करोड़, अबाउ 10 करोड़, टोटल इनकम इंटू 40% प्लस 4%, टोटल इनकम इंटू 40% प्लस 2% प्लस 4%, टोटल इनकम इंटू 40% प्लस 5% प्लस 4%। अगेन यू कैन सी द सरचार्ज रेट इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी अगेन चेंज्ड। सो ऑल इन ऑल व्हाट वी नीड टू रिकॉग्नाइज इज सरचार्ज रेट फॉर विच एसएससी एंड फॉर व्हाट। Is that done? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फॉरेन कंपनी 40% इफ इनकम इज अप टू 1 करोड़ रुपीज, टू नो सरचार्ज, 1 करोड़ टू 10 करोड़ 2% इज द सरचार्ज एंड बियॉन्ड 10 करोड़ इट इज 10% एज सरचार्ज, यस और नो। ये बात याद रखिएगा, 4% से बिल्कुल लागू रखा गया है। अब आते हैं कोऑपरेटिव टैक्सेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी। आइए मैं आपको बताता हूं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो टैक्स रेट्स है वो अगेन व्हाइट रिवोल्यूशंस के बाद अलग किए गए थे। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर आप देखें तो इन्हें कहीं ना कहीं एओपी या बीओआई के अंदर में क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन इनके टैक्स रेट्स जो रखे गए हैं ये बिल्कुल अलग रखे गए हैं। साथ ही साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंक्रीज करने के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी एसोसिएशंस को एक बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, एटीपी नाम का एक डिडक्शन भी लाया गया। मॉड्यूल 3 के अंदर एक टॉपिक है टैक्सेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, वहां हम इसको पूरा का पूरा देखते हैं। अभी हम सिर्फ इसका क्या समझेंगे, टैक्स कैलकुलेशन समझेंगे। टैक्स कैलकुलेशन के लिए अब तक के ऐसा था कि ओल्ड टैक्स कैलकुलेशन मैकेनिज्म था, लेकिन इस साल से एक और चीज हुई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी एक ऑप्शन क्रिएट किया गया है। हाँ, जैसे इंडिविजुअल के लिए ऑप्शन क्रिएट किया गया, डोमेस्टिक कंपनी के लिए ऑप्शन क्रिएट किया गया, ठीक उसी तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी फाइनेंस एक्ट 2020 से एक ऑप्शन क्रिएट किया गया और कोऑपरेटिव सोसाइटी ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर में भी जा सकती है और न्यू टैक्स रिजिम के अंदर भी जा सकती है। यानी अगेन मैंने आपको क्या बताया, अभी आप ओल्ड वाला टैक्स स्कीम समझ लीजिए, एक बार पूरा मॉड्यूल 3 तक के हम पहुंचे तो न्यू स्कीम भी हम लोग फिर से देखेंगे ओल्ड स्कीम के साथ। तो अगर आप देखेंगे नोट्स के पेज नंबर 29 के ऊपर मैंने यहां पे कोऑपरेटिव टैक्स रेट्स लिखे हुए हैं और साथ साथ में यहां पे अमेंडमेंट भी बताया हुआ है। इसी चैप्टर में ऊपर हमने इस सेक्शन को पूरा का पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है, चेक कीजिएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर द फर्स्ट 10,000 रुपीज, मार्क इट, फॉर द फर्स्ट 10,000 रुपीज टैक्स रेट इज 10%, फॉर द नेक्स्ट 10,000 रुपीज इट इज 20% एंड फॉर द बैलेंस इट इज 30%। इफ द इनकम एक्सीड ₹1 करोड़, 12% वॉज द सरचार्ज एंड सेस वॉज ऑलरेडी 4%। ये ओल्ड स्कीम थी।
न्यू स्कीम हैज बीन ब्रॉट अप अंडर 115 BAD, यानी इस साल दो सेक्शन लेकर के आए, BAC फॉर इंडिविजुअल एंड HUF, BAD फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, और इसके पहले BAA और BAB डोमेस्टिक कंपनी के लिए थे ही। तो स्पेशल रेट, स्पेशल ऑप्शंस क्रिएट किए गए हैं, तो देखने में काफी मजा आएगा। जिसके अंदर में क्या किया गया है मैं आपको बता देता हूं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए एक 22% फ्लैट रेट लेकर के ये लोग आए हैं। हाँ, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अगेन वही डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस हम लोग कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो 22% का टैक्स रेट प्लस 10% का सरचार्ज प्लस 4% का सेस, वही इफेक्टिव टैक्सेशन आ जाएगा 25.17% आ जाएगा अगर वो इस ऑप्शन के अंदर में आते हैं तो। अगेन ये ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा रिटर्न भरने से पहले, कोऑपरेटिव सोसाइटी को चूज करना पड़ेगा वेदर दे आर गोइंग फॉर द ओल्ड स्कीम और दे आर गोइंग फॉर द न्यू स्कीम। सर किस लिए लाया है? वो इसलिए भी लाना जरूरी था इस साल क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज कई सारी धीरे धीरे स्लो डेथ मर रही है। हाँ, बिकॉज ऑफ द गुड इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, आप देख सकते हैं पिछले 4-5 साल के अंदर में बैंकिंग जिस तरीके से चेंज हुआ है उस तरीके से कोऑपरेटिव बैंक्स नहीं चेंज हो पाए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं चेंज हो पाई, और धीरे धीरे कोऑपरेटिव सोसाइटी स्लो डेथ मर रही है। एट द सेम टाइम मैं आपको अगर बताऊं, कई कोऑपरेटिव सोसाइटी तो इसलिए भी मर गई क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज में घोटाले चालू हो चुके थे। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर्स थे वही क्या कर रहे थे, उसके अंदर में फ्रॉड कर रहे थे, जिसके कारण कई कोऑपरेटिव सोसाइटी डूबी और लोगों का विश्वास कोऑपरेटिव सोसाइटी में कम हो गया। और इसीलिए भी अगेन कोऑपरेटिव सोसाइटी जितनी बची है या नई कोऑपरेटिव सोसाइटी को मोटिवेट करने के लिए क्या किया गया, न्यू टैक्स स्कीम्स लेकर के आई 115 BAD, और चाहे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो रेट अप्लाई कर सकती है। सो फर्स्ट 10,000 10%, नेक्स्ट 10,000 20% एंड द बैलेंस 30%। यहां पे आइए, फॉरेन कंपनी के नीचे लिखिएगा को ऑपरेटिव सोसाइटी, यहां पे लिखिएगा ओल्ड स्कीम, फर्स्ट 10,000 10%, नेक्स्ट 10,000 20%, बैलेंस 30%। साथ ही साथ अलग पेन से ये लिख के रखिएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन चूज टू ऑप्ट फॉर न्यू स्कीम of taxation under section 115 BAD, wherein tax rate effective would be 25.17%। 25.17% कैसे आया? 22% का टैक्स रेट है, 10% मैंडेटरी सरचार्ज इनकम कुछ भी हो, प्लस 4% का सेस, सो 25.168 होता है, सब्सटेंशियली इफेक्टिवली 25.17% हम लोग ने यहां पे लिख के रखा है वो कवर होता है सर। डन सर, आ जाइए, आप देख सकते हैं पेज नंबर 129 के ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने अदर असेसीज का भी टैक्स कंप्लीट कर दिया। यानी अब सोचिए, जो हमने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP BOI, लोकल अथॉरिटी, AJP, आपको नहीं लगता हमने सभी के टैक्स कैलकुलेशंस कंप्लीट कर लिए? हाँ, हम लोगों ने एक चीज जिसके ऊपर अभी तक डिस्कस नहीं किया है वो है न्यू ऑप्शंस, और मैंने आपको बता दिया क्योंकि जब आप उसका बिल टैक्स रीड करेंगे उसमें कई ऐसे डिडक्शंस हैं जिनके बारे में आपको अभी कुछ भी नहीं पता है, या एटलीस्ट बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जिनको कुछ पता होगा। इसीलिए हम इन टॉपिक्स को, जितने भी है, डोमेस्टिक कंपनी के दोनों ऑप्शंस, इंडिविजुअल का जो नया ऑप्शन आया है और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो नया ऑप्शन आया है, हम इसको मॉड्यूल 3 के अंदर में डिटेल के अंदर में देखेंगे, जब तक हम अपना बहुत सारा टॉपिक कंप्लीट कर चुके होंगे और तब हमें ये बहुत अच्छे से समझ भी आएगा, राइट? तो सर
ये वाला पार्ट छोड़ दें, बाकी सब हम कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं आता हूं बड़े काम की चीज के ऊपर, जिसको हम कहते हैं मार्जिनल रिलीफ। हालांकि समझने के लिए काम का है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मार्जिनल रिलीफ बहुत ज्यादा काम का नहीं है। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलीफ सिर्फ नाम का रिलीफ है, ये कोई एक्चुअल रिलीफ है ही नहीं। मुझे ये लगता है कि ये रिलीफ सिर्फ नाम का रिलीफ है, ये कोई एक्चुअल रिलीफ है ही नहीं। और मुझे ऐसा सच में लगता है कि या तो ऐसा कोई रिलीफ देना ही नहीं चाहिए, फोकट में आपने दे रखा है और कोई मतलब नहीं है, ऐसा हो जाता है इसके साथ। आइए आपको समझाते हैं कि मार्जिनल रिलीफ नाम का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहली चीज, मार्जिनल रिलीफ कभी सुना हुआ लगता है सीए इंटर के अंदर में, सीएस इंटर, सीए में, कहीं पे भी आप लोगों ने कुछ सुना हुआ लगता है मार्जिनल रिलीफ नाम की चीज। अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 1.28 के ऊपर आपका मार्जिनल रिलीफ स्टार्ट होता है सर। यस और नो? सो पेज नंबर 1.28 के ऊपर आइए, मार्जिनल रिलीफ। इसके ऊपर एक एमसीक्यू बड़ा फेमस है, मार्जिनल रिलीफ किस एसएससी के लिए है? आपका आंसर आना चाहिए ऑल एसएससी। मार्जिनल रिलीफ किसके लिए एप्लीकेबल है? ऑल एसएससी के लिए एप्लीकेबल है, आपका ये आंसर आना चाहिए। दूसरी बात, मार्जिनल रिलीफ है क्या? शुड आई टेल यू और शुड आई शो यू? आई थिंक आई शुड शो यू, आपको एक मिनट में समझ में आ जाएगा। अंडरस्टैंड, योर इनकम इज लेट से 50 लाख, ठीक है, और यहां आपकी इनकम को मैं इंक्रीज कर देता हूं 51 लाख पे, ठीक है। चलिए दोनों पे टैक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं मेरे साथ साथ। अब आप टैक्स कैलकुलेट करने में माहिर हो चुके होंगे और हम निकाल देते हैं सर टैक्स, ठीक है। 50 लाख के ऊपर टैक्स निकालना है तो इनकम अप टू 10 लाख रुपीज कितने आने वाली है? 1,12,500 बराबर, और जो भी आपका बैलेंस बचता है 40 लाख, इस पे टैक्स रेट आएगा 30% के हिसाब से, ये बनेगा 12 लाख, टोटल आएगा 13,12,500। आप भी कंप्यूट कर लीजिए, आपको बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। मैं फॉर द टाइमिंग एचईसी को बाजू रख रहा हूं, अपन सिर्फ टैक्स के ऊपर बात करते हैं। कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाएगी इसके लिए। तो अगर मेरी इनकम 50 लाख रुपए तक के है, 50 लाख रुपीज तक के है, सो माय टैक्स वुड कम सर्टेनली टू 13,12,500। डू यू अग्री? चलिए जी, इफ माई इनकम इज 51 लाख, नाउ कंप्यूट द टैक्स। अप टू 10 लाख रुपीज, 1,12,500, बैलेंस 41 लाख, टैक्स रेट 30%, आई थिंक 12,60,000 और 12,30,000 प्लस 1,12,500, 13,42,500, इजंट इट? नाउ आई वुड एड सरचार्ज टू इट। व्हाई सरचार्ज? बिकॉज इफ इनकम एक्सीड 50 लाख, वन थिंग विच इज एप्लीकेबल इज सरचार्ज, इजंट इट? तो मैं इसके ऊपर सरचार्ज लगाऊंगा। याद करना होगा आपको सरचार्ज का रेट क्या है सर। सरचार्ज का रेट है कितना परसेंट सर? 10%। नॉर्मल इनकम या स्पेशल इनकम दोनों के ऊपर ये रेट बिल्कुल सेम है और आपका रेट बनेगा सर 10% के हिसाब से। सो 13,42,500 इंटू 10%, यहां पे आपका सरचार्ज हो जाएगा सर 134,250, और आपका टैक्स इंक्लूडिंग सेस यहां पे आने वाला है 14,76,750। फोर्टीन लैख 76,750 यह आपका टोटल आ रहा है। अरे भाई यहां पे क्यों नहीं आ रहा है? जैसे कि मैंने कहा सिस्टम थोड़ा स्लो प्रोसेस कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। 14,76,750, ठीक है। अब मेरी एक बात को जरा ध्यान से सुनिए,
दो मिनट के लिए अगर हम एचईसी को बाजू रख दे, ठीक है, 2 मिनट के लिए हम अगर एचईसी को बाजू रख दे, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी अमाउंट आई है उसके ऊपर 4% आएगा, जरा समझना। मैं एक आम आदमी, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सो असेसिंग ऑफिसर और असेसी, यहां पे असेसी, मैं असेसिंग ऑफिसर से पूछता हूं, सर 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 समस्तकार सर सर मुझे बताइए कि ये क्या कैलकुलेशन है, नहीं मतलब तुम करना क्या चाह रहे हो, मैं हूं कौन, मैं क्या बेवकूफ हूं, कैसी बातें कर रहे हैं सर आप, यू आर टॉकिंग टू एन असेसिंग ऑफिसर, काइंडली टॉक, काइंडली बिहेव, क्या कहना क्या चाहते हैं आप सर, अंडरस्टैंड, मेरी इनकम 50 लाख और मेरी इनकम 51 लाख, सो माई इनकम 50 लाख और माई इनकम 51 लाख, राइट, वेन माई इनकम इज 50 लाख माई टैक्स कम्स टू 13,12,500, डू यू अग्री, यस यस आई अग्री, ओके, देन जस्ट विद एन इंक्रीज ऑफ इनकम ऑफ 1 लाख, राइट, इफ आई मेड एन एडिशन टू माई इनकम 1 लाख रुपीज, माई सब्जेक्टिव टैक्स वुड इंक्रीज टू 1,64,250, एडिशनल इनकम कितनी कमाई 1 लाख, एडिशनल टैक्स कितना आया 1,64,250, जरा मुझे ये कैलकुलेशन आप समझाएंगे कि ये कौन सा आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, जरा मुझे समझाएंगे सर ये, नो नो सर वी हैव अ लॉ दैट इनकम इफ एक्सीड रुपीज यू नो 50 लाख रुपीज, सो वी हैव अ सरचार्ज, सर कुछ भी हो आपका लॉ आप अपने पास रखिए, लेकिन अगर मैंने 1 लाख रुपए से बस एडिशनल इनकम कमाई, मेरा टैक्स आ गया 1,64,250 रुपीज, द हाइएस्ट रेट ऑफ टैक्स इज 30%, दिस इज 164% ऑफ टैक्सेशन, एडिशनल इनकम कितनी कमाई 1 लाख रुपए, एडिशनल टैक्स कितना आ गया 1,64,250, कोई भी आदमी जिसने ये 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाया होगा, आप सोच के देखिए उस आदमी का दर्द, सोच के देखिए सर कमाया कितना, एडिशनल 1 लाख रुपए, टैक्स कितना देना आ रहा है 1,64,250 एडिशन में, आदमी बोलेगा ये यू नो आदमी बोलेगा कि यार ये तो ऐसा हो गया कि पैसे नहीं और आदमी सत्यनारायण कर रहा है, आदमी घर बेच के सत्यनारायण थोड़ी ना करेगा साहब, आप खुद देख सकते हैं आपका कैलकुलेशन आपके सामने है, जब ये कैलकुलेशन सरकार के सामने लेके जाते हैं सरकार बोलती नो 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 वी हैव अ प्रोविजन ऑफ सरचार्ज यू नो आर्टिकल 271, अरे कुछ भी हो भाई साहब, पर अगर मैंने एडिशनल इनकम 1 लाख रुपए कमाई है, द हाइएस्ट यू कुड टेक इज द मैक्सिमम अमाउंट, आपने ये कौन सा टैक्स है सर, 164% का टैक्स है सर, ये 1 लाख कमाया उस पर 164 टैक्स देना, ये किसने सिखाया, और ये आपको लगता है एसएससी जेन्युइन, अब ऐसे केसेस में आप बताओ एसएससी टैक्स प्लानिंग नहीं करेगा तो क्या करेगा, लॉजिकल बात है, उसने उसने सरकार के सामने एकदम सिंपल लॉजिक रखा, सर ऐसे केसेस में आदमी टैक्स कैलकुलेशन ही करेगा, अब आप मुझे बताइए आप आर्टिकल शिफ्ट कर चुके हैं, अब ऐसे केसेस में आपको क्या लगता है, या तो वो अपनी इनकम हायर दिखाए या तो वो अपनी इनकम लोअर दिखाए जहां पे सरचार्ज ना लगे, 99.99999% यही होगा कि वो अपनी इनकम 50 लाख से नीचे दिखाएगा, तो आपने लॉ ही ऐसे बना रखे हैं, मतलब जिसने भी ये लॉ बनाया, ठीक है ये बनाया बहुत अच्छे पर्पस के हिसाब से, लेकिन इसमें कुछ लूपहोल्स भी है ना सर, ये है लूपहोल लॉ का, आदमी 1 कमा रहा है उसके ऊपर टैक्स आ रहा है कितना 1,64,000 प्लस एचईसी अलग, यानी इस अमाउंट के ऊपर 4% का और उसको आना है, तो आप बताइए एसएससी टैक्स प्लानिंग नहीं करेगा तो क्या करेगा, करना ही पड़ेगा उसको टैक्स प्लानिंग, ये बात सरकार को समझ में आई, और सरकार अगेन एक महान लॉ लेकर के आई और एक महान रूल लेकर के आई, मार्जिनल रिलीफ, नाम का रिलीफ है साहब, मैं आपको प्रूव कर दूंगा नाम का रिलीफ है, और इसी के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस नहीं है एग्जामिनेशन के अंदर में, बट हां आपको ऐसा कोई कंसेप्ट है ये पता होना चाहिए, इसके लिए आपको दे रखा है, हमने भी बुक में दे रखा है अलॉन्ग विद द प्रॉब्लम्स, बट आप सोच के देखिए कि क्या है ये, ड्रैकोनियन लॉ है, किस तरीके का लॉ है ये कि आदमी ने 1 लाख रुपए कमाया और उसको टैक्स आ रहा है 1,64,250, यही 1 करोड़ के ऊपर होगा तो आदमी परेशान हो जाएगा, 2 करोड़ के ऊपर होगा वो परेशान हो जाएगा, 5 करोड़ के ऊपर होगा वो तो सबसे ज्यादा परेशान हो जाएगा, सो मार्जिनल रिलीफ अप्लाई कहां करता है, मार्जिनल रिलीफ अप्लाई करता है जहां पे सरचार्ज के कारण, ध्यान से सुनिए, सरचार्ज के कारण द एडिशनल टैक्स पेबल एक्सीड द एडिशनल इनकम अर्न, सरचार्ज के कारण आपका टैक्स पेबल आपकी एडिशनल इनकम अर्न से ज्यादा हो जाए, आपका सरचार्ज के कारण अगर आपका टैक्स
टैक्स पेबल आपकी एडिशनल इनकम से ऊपर चल जाए, इस कंसेप्ट के ऊपर आपको क्या पे करना, इस कंसेप्ट के ऊपर आपको क्या मिलता है, मार्जिनल रिलीफ मिलता है कि इफ द टैक्स पेबल एक्सीड द मार्जिनल इनकम अर्न्ड, मार्जिनल रिलीफ इज अवेलेबल टू ऑल असेसी। मार्जिनल रिलीफ क्या करता है जरा सुनिए, कोई रिलीफ नहीं है, मैं आपको प्रूव कर देता हूं। मार्जिनल रिलीफ करता क्या है, मार्जिनल रिलीफ बोलता है कि ठीक है चलो, सरकार बोलती है ठीक है, अब देखो ये बात तो तुम सही कह रहे हो कि ये तुम्हारे साथ हार्डशिप है, बहुत हार्डशिप है। तो सरकार ने क्या किया, जिसने भी ये प्रोविजन बनाई, मैं कंफर्म कहता हूं बिल्कुल सस्ते नशे करके ये प्रोविजन बनाई गई है, कंफर्म सस्ते नशे करके प्रोविजन बनाई गई है। प्रोविजन समझिए सर, वो क्या कहते हैं, ओके यू डू वन थिंग, मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करते टाइम यू कैलकुलेट द टैक्स अप टू विच नो सरचार्ज इज एप्लीकेबल, दैट मीन्स टैक्स अप टू ₹50 लाख। आप जैसे 50 लाख के तक के टैक्स कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल 50 लाख रुपए तक के टैक्स कैलकुलेट कर दीजिए, टैक्स अप टू ₹50 लाख बराबर। एड एड द एडिशनल इनकम अर्न्ड, आपने जितनी एडिशनल इनकम अर्न कर दी है, आप अब ये एडिशनल इनकम उसके साथ साथ में जोड़ दीजिए, काम खत्म। और इसके ऊपर अब सरचार्ज लगाने की जरूरत नहीं, इसके ऊपर सिर्फ आप डायरेक्टली क्या लगाएंगे, HEC लगाएंगे, दैट मीन्स टैक्स अप टू ₹50 लाख प्लस टोटल इनकम माइनस ₹50 लाख, टोटल इनकम माइनस ₹50 लाख, टैक्स अप टू ₹50 लाख प्लस टोटल इनकम माइनस ₹50 लाख, इतना आपको क्या करना है, पे कर देना है, प्लस इसके साथ साथ HEC जोड़ दीजिएगा। अब आपको सरचार्ज नहीं लगाएंगे। अब एक आम इंसान इसका मीनिंग समझे, मीनिंग क्या है, टैक्स अप टू ₹50 लाख, तो वो क्या कहते हैं, क्या निकालो, 50 लाख तक के टैक्स निकालो, 50 लाख तक का टैक्स आएगा ₹13,12,500, ये हम लोगों ने निकाला यहां पे, राइट। सो ये आया टैक्स अप टू ₹50 लाख बराबर। अब इन्होंने क्या कहा, जितना एडिशनल इनकम अर्न किया है वो पूरा का पूरा जोड़ दो, या फिर इसको अलग शब्दों में कहें तो टैक्स अप टू ₹50 लाख प्लस प्लस एडिशनल इनकम आपने जितनी अर्न करी है ये पूरी की पूरी इसके साथ साथ जोड़ दीजिए। ये लीजिए सर, एडिशनल इनकम कितनी जोड़ी, ₹1 लाख इसके साथ साथ जोड़ दीजिए। अब आपका मैक्सिमम टैक्स कितने पे रिस्ट्रिक्ट हो गया, ₹14,12,500 पे आपका मैक्स टैक्स क्या हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया। और एक्चुअल पेबल कैसे निकालेंगे, इसमें 4% क्या कर देंगे, HEC एड कर देंगे बराबर। तो आपका टोटल पेबल कितना निकल गया, 14,12,500। अब आपका टैक्स इससे ऊपर नहीं जाएगा, आपका टैक्स यहां रिस्ट्रिक्ट हो गया, इससे ऊपर अब आपका टैक्स नहीं जाएगा। एक आम आदमी क्या पूछेगा आपको पता है, एक आम आदमी बोलेगा स्टिल वेयर इज द रिलीफ, जितना मैंने एडिशनल इनकम कमाया वो तो पूरा का पूरा ही सरकार को जा रहा हूं, नॉट 164% बट 100% तो आप मेरे से ले ही रहे हो, 100% तो साहब आप मेरे से अब भी ले रहे हो, रिलीफ कहां हुआ, वेयर इज द रिलीफ। आई होप यू आर गेटिंग दिस। नाउ योर टैक्स वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 4,12,500। अभी आपका टैक्स क्या हो गया, यहां पे रिस्ट्रिक्ट हो गया। सरकार कहती है, कंसेप्ट को मेरे साथ पढ़िएगा, इन केस पॉइंट नंबर ए लोकल अथॉरिटी फर्म, और ये कहां कहां एप्लीकेबल है, ये हर जगह एप्लीकेबल है जहां पे क्या हो रहा होगा, सरचार्ज स्ट्राइक हो रहा होगा, और सरचार्ज से थोड़ी सी मार्जिनली इनकम के ऊपर। सर ऐसी कोई लिमिट है कि यहीं तक के मार्जिनल रिलीफ वर्क करेगा, नहीं, आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको हर बार ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा कि इस इनकम के ऊपर मेरा टैक्स ज्यादा ना हो इनकम से, और हर बार आपको ये क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। 50 लाख के ऊपर मार्जिनल रिलीफ है, 1 करोड़ के ऊपर भी है, 2 करोड़ और 5 करोड़ के ऊपर भी अब मार्जिनल रिलीफ वर्क करेगा। तो क्या कहते हैं, अब जैसे मैं पॉइंट बी में जाता हूं, पेज नंबर 1.29 पे, पहले इंडिविजुअल के लिए समझ लेते हैं। अप टू 50 लाख, नथिंग, 50 लाख टू 1 करोड़ का ब्रैकेट अगर आप देखें तो वहां पे आपको दिखेगा टैक्स अप टू ₹50 लाख प्लस टोटल इनकम माइनस ₹50 लाख। आइए, मैंने इसके ऊपर प्रॉब्लम भी रखा है, बाकायदा आप नीचे जाएंगे बुक के अंदर में तो सॉल्व प्रॉब्लम आपको दिखेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के नीचे देखो सॉल्व प्रॉब्लम दिखेंगे। सॉल्व प्रॉब्लम में पेज नंबर 36 के ऊपर आइए, सॉल्व प्रॉब्लम आप देखेंगे, इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल एज बिलो 60 कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी एंड मार्जिनल रिलीफ शैल बी एज अंडर,
समझिए, एक एक कैलकुलेशन समझते हैं। अप टू 50 लाख रुपीज, कोई सरचार्ज एप्लीकेबल है आपको? नहीं, तो कोई मार्जिनल रिलीफ का वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है, राइट? सो अप टू 50 लाख रुपीज योर टैक्स वुड सर्टनली कम टू 13,12,500, जो यहाँ पे दिख रहा है, गेम ओवर। अब मैं क्या करता हूं, अपनी इनकम को मार्जिनली इंक्रीज कर देता हूं, लेट्स से 51 लाख रुपीज कर देता हूं। अब क्या होगा, आप देखिए, आपका कैलकुलेशन आपको अब दिख जाएगा। योर टैक्स शुड कम टू 14,76,750, जो अभी हमने कैलकुलेट किया, पर इस टैक्स को कितना रिस्ट्रिक्ट कर देगी सरकार, 14,12,500 पे क्या कर दिया जाएगा, इस टैक्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। आपको इतना टैक्स आपको क्या करना है, अब पे करना है, राइट? इतना टैक्स अब आपको पे करना है, ये आपको बोला जाएगा, और अब आपको सरचार्ज देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक बार इस कैलकुलेशन को देखिए। तो फाइनल टैक्स अब आपका कितना पेबल रहेगा, फाइनल टैक्स अब आपका आ जाएगा 14,12,500। सर आपको मिल गया यहां पे मार्जिनल रिलीफ। अब आपको मैक्स कितना पे करना है, 14,12,500 पे करना है। ना आपके ऊपर अब सरचार्ज लगेगा, ना अब आपके ऊपर सेस लगने वाला है, कुछ नहीं। दिस इज द फाइनल अमाउंट यू नीड टू पे। पर असेसी यहां पे भी क्या बोलेगा, रिलीफ किधर हुआ, इससे अच्छा तो मैं 1 लाख रुपए ना मेरे कमाता ही नहीं, उतना काम मैं घर पे बैठ जाता, मेरी बीवी चिल्लाती रहती है, तुम मेरे को टाइम नहीं देते, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर, इससे अच्छा तो मैं घर पे बैठ जाता, जो 1 लाख रुपए मैंने कमाया वो तो एज इट इज मैं सरकार को दे रहा हूं। समझ में आई बात? तो इसी के लिए ये नाम का रिलीफ है, ये एक्चुअली रिलीफ नहीं है। हालांकि इसके ऊपर प्रॉब्लम भी आपको बहुत कम पूछते हैं, बट कॉन्सेप्ट है तो हम आपको जरूर बता रहे हैं। आइए 1 करोड़ के ऊपर टेस्ट करते हैं, ठीक है? 1 करोड़ और 1 करोड़ 2 लाख, यहां पे मैंने दो चीजें दी हुई है। 1 करोड़ होगा मतलब 50 लाख का सरचार्ज भी, 50 से 1 करोड़ तक का सरचार्ज भी 10% इसमें क्या किया जाएगा, एड किया जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता है जब हम 1 करोड़ के लिए निकालते रहेंगे तब हम इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर गेम खेलेंगे। मैं आपको बताता हूं कैसे, ठीक है? लेट्स से सबसे पहले हम लोग टैक्स निकालते हैं किसके ऊपर, 1 करोड़ के ऊपर। अगर हम 1 करोड़ के ऊपर टैक्स निकाल रहे हैं, चलिए मेरे साथ साथ कैलकुलेटर ले लीजिए। 1 करोड़ के ऊपर हम लोग टैक्स निकालते हैं, 1 करोड़ -10 लाख रुपीज, टैक्स कम्स टू 28,12,500, यस और नो? प्लस प्लस 50 लाख टू 1 करोड़ तक की इनकम के ऊपर तो 10% का सरचार्ज है, तो 10% सरचार्ज इसमें ऐड कर दीजिए, टोटल टैक्स कम्स टू 30,93,750 रुपीज, वो यहां पे आ गया, बराबर। अब मैं मेरी इनकम को मार्जिनली इंक्रीज करता हूं, मेरी इनकम जाती है 1 करोड़ 2 लाख। मुझे क्या करना होगा, 1 करोड़ तक का टैक्स निकालना होगा, प्लस 2 लाख रुपीज एडिशनली पूरा का पूरा सरकार को सौंप देना होगा। अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो मेरा टैक्स क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, फिर मेरे को एडिशन में सरचार्ज और सेस देने की जरूरत नहीं, मेरा टैक्स अमाउंट क्या कर दिया जाएगा, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। तो जरा समझते हैं हम लोग कैसे करेंगे, चेक कीजिएगा। 1 करोड़ 2 लाख रुपीज, 1 करोड़ तक का टैक्स हमारे पास है कितना, 30,93,750, बराबर। इसमें स्ट्रेट अवे 2 लाख रुपए ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 32,93,750। अगर ऐसा ना करते तो हमारा टैक्स क्या होता था, 33,03,375। चेक कीजिए कैसे, चेक कर लीजिए, आप खुद चेक कर लीजिए। 1 करोड़ 2 लाख के ऊपर टैक्स निकलता था आपका, 1 करोड़ 2 लाख के ऊपर टैक्स निकलता था, प्लस फिर उसके ऊपर क्या आता था, सरचार्ज आता था आपका कितने परसेंट के हिसाब से, 15% के हिसाब से आपका सरचार्ज आता था, यस और नो? और आपकी इनकम क्या हो जाती थी, इंक्रीज हो जाती थी। तो उन्होंने क्या किया, 1 करोड़ तक का आप टैक्स निकालिए और 1 करोड़ के टैक्स के ऊपर जितना आपने एडिशनल इनकम अर्न किया है वो पूरा का पूरा जोड़ दीजिए। तो आपने यहां पे 1 करोड़ तक का टैक्स निकाला, 30,93,750, इसमें जितनी भी आपकी एडिशनल इनकम है पूरी की पूरी जोड़ दीजिए, अब आपका टैक्स आ जाएगा 32,93,750 रुपीज। आप चेक कर लीजिए मालिक। सिंस
दो और सरचार्ज के रेट जुड़े थे 2 करोड़ एंड 5 करोड़, तो मार्जिनल रिलीफ इन कंसेप्ट के ऊपर भी बढ़ गया। तो आइए देखते हैं 2 करोड़ तक का टैक्स क्या आता है। कैलकुलेटर उठाइए, अप टू 2 करोड़ एंड 2 करोड़ 3 लाख, यहां पे हमने एग्जांपल्स दिए हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सबसे पहले 2 करोड़ पे टैक्स निकालते हैं। 2 करोड़ माइनस 10 लाख इंटू 30% प्लस 58,12,500 बराबर है। सिंस मेरी इनकम 2 करोड़ तक की ही है तो 15% का सरचार्ज मुझे लगना चाहिए। माई टोटल टैक्स कम्स टू 15% ऐड करके 66,84,375, ये आ रहा है सर, आप भी देख लीजिए, 66,84,375। अब मेरी इनकम 2 करोड़ 3 लाख रुपए है, यहां पे हम चेक करते हैं, रुको स्लो जाते हैं, 2 करोड़ 3 लाख के ऊपर टैक्स निकालते हैं। इसमें से 10 लाख तक का टैक्स मुझे पता है, बराबर। यहां पे क्या होगा, सरचार्ज ऐड किया जाएगा एट द रेट ऑफ 25%, देख सकते हैं आप, 7,378,125, ये आपका टैक्स बनता है। मार्जिनल रिलीफ आपसे क्या बोलेगा, मार्जिनल रिलीफ बोलेगा कैलकुलेट द टैक्स अप टू 2 करोड़ और जितनी मार्जिनल इनकम कमाई है पूरी की पूरी ऐड कर दो, दिस इज द मैक्सिमम रिस्ट्रिक्टेड टैक्स यू शुड पे, गेम ओवर। आप देख सकते हैं यहां पे अपना कितने तक का टैक्स निकला था, 2 करोड़ तक का टैक्स कितना था, अप टू 2 करोड़ 66,84,375, व्हाट इज द मार्जिनल इनकम अर्न, 3 लाख रुपीज, टोटल ऐड कर दीजिए 69,84,375, गेम ओवर। सो टैक्स अप टू एन अमाउंट वेयर नो सरचार्ज, हायर सरचार्ज इज एप्लीकेबल एट द होल एडिशनल इनकम अर्न, ऐड कर दीजिए। सेम उसी तरीके से 5 करोड़ का भी है सर, तो क्या ये मैक्सिमम अमाउंट है जहां पे सरचार्ज लगता है, आंसर इज नो। आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा हर बार। सर क्या ऐसा कोई प्रॉब्लम एग्जाम के अंदर में आता है, आंसर इज नो। सर तो फिर पढ़ाई जिम्मेदारी, ये आपको ऐसा कोई कंसेप्ट है सर, क्या ये कंसेप्ट सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी के लिए, हर एसएससी के लिए इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, हर एसएससी के लिए ये कंसेप्ट है इंक्लूडिंग दी फॉरेन कंपनी। इसका मैंने प्रॉब्लम्स आपको यहां पे दिए हुए हैं, बिल्कुल आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सर कोई एक मैक्सिमम लिमिट नहीं है क्या, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपको ट्रायल एंड एरर बार बार करना पड़ेगा इस चीज के अंदर में कि कहां आपका टैक्स डज नॉट एक्सीड द इनकम अर्न। तो पेज नंबर 28 पे वापस आते हैं, मार्जिनल रिलीफ इन केस ऑफ फर्म लोकल अथॉरिटी एंड LLP, इस केस में क्या किया जाएगा, जहां इनकी भी इनकम 1 करोड़ रुपए के ऊपर मार्जिनली जा रही है, बिल्कुल हम वही करेंगे, टैक्स अप टू 1 करोड़ रुपीज प्लस होल एडिशनल इनकम अर्न इज द हाईएस्ट टैक्स रिस्ट्रिक्टेड। तो यहां पे आप देख सकते हैं इन केस ऑफ लोकल अथॉरिटी फर्म एंड LLP, वेयर फर्म इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स LLP, वेयर टोटल इनकम इज लेस देन 1 करोड़ रुपीज, एग्रीगेट इनकम टैक्स एंड सरचार्ज शेल बी रिस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन इनकम अप टू 1 करोड़ प्लस टोटल इनकम माइनस 1 करोड़। टोटल इनकम माइनस 1 करोड़ का मतलब क्या हो गया, जितना भी एडिशनल इनकम आपने अर्न किया होगा वो इंडिविजुअल के केस में, अभी अभी हम लोगों ने देखा प्लस इसके प्रॉब्लम्स भी देखे। तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं रेफर द प्रॉब्लम्स ऑन पेज नंबर 36। तो पेज नंबर 36 के ऊपर आपको प्रॉब्लम दिए हुए हैं इसके ऊपर पूरे, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ में डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनी, डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनी का 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की अगर इनकम होगी, ठीक उसी तरीके से होगा, फॉरेन कंपनी की इनकम 10 करोड़ के ऊपर होगी मार्जिनली, तब भी उस तरीके से कैलकुलेट होगा, फॉरेन कंपनीज के लिए भी ये एप्लीकेबल है। तो ऑल इन ऑल ये हर असेसी के लिए क्या है, एप्लीकेबल है उनके टैक्स कैलकुलेशन में। यहां स्पेसिफिकली एओपी बीओआई नहीं दिया है, उसका रीजन आपको मॉड्यूल 3 के अंदर में पता चल जाएगा, बट यहां पे हर तरीके के असेसी कवर्ड है, आप
ये समझ लीजिए। दिस वॉज मार्जिनल रिलीफ, बिल्कुल टेंशन मत लेना। यहां पे हमने एक फॉर्मेट दिया है कि आपकी इनकम किस तरीके से कैलकुलेट होती है। पेज नंबर 30 के ऊपर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज जब मिला दोगे बन जाएगा आपका ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से क्या माइनस करोगे, डिडक्शन माइनस कर दोगे तो बन जाएगा आपका टोटल इनकम। यस और नो? आइए अब मैं आपको बता दूं कि सर हम क्या कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। यहां से हम यहां से चार सेक्शंस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं जो यहां पे दिए हुए हैं। 115 BAA, 115 BAB, 115 BAC और 115 BAD। ये चार सेक्शन को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं मॉड्यूल 3 के अंदर में। बराबर है? ये चार सेक्शन को हम क्या कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं मॉड्यूल 3 के अंदर में। मालिक मैं क्या कर रहा हूं, कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं क्योंकि इसका ओरिजिनल मीनिंग आपको वहां समझेगा। हालांकि मैंने आपको बता दिया ये किसके अगेंस्ट में, पहले दो ये आपको ऑप्शन है अगेंस्ट द कंपनी, थर्ड वाला आपको ऑप्शन है अगेंस्ट द इंडिविजुअल एंड HUF, एंड लास्ट वाला आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए क्या क्रिएट किया गया है, ऑप्शन क्रिएट किया गया। ये जो दो है ये फाइनेंस एक्ट 2020 से आपको क्या किए गए हैं, ऐड किए गए हैं। तो ये अमेंडमेंट वाला पार्ट भी, और इसके लिए आपको बाकी सारे सेक्शंस का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है प्रभु। अदरवाइज आप देखेंगे नोट्स पूरे के पूरे देख लीजिए, चैप्टर 1 के आप नोट्स पूरे देख सकते हैं। पेज नंबर 18 से लेकर के 115 BAA से लेकर के फिर है BAB, कमिंग फॉरवर्ड BAC, कमिंग फॉरवर्ड BAD। ये चार सेक्शन को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसीलिए 17 से लेके 28 तक के हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझ लिया कि क्या है, ओवरऑल डिटेल आगे देखेंगे। मार्जिनल रिलीफ अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, अदर SSC का टैक्स हम लोगों ने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया सर, फॉर्मेट खत्म कर दिया। ब्रॉड स्ट्रक्चर मैंने आपको ये दे करके रखा है ताकि आप जब मेरी ये बुक को अपने प्रैक्टिस के अंदर में भी रखेंगे, अपने ऑफिसर्स के अंदर में भी लेके जाएंगे, आपको समझ में आएगा कौन से चैप्टर के अंदर में क्या कवर है। रेलेवेंट दो केस लॉज यहाँ पे दिए हुए हैं, उस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले TA कुरेशी, ये मैंने आपको जजमेंट बताया है बट फिर भी मैं आपको एक और बार याद दिला देता हूं। इनकम टैक्स हैज नथिंग टू डू विद लीगल और इलीगल, इलीगल इनकम इज ऑल्सो चार्जेबल टू टैक्स, हाउएवर इलीगल एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन अंडर सेक्शन 37 PGBP, राइट? तो इलीगल इनकम आपकी जरूर हम लोग क्या कर रहे हैं, टैक्स कर रहे हैं। TA कुरेशी, वेदर इलीगल इनकम इज ऑल्सो लाइबल टू टैक्स, इट वॉज हेल्ड दैट इनकम टैक्स द सोर्स ऑफ इनकम इज इरेलेवेंट, नेचर ऑफ रिसीट इज इंपॉर्टेंट। तो ये इनलीगल एक्टिविटी से भी आई है और अगर ये रेवेन्यू रिसीट है तो इट इज चार्जेबल टू टैक्स। सौराष्ट्र सीमेंट्स लिमिटेड, ये सुनो, लिक्विडेटेड डैमेजेस रेवेन्यू रिसीट है क्या, राइट? लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या है, असेसी ने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग द प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन हुआ ये कि सामने वाले ने मशीन सप्लाई करने के अंदर में क्या कर दिया, डिले कर दिया, जिसके कारण असेसी को लिक्विडेटेड डैमेजेस मिले। असेसिंग ऑफिसर ने कहा ये जो लिक्विडेटेड डैमेजेस आप रिसीव कर रहे हैं दिस इज इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू रिसीट और ये आपका बिजनेस इनकम है और इसे आपको टैक्स करना चाहिए। जबकि असेसी का कहना था कि सर दिस वॉज रिसीव्ड अगेंस्ट द असेट एंड इट वॉज अ कंपनसेशन फॉर द डिले ऑफ माई बिजनेस लॉस, और ये अगेंस्ट दी असेट रिसीव हुआ है और इसी के लिए इसे कैपिटल रिसीट बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली हेल्ड किया दैट लिक्विडेटेड डैमेजेस जो आपको मिल रहे हैं फॉर डिले इन सप्लाई ऑफ मशीनरी इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट सिंस इट इज नॉट अ रिसीट इन द कोर्स ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। ये जो रिसीट हुई है इसका ऑब्जेक्टिव जो था ये प्रॉफिट अर्निंग ना होकर के क्या था, आपका लॉस रिड्यूस करना था, और इसी के लिए ये लिक्विडेटेड डैमेजेस जो रिसीव कर रहे हैं ये आपका क्या कर रहे हैं, हम लोग कैपिटल रिसीट बना रहे हैं एंड नॉट टैक्सेबल। नीचे आएंगे तीन प्रॉब्लम बाकी है मेरे हिसाब से, ये तीन प्रॉब्लम भी कर लेते हैं और साथ साथ में MCQ भी खत्म कर लेते हैं, सो दैट हमारा यहां पे चैप्टर नंबर 1 क्या हो जाएगा मालिक, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग सक्सेसफुली चैप्टर नंबर 2 के ऊपर जा सकेंगे। ठीक है,
नीचे सॉल्व प्रॉब्लम के अंदर मैंने एक ही प्रॉब्लम दिया है, सॉल्व प्रॉब्लम के अंदर मैं मार्जिनल रिलीफ वाला, अदरवाइज आपको यहाँ पे सॉल्व प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है, प्लस यहाँ पे स्पेस भी दी है आपको कुछ लिखना है तो आइए प्रॉब्लम नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ थेनोस। 33 ईयर्स, लॉन्ग टर्म 20 लैक्स, शॉर्ट टर्म 28 लैक्स। यहां देख सकते हैं आप हमारी इनकम ऑलरेडी हाई है, सो वी डोंट नीड एनी मार्जिनल रिलीफ हियर। द लॉन्ग टर्म इज 112A, इसीलिए बियॉन्ड 1 लाख रुपीज हम लोग क्या कर रहे हैं, टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ₹6,20,000 इज योर स्पेशल, 1,70,00,000 रुपीज, 10,00,000 रुपीज बैलेंस टैक्स रेट 12%। यहां तक के आई थिंक अब मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है कि मैं कौन सी चीज क्यों ले रहा हूं, कहां ले रहा हूं और कैसे ले रहा हूं। आई होप आपको यहां तक के सारी चीजें समझ में आई होगी। अब मेरा एक इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सरचार्ज रेट क्या लगेगा, क्योंकि आपकी ओवरऑल इनकम 2 करोड़ रुपए के ऊपर है, तो सरचार्ज रेट 25% लगाया जाए अदर इनकम के ऊपर और स्पेशल इनकम के ऊपर 15% लगाया जाए, या दोनों के ऊपर 15% लगाया जाए, इसका जवाब आपको मुझे देना ही होगा। सोचिए समझिए, क्या आपकी अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर है? नहीं, आपकी ये इनकम प्लस स्पेशल इनकम मिला के 2 करोड़ रुपए के ऊपर है। नॉर्मल इनकम प्लस स्पेशल इनकम मिला के 2 करोड़ रुपए के ऊपर है। यहां एसएससी के ऊपर जेन्युइन हार्डशिप हो सकती थी, इसीलिए डिपार्टमेंट ने क्या बोला था, इधर भी 15 इधर भी 15, याद आ रहा है आपको, जहां अदर इनकम मिला के आपके 2 करोड़ रुपए के ऊपर जा रही है, असेसी के ऊपर जेन्युइन हार्डशिप हो जाएगा, क्योंकि ये रोज राइज होने वाली इनकम नहीं है, इसी के लिए इस टाइम पे भी 15 दिया, यहां पे भी 15 दिया। तो ओवरऑल आप यहां पे देखेंगे, ये वो कंसेप्ट वाला प्रॉब्लम है, 55,32,500 दिस बिकेम योर टैक्स, विल एड सरचार्ज एट द रेट ऑफ 15%। एंड एड HEC एट द रेट ऑफ 4%। ₹66,16,870, चेक इट आउट। आपकी अदर इनकम मिला के, आपकी अदर इनकम को क्या कर रहे हैं, मिला के साहब, आपकी अदर इनकम को मिला के अगर ये हो रहा है, तो हम ओवरऑल इनकम पे सरचार्ज जो लगाएंगे वो कितने परसेंट से लगाएंगे साहब? बिल्कुल सही, हम लोग जो सरचार्ज लगाएंगे वो 15% से लगाएंगे, हमने 15% से सरचार्ज लगा दिया। ये वो कंसेप्ट वाला प्रॉब्लम था, आप मार्क कर सकते हैं इसे, इंपॉर्टेंट।
डन। प्रॉब्लम नंबर 10 की अगर हम बात करें, मिस्टर रॉकेट 41 की एज है, इनकम ऑलरेडी, अदर इनकम ऑलरेडी आपकी 2 करोड़ रुपीज से ऊपर है, मतलब अदर इनकम के ऊपर लगेगा 25% और स्पेशल इनकम के ऊपर लगेगा 15% अगर आपको याद हो तो साहब। तो बिल्कुल ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं सर। लॉन्ग टर्म 5 लाख रुपीस, शॉर्ट टर्म 48 लाख्स, ₹12,20,000 आउट ऑफ स्पेशल एक्टिविटी। चेक इट आउट, कैलकुलेशन आप अपने अपने साथ साथ में करते रहें। टू करोड़ 70 लाख्स यहां पे दिया है, टोटल होगा क्या यहाँ पे? बिल्कुल नहीं सर, यहाँ पे आप अपना अलग अलग सरचार्ज ऐड करेंगे, ये गलती बस यहाँ पे मत करना। यहाँ पे जो आप सरचार्ज ऐड करोगे, ये सरचार्ज होगा 15%, जबकि यहाँ का सरचार्ज होगा 25%। तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ये देख लीजिए, हम लोगों ने यहाँ 25% सरचार्ज ऐड किया और वहां 15% का क्या किया, सरचार्ज हम लोगों ने कर दिया ऐड। अब इन्हें जोड़ें तो लॉजिकल है। वेट, मैंने बोलते वक्त गलत बोला है, 1,17,45,370, 1,17,45,370 आपका ग्रैंड टोटल बन रहा है।
एक बार देख लीजिए कहां पे क्या लिया है, कैसे लिया है, आपको खुद ब खुद सर समझ में आ जाएगा। डन सर, चलिए लास्ट वाला जल्दी से सॉल्व कीजिए। लास्ट वाला बस एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। मिस्टर ग्रूट 68 इयर्स के हैं सर, मिस्टर ग्रूट, और यहाँ पे 6 करोड़ 30 लाख रुपीज इनकम बनता है, 41 लाख और 10 लाख। तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर टैक्स बता रहा हूँ क्या आएगा। इसका सर स्ट्रेट अवे 40 लाख इंटू 10% ये बन जाएगा 4 लाख, 10 लाख इंटू 15% ये बन जाएगा 1,50,000। ये हो गया आपका 5.5 लाख, 5.5 लाख पे 15%। एट्टी टू 500 आपका टोटल हो गया, सिक्स लाख 32,500। तो यहां पे एक चीज ऐड हो गई, 6,32,500, 6 करोड़ 30 लाख के ऊपर टैक्स। थर्टी सेवन परसेंट सरचार्ज के साथ। ये आ रहा है सर 2,563,6,125। चेक कर लें एक बार। सही है, गलत है? गलत है सर। क्यों गलत है? आपने एज नहीं देखी, मैंने घुमाया और आप घूम गए। असेसी सीनियर सिटीजन है, 1,12,000 ऐड नहीं होगा, 1,12,500 ऐड नहीं होगा, 1,10,000 ऐड होगा, और ये होगी आपकी गलती। दिस शुड कम टू 2,563,27,00। टू करोड़ 62,65,200 एड HEC एट द रेट ऑफ 4%। टू करोड़ 73,15,808, और इसे राउंड ऑफ कर लेना 2,73,15,810 के ऊपर। यहां आपका पूरे के पूरे प्रॉब्लम्स जो है ये समाप्त होते हैं साहब।
आप देख सकते हैं हमने बहुत बहुत सारे प्रॉब्लम लिए, करीब करीब 15 एग्जाम्पल लिए हम लोगों ने, प्लस जो हम लोगों ने यहाँ सॉल्व किया वो अलग, नंबर ऑफ प्रॉब्लम जो यहाँ सॉल्व किए वो अलग। इज दैट डन? देख सकते हैं आप सर, इसको बोलते हैं मेहनत। जब इतनी मेहनत करोगे ना तुमको सच में मजा आएगा, मजा छोड़ो तुमको एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा यार, एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन की यार इतने दिनों बाद, दिनों क्यों यार, इतने सालों बाद आई एम एबल टू डू समथिंग। और उसमें भी अगर तुम प्रॉपर टैक्स कैलकुलेशन कर रहे होंगे ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम शूट हो जाएगा और तुमको लगेगा तुमने लाइफ में स्मार्ट डिसीजन लिया है इस क्लासेस को ऑप्ट करके। आपको जरूर लगेगा हम लोगों ने पूरे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। आप देख सकते हैं सॉल्व वाला तो वैसे ही सॉल्व है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अब इस चैप्टर के अंदर में एमसीक्यू बाकी है। मैं वैसे तो आपको अलग से एमसीक्यू बुक दे रहा हूं, कम टू पेज नंबर 32, मैं वैसे तो आपको पूरी की पूरी एमसीक्यू बुक अलग से दे रहा हूं, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है पिछले एक साल भर में, मैं आपको वो बताता हूँ। वी स्मार्ट अकेडमी अपने बच्चों को हमेशा एमसीक्यू बुक दे रहा है, लेकिन मैंने कुछ सर्वे किए जिसके अंदर मैं देखा कि बच्चे को जब एमसीक्यू बुक दे दिया तो वो एमसीक्यू को एंड तक के हाथ नहीं लगा रहा था। और ऐसे तो सर मेरा ओवरऑल रिजल्ट खराब हो जाएगा और आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, मतलब मेरा परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, इसीलिए मैंने हर चैप्टर में क्या किया, हर चैप्टर के पीछे कुछ एमसीक्यू डाल दिए, भले ही 10 एमसीक्यू एक चैप्टर के पीछे। अगर ऐसा भी देखे तो 43 टॉपिक्स आर देयर, यू नो 43 × 10, आपके 400-500 एमसीक्यू तो हम क्लास में फिर सॉल्व कर ही देंगे। तो ये चीज मैंने एक जरूर रखी है कि जहां जहां पे मुझे लगा मैंने उन टॉपिक्स के अंदर में एमसीक्यू जरूर इंसर्ट कर दिया। और इसके अलावा आपको क्या कर दिया, और एक एक्स्ट्रा में एमसीक्यू बुक प्रोवाइड कर दिया। और ये होगा मजेदार बात, द सोर्स ऑफ इनकम टैक्स। क्या है सोर्स ऑफ इनकम टैक्स का बताइए, इनकम टैक्स लॉ का सोर्स क्या है? ऑब्वियसली इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज द सोर्स। तो ये एक देख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एजुकेशन एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस टू बी कलेक्टेड इज 4%। बहुत सिंपल रखे जानबूझ के, एजुकेशन सेस इज लेवीएबल इन केस ऑफ इंडिविजुअल कंपनी ऑल एसएससी ओनली इंडिविजुअल, आई थिंक विदाउट एनी कॉन्टेप्ट विदाउट एनीथिंग, ऑल एसएससी। एसएससी इज ऑलवेज अ पर्सन, बट अ पर्सन मे और मे नॉट बी एसएससी। बताइए क्या होगा इसके ऊपर? ट्रू, पार्टली ट्रू नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है, याद रखिएगा। असेसमेंट ईयर कैन बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ फॉलोइंग पर्सन, एक्स एंड वाई अ लीगल हेयर ऑफ जेड, जेड डाइड इन 20 एंड एक्स एंड वाई कैरी ऑन हिज बिजनेस विदाउट एनी पार्टनरशिप। बताइए आपको नहीं लगता पार्टनरशिप के बिना दो लोग मिलकर के काम कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो ये बन गया सर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टर्म्स ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, कौन सी चीज इनकम में नहीं आती? प्रॉफिट एंड गेन्स आता है, डिविडेंड आता है, प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी आता है, रीइंबर्समेंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इज नॉट अ इनकम, ये सिर्फ आपका खर्चे को आपको वापस देना है, ये आपकी इनकम नहीं कहलाती है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज अलाउड मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ 12,500, मैक्सिमम रिबेट इज अवेलेबल इज 12,500। तो 8 हमने सॉल्व कर दिए। चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स इज सेक्शन नंबर 4। एजुकेशन फोर्सेस ऑफ 4% इज पेबल ऑन इनकम टैक्स सरचार्ज, इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ असेसी इज ऑल्सो डिटरमाइंड फॉर द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। रेसिडेंशियल स्टेटस जो डिटरमाइन किया जाता है ये कब के लिए किया जाता है सर, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के लिए किया जाता है। द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू अ फर्म, फर्म को कौन सा रेट एप्लीकेबल है बताओ इसमें से, 30%। एबीसी इनकॉर्पोरेशन अ फॉरेन कंपनी हैज अ टोटल इनकम ऑफ 1 करोड़, 1.2 करोड़, वट वुड बी द अमाउंट ऑफ सरचार्ज? आपको शायद बताने की जरूरत नहीं है सर, 2% इज द सरचार्ज। डायरेक्ट टैक्स इज अ काइंड ऑफ टैक्स वेयर बर्डन ऑफ टैक्स इज डायरेक्टली ऑन द पेयर, इट इज नॉट शिफ्टेड।
डिसीजन प्रोनाउंस बाय सुप्रीम कोर्ट बिकेम्स लॉ, जो सुप्रीम कोर्ट बना देता है वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है, याद होगा। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की है। एग्जम्पशन ऑफ 2,50,000 और 5 लाख इज एप्लीकेबल फॉर रेसिडेंट ओनली। अगर यहां पे सिर्फ 2,50,000 लिखा होता तो आपका आंसर होता था क्या बेटा, नॉन रेसिडेंट। यहां पे आपका लिखा होना चाहिए रेसिडेंट, क्योंकि 5 लाख का लिमिट सिर्फ रेसिडेंट के लिए भी है, नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं है। इनकम इंक्लूड्स लीगल एज वेल एज इलीगल बोथ। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ HUF इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया, देन इट वुड बिकेम अ नॉन रेसिडेंट। हालांकि आगे आएगा, बट अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ओनली आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है तो बाय डिफॉल्ट में क्या बनेगा, नॉन रेसिडेंट। इनकम टैक्स इज कवर्ड अंडर एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट, तो 82 आपका आंसर होना चाहिए। AOP शुड कंसिस्ट ऑफ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल्स ओनली और बोथ, आपका आंसर होना चाहिए बोथ, इंडिविजुअल भी कवर्ड है और अदर देन इंडिविजुअल्स भी कवर है। तो प्रभु आप लोग देख सकते हैं हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, MCQ सॉल्व कर लिए, सॉल्व क्वेश्चन को हम लोगों ने ओवरव्यू कर लिया, जितने भी प्रोविजंस थे एक्सेप्ट 4 जो मैंने आपको बताए इसको हम लोगों ने कर लिया पूरे के पूरे डिटेल के अंदर में। शुरू किया था हमने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को पढ़ना, और पढ़ते 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 हम आ गए। मैं सेक्शन 4 पे आपको वापस से लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि अब आपका सेक्शन 4 कंप्लीट हुआ है सर। अब हाँ, अब आपका सेक्शन 4 कंप्लीट हुआ है, मैं आपको बता देता हूं लास्ट चीज, फिर ब्रेक देता हूं पक्का। इनकम टैक्स इज पेबल, इनकम टैक्स पे करना है कब, फॉर एनी असेसमेंट ईयर एट द रेट स्पेसिफाइड बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट। पूरी चीज पढ़ना चालू किए थे रेट, हम सेक्शन 4 पढ़ रहे थे और सेक्शन 4 को तोड़ा 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 तोड़ रहे थे। हमने सबसे पहले इनकम टैक्स वर्ड को तोड़ा, फिर टोटल इनकम वर्ड को तोड़ा, एनी पर्सन को तोड़ा, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर तोड़ा, और एंड में आए हम टैक्स रेट के ऊपर, हम टैक्स रेट को तोड़ के आए। अब आप इस सेक्शन को पढ़िए, आपको मजा आएगा। हम लोगों ने चारों सेक्शन पढ़ लिए, सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, सेक्शन 2 डेफिनेशन, हालांकि सारी डेफिनेशन हमने यहां नहीं पढ़ी, सिर्फ जितनी रेलेवेंट है हमने यहां पढ़ा, आगे जैसे चैप्टर में जाएंगे तो रेलेवेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तीसरा सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर, सेक्शन 4 बेसिस ऑफ चार्ज, और 5 से आपका चालू होता है रेसिडेंशियल स्टेटस, मतलब आपका जो बेसिक टैक्स कैलकुलेशन वाला चैप्टर है वो सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 4 तक के आपको क्या किया हुआ है, दिया हुआ है, और हमने चारों सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। सो इनकम टैक्स इज पेबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर एट द रेट गिवन इन एनुअल फाइनेंस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन इन द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में किसी भी पर्सन की टोटल इनकम पे हमें टैक्स पे करना होगा असेसमेंट ईयर में उस रेट पे जो एनुअल फाइनेंस एक्ट के अंदर में दी हुई है। और आई होप अब आपको इसका मतलब समझ चुका है, और हम पढ़ेंगे तो सच में हद कर देंगे, वरना प्रोग्राम रद्द कर देंगे। इसी के साथ आपके मॉड्यूल 1 का चैप्टर नंबर 1 ओवर होता है। हम ब्रेक के बाद चैप्टर नंबर 2 के ऊपर जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 है इनकम टैक्स अथॉरिटीज। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Thank you.
ओके, वेलकम आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब हम चालू करते हैं एक नया चैप्टर। चैप्टर नंबर वन कंप्लीट हो चुका है हमारा, चैप्टर नंबर टू के ऊपर हम लोग चालू पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर टू के पहले अगर आप देखेंगे तो आपको एक ऐसा दिखेगा असेसमेंट चार्ट, राइट। यहां पे मैं अब इसके आगे का पूरा मॉड्यूल वन के अंदर के कौन कौन से टॉपिक है मैं आपको याद दिला देता हूं। मॉड्यूल वन के अंदर में आपका पूरा असेसमेंट, सर्च, सीजर, रेड, अपील, सो ऑन एंड सो फोर्थ। व्हाई दिस मॉड्यूल फर्स्ट, मतलब ये मॉड्यूल हमने फर्स्ट लिया, उसका ये पीछे एक बहुत स्पेसिफिक लॉजिक है। मैं आपको लॉजिक समझा देता हूं और यहां से जितने भी टॉपिक अगर आपको आगे आते हुए दिखेंगे ये सारे के सारे एक बहुत अच्छे से लिंक करके रखे हुए मैंने, और ये लिंक आपको समझनी बहुत जरूरी है। एंड बिलीव मी, द मोमेंट यू अंडरस्टूड दिस लिंक, नो द नेक्स्ट 15 टॉपिक इंक्लूडिंग द कॉम्पिटिशन, यू विल बी अ जेम। आप अपने ऑफिस के अंदर में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर में आपका नाम सबसे ऊपर होगा जब भी इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होगा, चाहे इसके प्रैक्टिकल एंगल की बात हो, इसके थियोरेटिकल एंगल की बात हो, या इसके इंटरप्रिटेशन की बात हो, आप सबसे बहस कर लेंगे। और इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद सर मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि आपको प्रैक्टिकल इंसाइट तो समझेगा कि कौन सा सेक्शन किसके बाद क्यों आता है। आप उसके ऊपर अपने सीनियर से भी बहस कर पाएंगे, अपने ऑफिस में अपना बात रख पाएंगे और क्लाइंट को अकॉर्डिंगली समझ पाएंगे। नाउ असेसमेंट टॉपिक्स क्यों, व्हाई असेसमेंट टॉपिक्स इन द फ्रंट, बिकॉज टिल इंटर लेवल व्हाट यू हैव डन इज कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। सो प्रीटी मच यू नो एटलीस्ट समथिंग अबाउट कंप्यूटेशन, इवन दो यू डोंट नो द प्रोविजंस राइट नाउ, बट यू नो व्हाट द कंप्यूटेशन इज और हाउ कंप्यूटेशन इज डन। If you remember, the last topic in the inter was return filing, right? Return filing तक का concept आपको पता है। हम अपनी total income compute करते हैं, इसके ऊपर deductions as all सारी चीजें claim करते हैं, advance tax if any pay करते हैं, TDS का deduction का claim लेते हैं, and finally return of income भर देते हैं। लेकिन सवाल उठता है return of income भरने के बाद इसका क्या होता है, और यहां आता है मजा आपको CA final level के। ये वो topic है जो inter में कभी discuss नहीं हुए थे और आज हम लोग उसको क्या करने वाले हैं, discuss करने वाले हैं, right? So यहां से आज मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूं जो आगे के 10 चैप्टर की लिंक लगाएगा और आपको बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक से। तो सर मेरे साथ साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले आइए द असेसमेंट चार्ट। ये मेरा कॉपीराइटेड पेटेंटेड चार्ट है सर, इसके पहले आपको ये मेरी बुक के अलावा कहीं पे भी नहीं दिखने वाला। और ये मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो पूरा का पूरा मैंने इस चार्ट के अंदर में निकाल के रख दिया है, जो 10 साल से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके अंदर कौन सी चीज किसके पीछे और किस तरीके से लगनी चाहिए वो यहां पर हम लोगों ने निकाल करके रख दिया है। इस चार्ट को ऊपर करीब, इस चार्ट के एनालिसिस के ऊपर करीब वी विल डिवोट हाफ एन आवर जस्ट टू एनालाइज द होल प्रोसेस। व्हाट हैपेंस आफ्टर वी फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम, व्हाट हैपेंस आफ्टर वी फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस चार्ट। आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट हैव दिस चार्ट, जल्दी से आ जाइए। सबसे पहले अगर आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट का नाम है द असेसमेंट चार्ट बाय विजय सारडा, राइट। सबसे पहले AAR आपको यहां पे दिख रहा है, उसके नीचे एक असेसी दिख रहा है और यहां पे एक और बंदा दिख रहा है आपको AO, राइट। अब इसको पूरा समझते हैं कि एक रिटर्न भरने के बाद का प्रोसेस क्या होता है, एक रिटर्न भरने के बाद प्रोसेस किस तरीके से वर्क करती है, और फिर हम चैप्टर्स की ओर चलेंगे, राइट। फॉर द टाइमिंग AAR छोड़ दीजिए, असेसी, असेसी क्या करता है जरा समझिएगा। असेसी सबसे पहले अपनी टोटल इनकम कंप्यूट करता है, राइट। वी डू इट ऑन बिहाफ ऑफ असेसी, बट लेट अस अंडरस्टैंड असेसी। असेसी अपनी पांचों हेड की इनकम निकालता है, उसके ऊपर इनकम कंप्यूट करता है, उसके ऊपर टैक्स कंप्यूट करता है, और टैक्स कंप्यूट करने के बाद सबसे पहले हम उससे क्या भरवाते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सो द फर्स्ट टाइम असेसी कंप्यूट इज टोटल इनकम एंड बिफोर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ही पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स आफ्टर क्लेमिंग द बेनिफिट ऑफ एडवांस टैक्स इफ एनी पेड और टीडीएस इफ एनी और मैट EMT क्रेडिट व्हाटसोएवर, यस और नो। तो वो क्या पे करता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इसीलिए घर से निकलते कुछ दूर चलते सबसे पहले क्या आता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। द मोमेंट ही पेस सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इसके बाद वो क्या करता है, अपना रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट कर देता है। रिटर्न ऑफ इनकम आपको भी पता होगा, वेबसाइट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं, और कौन सी वेबसाइट के थ्रू, ई फाइलिंग पोर्टल के थ्रू हम लोग करते हैं अपनी अपना जो रिटर्न है, लॉग इन करके अप्रोप्रिएट ITR सबमिट करते हैं उसके XML लेकर के, राइट। जैसे ही आप लोग रिटर्न ऑफ इनकम भरते हो, यहां तक का पार्ट आप लोगों ने इंटर में पढ़ लिया था, इसके बाद क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। द मोमेंट आपने रिटर्न भरा, ये रिटर्न कहां जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाता है। लेकिन एक मैं आपको समय की बात बताता हूं, एक समय था जब फिजिकल रिटर्न्स भरे जाते थे, ये हमारे आर्टिकल चिप का टाइम था जब हम लोग फिजिकल रिटर्न भरते थे। आज जो रिटर्न भरे जा रहे हैं ये ऑनलाइन भरे जा रहे हैं ई फाइलिंग के ऊपर। आप लोगों ने ऐसा दौर भी देखा होगा, इनफैक्ट आप लोगों के आर्टिकल चिप के अंदर भी चेंज आया होगा। कुछ दिनों पहले हम लोग क्या करते थे,
ऑनलाइन रिटर्न भरते थे, उसका प्रिंट निकालते थे, प्रिंट निकाल के क्लाइंट का साइन लेते थे और उसको सीपीसी बैंगलोर भेजना पड़ता था, यस और नो, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर के ऊपर भेजना पड़ता था, बैंगलोर के ऊपर रिटर्न जाते थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर में डेवलपमेंट हुई, उसी तरीके से क्या हो गया, आपका चेंज आया, मोबाइल ओटीपी अडॉप्ट कर लिए गए, आधार ओटीपी अडॉप्ट कर लिए गए, नेट बैंकिंग ओटीपी अडॉप्ट कर लिए गए और अब आपको सीपीसी बैंगलोर भेजने की जरूरत नहीं, रिटर्न ऑटोमेटिकली सीपीसी बैंगलोर में क्या हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है अगर आप आधार इंटरनेट या अदर ओटीपी के थ्रू करते हो। आप लोगों ने देखा है ये अपने ऑफिस में होता है, राइट। अच्छा जी, इसके बाद क्या होता है, सो तो आपने सबसे पहले क्या भरा, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करने के बाद आपने रिटर्न ऑफ इनकम भरा, रिटर्न ऑफ इनकम आपने किसको दे दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है इस रिटर्न के साथ, यहां से होती है पूरी कहानी शुरू। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एज ऑफ नाउ दो सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर का नाम है ट्रेसेस और दूसरे सॉफ्टवेयर का नाम है CASS। ट्रेसेस क्या है, आपको याद होगा आपके ऑफिस में आपने जितने भी टीडीएस टीसीएस के रिटर्न भरे हैं ये सारे आपने ट्रेसेस की वेबसाइट के ऊपर भरे हैं, याद आ रहा होगा, तो यस और नो, टीडीएस सीपीसी वेबसाइट के ऊपर आप लोगों ने भरे हैं, इसे कहा जाता है ट्रेसेस। ये एक सॉफ्टवेयर है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है जो प्योरली टीडीएस टीसीएस रिकंसिलिएशन एनालिसिस एंड असेसमेंट करता है, और इसका फुल फॉर्म भी आप समझ लीजिए सर, टीडीएस रिकंसिलिएशन एंड एनालिसिस करेक्शन अनेबलिंग सिस्टम, TRACES, टीडीएस रिकंसिलिएशन एनालिसिस एंड करेक्शन अनेबलिंग सिस्टम, ये है ट्रेसेस का फुल फॉर्म। जितने लोगों को नहीं पता होगा आज अपने ऑफिसर्स में जाकर के मजे ले लेना, बता बोलना ट्रेसेस का फुल फॉर्म क्या है। सो ट्रेसेस का फुल फॉर्म है, अगर आप चाहें तो इसके नीचे लिख लें, हालांकि जरूरत नहीं है बट अपने नॉलेज के लिए चाहें तो आप लिख सकते हैं, टीडीएस रिकंसिलिएशन एनालिसिस एंड करेक्शन अनेबलिंग सिस्टम, टीडीएस रिकंसिलिएशन एनालिसिस एंड करेक्शन अनेबलिंग सिस्टम, बराबर है। तो अब जितने भी हम रिटर्न प्रोसेस करते हैं टीडीएस के या टीसीएस के, वो सारे के सारे इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए जाते हैं और टीडीएस टीसीएस के रिटर्न को बिल्कुल अलग प्रोसेस किया जाता है ऑन द ट्रेसेस सॉफ्टवेयर, बराबर है। दूसरा आता है CASS, इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सॉफ्टवेयर। ये इनकम टैक्स का असेसमेंट और स्क्रूटनी करने के लिए बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम कहते हैं CASS, कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सॉफ्टवेयर। प्लीज राइट डाउन CASS के नीचे, कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सॉफ्टवेयर, बराबर है। अब जरा ध्यान से सुनिए, हम कौन कौन से रिटर्न भरते हैं इस बात पे फोकस करते हैं। एक, हम लोग रिटर्न ऑफ इनकम भरते हैं, दूसरा हम लोग टीडीएस रिटर्न भरते हैं, तीसरा हम लोग टीसीएस रिटर्न भरते हैं। टीडीएस टीसीएस रिटर्न कहां प्रोसेस होने वाला है, ट्रेसेस के सॉफ्टवेयर पे होने वाला है डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। और रिटर्न ऑफ इनकम का प्रोसेसिंग पूरा का पूरा कहां होता है, आपके CASS के ऊपर होता है, कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सॉफ्टवेयर के ऊपर। अब इस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको मैं डिटेल बताता हूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये नहीं पता था जब तक कि मैंने कुछ एओस के थ्रू बात नहीं की, समझ के नहीं लिया इस प्रोसेस को, थोड़ा और क्लैरिटी नहीं ली, तब तक के मुझे भी ऑनेस्टली नहीं पता था। तो आपने क्या किया, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया, यू पेड द सेल्फ असेसमेंट टैक्स, देन यू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम, देन द रिटर्न गॉट प्रोसेस, डिपेंडिंग अपॉन विच काइंड ऑफ रिटर्न, इधर अ टीडीएस रिटर्न और अ टीसीएस रिटर्न और अ रिटर्न ऑफ इनकम, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द केस इट विल बी ऑटोमेटिकली प्रोसेस्ड इन द एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर। नाउ व्हाट हैपन, व्हाट Exactly it process, it does the summary assessment. करता क्या है ये software आपके summary assessments करता है। ध्यान से सुनिए, पहले section की ओर आप जा रहे हैं, 1431 summary assessment. Summary assessments मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अर्थमेटिकल एरर्स अगर कुछ होंगे वो साफ करता है, हालांकि अब होते नहीं क्योंकि हम खुद सॉफ्टवेयर से बनाते हैं, राइट। तो स्टिल कोई अर्थमेटिकल एरर होगा, इनकरेक्ट क्लेम होगा, असेसी ने क्लेम कर लिया है हालांकि ये क्लेम उसको मिलने वाला नहीं है या उस क्लेम के लिए वो एलिजिबल नहीं है, राइट। सो ही इज ईदर नॉट एलिजिबल और ही हैज रॉन्गली क्लेम्ड अ पर्टिकुलर डिडक्शन, ये एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं। उसके बाद में आपको याद होगा जब हम लोग ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, ऑडिट के कुछ एक्सेप्शंस डालते हैं ITR 4 करते वक्त, यस और नो, तो ऑडिट ऑब्जेक्शंस कुछ होंगे तो उसके अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स ये क्या करता है, हैंडल करता है, राइट।
आपने अगर लॉस क्लेम किया है रिटर्न के अंदर में, इफ यू हैव क्लेम द लॉस इन द रिटर्न एंड रिटर्न इज फाइल्ड बियॉन्ड द ड्यू डेट, द रिटर्न इज फाइल्ड बियॉन्ड द ड्यू डेट, तो आपको याद होना चाहिए अगर रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल किया गया है तो लॉस कैरी फॉरवर्ड करने मिलता नहीं, 139(3) का प्रोविजन है। तो ऐसे केसेस में ऐसी जितनी भी एडजस्टमेंट है ये सारी की सारी समरी असेसमेंट्स में जाती है, और आपने जो टैक्स पे किया है ये सारी एडजस्टमेंट के बाद आपका इनकम कंप्यूट किया जाता है, रिकंप्यूट किया जाता है, और डिपार्टमेंट के हिसाब से इनिशियली टैक्स आता है, और इसका एक इंटीमेशन आपको इशू होता है। आपने अपने ऑफिसर्स के अंदर में नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, और देखा होगा तो आपको पता होगा 143(1) का इंटीमेशन आता है, या अब क्लाइंट को क्या आता है, मैसेजेस आते हैं दैट योर रिटर्न हैज बीन प्रोसेस्ड, 143(1) ये है वो, दैट मींस आपने जो रिटर्न भरा इस रिटर्न को डिपार्टमेंट ने प्रोसेस किया, और इनिशियली इनिशियली डिपार्टमेंट के हिसाब से क्या निकाला, उनने इनकम निकाला, आपकी टोटल इनकम निकाली, लॉस इफ एनी निकाला, रिफंड इफ एनी कंप्यूट किया उनने अपने हिसाब से, इसे हम कहते हैं समरी असेसमेंट। एक बात को यहीं से ध्यान ले, समरी असेसमेंट को कोई एओ कर रहा है या सिस्टम कर रहा है, सर सिस्टम कर रहा है, असेसिंग ऑफिसर नहीं कर रहा है। इसे ऑटोमेटिकली जो सॉफ्टवेयर है CASS या ट्रेसेस, ये ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, समरी असेसमेंट कंप्यूट करते हैं, बराबर है। आपकी टोटल इनकम को रिकंप्यूट किया जाता है एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्राइमरीली प्राइमरीली समझिएगा। यहां तक की प्रोसेस मेरे साथ सभी लोग रिपीट कीजिए। सबसे पहले यू पेड द सेल्फ असेसमेंट टैक्स, देन यू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम करने के बाद क्या हुआ, ये रिटर्न या तो ट्रेसेस में गया या CASS में गया, और इसका सबसे पहले क्या हुआ, समरी असेसमेंट। क्या हुआ मालिक, समरी असेसमेंट। तो एज ऑफ नाउ मैं TDS रिटर्न को बाजू कर रहा हूं, मैं नॉर्मल रिटर्न के साथ चल रहा हूं, ठीक है। नाउ ये रिटर्न गया समरी असेसमेंट के अंदर, समरी असेसमेंट के बाद आपकी टोटल इनकम कंप्यूट हुई। अब क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर मैं आपको बताता हूं क्या करता है, CASS के सॉफ्टवेयर, ये बहुत जबरदस्त सॉफ्टवेयर है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए बनाया गया है। ये क्या करता है, कुछ लोगों के नाम बाहर निकाल देता है। अब एओ है, एओ का एक जुरिस्डिक्शन होता है, आपने देखा होगा, आप रेंज या वर्ल्ड आप डालते हैं रिटर्न के ऊपर, बराबर है। तो रेंज और वर्ल्ड के हिसाब से हर एक को कुछ राइट्स असाइन किए हुए हैं एओ को। अब एओ ये देखता है मेरे जुरिस्डिक्शन में कितने लोग आते हैं जिनका पैन इशू किया हुआ है, इनमें से कितने लोगों के रिटर्न आ चुके हैं, उसको ऑटोमेटिकली एक रिपोर्ट मिल जाती है सॉफ्टवेयर से कि कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक क्या नहीं भरा है, रिटर्न नहीं भरा है। साथ ही साथ सिस्टम क्या करता है, कुछ सैंपलिंग बेसिस पे, सैंपलिंग बेसिस पे कुछ असेसीज के नाम निकाल करके रख देता है, जो ये बताता है कि किन किन के ऊपर असेसमेंट्स की जा सकती है, किन किन के ऊपर असेसमेंट्स की जा सकती है रैंडमली। नाउ अब यहां से एओ का कॉल आ जाता है, यहां पे देखिएगा, अब एओ का कॉल आता है कि इसके ऊपर असेसमेंट करना है या नहीं करना है। समझ लीजिए सॉफ्टवेयर ने निकाल दिए 70-80 नेम्स, अब 70-80 असेसमेंट्स इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल एट द सेम टाइम, अंडरस्टैंड दिस, यस और नो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 से 4 असेसमेंट एओ एक टाइम पे हैंडल करता है, सो ही विल डिसाइड वेदर टू डू द असेसमेंट और नॉट टू डू द असेसमेंट। सो आपने सबसे पहले क्या करा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया, सेकंड रिटर्न भरा, रिटर्न भरने के बाद इसका प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग होने के बाद जब उसके सामने कुछ नाम्स आ गए, अब एओ डिसाइड करेगा क्या इसका असेसमेंट करना है या इसका असेसमेंट नहीं करना है, गेटिंग इट और नॉट। अगर इसका असेसमेंट नहीं करना है तो पूरा मैटर यही खत्म हो जाता है, जो असेसी ने पे किया है एओ ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब डिपार्टमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एंड द होल चैप्टर ओवर। दूसरा सिचुएशन पॉसिबल क्या हो सकता है, दैट एओ डिसाइडेड टू डू द असेसमेंट। एओ क्या करता है, डिसाइड करता है असेसमेंट करने के लिए। अब लॉजिकली सोच के देखना, ठीक है, अब लॉजिकली सोच के देखना, ये देखो, अगर वो डिसाइड करता है कि आपको क्या करना है, उसका असेसमेंट करना है, तो होगा क्या, अंडरस्टैंड, आपने तो एक रिटर्न ऑफ इनकम भरा, रिटर्न ऑफ इनकम इज अ पीस ऑफ पेपर, आपको भी पता है हम लोग क्या करते हैं रिटर्न के अंदर में बहुत ज्यादा डिटेल देते हैं क्या, नहीं, हम लोग समरी देते हैं, फॉर एग्जांपल ओवरऑल बिजनेस प्रॉफिट कितना हुआ, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कितना हुआ, प्रिंटिंग एंड अदर स्टेशनरी एक्सपेंसेस कितना हुआ, परचेसेस कितना हुआ, लेकिन डीप डाउन किसको पता, अकाउंटिंग एंट्री कुछ अलग गलत हो सकती है, कोई दूसरा एक्सपेंडिचर किसी और जगह पे बुक हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइट बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइट बी ट्रीटेड एज कैपिटल, यस और नो, इसके पास डिटेल तो अवेलेबल नहीं, इसके पास सिर्फ क्या है, अ सिंगल पीस ऑफ पेपर, दैट इज योर रिटर्न ऑफ इनकम, इसके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है। नाउ अगर मुझे चेक करना है, ऑडिट करना है कि ये सच में सही एक्सपेंडिचर है कि नहीं, असेसी क्लेम कर रहा है 5 लाख रुपीज एज इलेक्ट्रिसिटी बिल, एज अ असेसिंग ऑफिसर आई शुड वेरीफाई वेदर दिस 5 लाख रुपीज इज एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी बिल और नॉट। कैसे करेंगे, जैसे एक ऑडिटर करता है, ऑडिटर के पास एक स्टेटमेंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट। अब हम कैसे करते हैं, ऑडिट करते हैं, जितने लोग ऑडिट वाले होंगे जरा मेरे तरफ ध्यान दीजिएगा। अब उन्होंने क्या किया,
आपके पास आ गया, उसमें लिखा है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 5 लाख। कैसे करते हैं ऑडिट, हम क्या मांगते हैं उससे, इलेक्ट्रिसिटी बिल मांगते हैं और चेक करते हैं पूरे भैया साल भर के बिल है या नहीं है, और उसका इन टोटल 5 लाख रुपीज आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसमें अगर कुछ पेनल्टी वगैरह अलग से लिखी है, उसकी अकाउंटिंग अलग से कर देते हैं हम लोग। तो सेम उसी तरीके से अब एओ को क्या लगेगी, इंफॉर्मेशन लगेगी। अब एओ यहां से दो तरीके के लोगों के साथ डील करेगा, ध्यान से सुनना। एक, उसके सॉफ्टवेयर के अंदर में आया होगा कुछ लोग जिनने रिटर्न नहीं भरा, दूसरा कुछ लोग जिनने रिटर्न भरा एंड उनका उसको क्या करना है, असेसमेंट करना है। तो इनकी लिस्ट ध्यान से सुनिएगा, एक बार रिटर्न प्रोसेस हो गया बराबर है, तो अब यहां से दो चीजें बाहर आ जाएगी सिस्टम से, कौन से सिस्टम से, सीएएसएस से। दो चीजें बाहर आ जाएगी, एक उसके जुरिस्डिक्शन में कितने लोग हैं जिनने रिटर्न नहीं भरा, दूसरा आ जाएगा कितने लोग हैं जिनने रिटर्न भरा और इसको असेसमेंट भी करना है। तो अब इसको सिर्फ पेपर से काम चलेगा या इंफॉर्मेशन भी चाहिए, इंफॉर्मेशन भी चाहिए टू चेक इट आउट वेदर ही हैज डन राइट और नॉट। और ये दोनों भी काम होते हैं एक सेक्शन से, सेक्शन 142। यस, सेक्शन 142, 142 1 2, 142 1 1, 142 1 2, 142 1 1 के तहत एओ को पावर होता है, ध्यान से सुनिए, 142 1 1 के तहत एओ को पावर होता है कि कुछ लोग जिनने रिटर्न नहीं भरे अंडर हिज ज्यूरिसडिक्शन ही विल सेंड देम द नोटिस एंड आस्क देम टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। सो व्हाट एओ विल डू, एओ 142 1 1 का पावर यूज करेगा और उन सभी लोगों को नोटिसेस भेजेगा जिनने रिटर्न नहीं भरे एंड ही वांट्स कि इसने रिटर्न भरना चाहिए, उन सभी लोगों को नोटिस भेजेगा, नोटिस के अंदर में टाइम लिखा होगा और बोलेगा कि आपको इतने दिन के अंदर में रिटर्न भरना है, बराबर है। दूसरा, वो लोग जिनका अब ये असेसमेंट उठा लिया है, इनसे इनको क्या चाहिए, रिटर्न तो इनने भर दिया होगा, अब इनको क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। नाउ व्हाट ही विल डू इज ही विल आस्क नंबर ऑफ पीपल बाय गिविंग अ नोटिस अंडर 142 1 2, रिटर्न भरवाना है 142 1 1, इंफॉर्मेशन चाहिए 142 1 2, 142 1 2 के तहत वो क्या करेगा, लोगों को नोटिसेस भेजेगा, असेसीज को नोटिस भेजेगा और बोलेगा मुझे ये डॉक्यूमेंट्स, ये इंफॉर्मेशन एंड अदर चीजों की डिटेल आप मुझे प्रोवाइड कीजिए। सर ये इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड की जाती है, आएंगे, अभी हम सिर्फ मोटा मोटी सारी चीजें पढ़ रहे हैं। ये 10 चैप्टर एक साथ एक चार्ट में डाले हुए हैं, एक बात समझिए, ये 10 चैप्टर एक चार्ट में डाले हुए हैं, तो सारी चीजें आने वाली है, सिर्फ पहले ओवरव्यू समझ ले। चलिए वापस से यहां तक मेरे साथ वापस आइए। सबसे पहले असेसी, असेसी ने क्या किया, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही पहले सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स करने के बाद क्या किया इसने, रिटर्न ऑफ इनकम किया, बराबर है मालिक, रिटर्न ऑफ इनकम करने के बाद क्या किया, रिटर्न ऑफ इनकम करने के बाद ये रिटर्न गया प्रोसेसिंग के अंदर में, बराबर 143 1 समरी असेसमेंट में गया। असेसमेंट करने के बाद एओ डिसीजन ले रहा है मुझे असेसमेंट करना है या नहीं करना है, नहीं करना है पूरा मैटर खत्म। असेसमेंट अगर करना है तो कुछ लोगों से ये रिटर्न भरवाएगा और कुछ लोगों से इंफॉर्मेशन मांगेगा, बराबर। आगे बढ़ते हैं, सपोज एक बार असेसीज ने इंफॉर्मेशन दे दी, अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं चार्ट में, देखिएगा यहां पे, नाउ डिपार्टमेंट विल रिक्वायर इन्फॉर्मेशन, दे विल प्रोवाइड अस 142 1 1 टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम, 142 1 1 टू फाइल द इंफॉर्मेशन, 142 1 2 टू सबमिट द इंफॉर्मेशन। अब क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिए, अब क्लाइंट या उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो भी उसका प्रोफेशनल होगा वो ला करके इंफॉर्मेशन देता है। अब एओ क्या करता है, ऑडिट शुरू करता है। ऑडिट के अंदर में वो क्या करता है, वो सारे एक्सपेंडिचर्स देखता है, आपने जितने एक्सपेंडिचर्स क्लेम किए उन सारे एक्सपेंडिचर्स की वरासिटी एंड अदर चीजें वो चेक करने वाला है, बराबर है। आपने जितने एक्सपेंडिचर्स क्लेम किए वो सही किए या नहीं, कुल मिलाकर के वो आपका ऑडिट करने वाला है, बराबर है, आपने जो क्लेम किया। दूसरी बात ये चेक करेगा, जो क्लेम किया वो एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सही है या नहीं है, वो इस बारे में भी बात करेगा अब आपसे, ठीक है। सारी चीजें करने के बाद वो अपने ऑडिट नोट लिखता है, ऑडिट नोट जिसे हम कहते हैं एओज नोट। आप कभी डिपार्टमेंट के अंदर में गए होंगे इफ एनी, तो आपने वहां पे देखा होगा एक कार्डबोर्ड टाइप पड़ा होता है रेड कलर का, उसके ऊपर छोटा सा स्ट्रिप होता है और उसके ऊपर वो रस्सी बांधता है और वहां अपने पूरे के पूरे टैक्स फाइंडिंग्स लिखता है, राइट। ये जनरली ग्रीन पेपर पे होता है, लीगल पेपर पे वो सारे के सारे फाइंडिंग्स लिखता है, ये लिखता है कौन सी तारीख को था, उसने क्या फाइंडिंग्स किया और वो सारी चीजें लिखता है, राइट। अब जब वो चेक करता रहेगा, इसके सामने दो बातें होंगी, अंडरस्टैंड करना, एक आपकी इंफॉर्मेशन उसे समझ में आई, दूसरा आपकी इंफॉर्मेशन उसे समझ ही नहीं है। दो सिचुएशन पॉसिबल, आपने अपने अकाउंट्स ला करके दे दिए, उसे समझ आए नहीं आए। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसको मेरी इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आई। मैं आपको बताता हूं, मेरे साथ ही हुआ है, मैं आपको समझाता हूं। व्हेन ड्यूरिंग द असेसमेंट क्या होता है, जो एओज होते हैं इनका तो ऑल इंडिया पोस्टिंग होता है, अब साउथ इंडिया से क्या हुआ, एक ऑफिसर्स
क्या आ गए, पुणे के अंदर में आ गए, उनका शिफ्टिंग पुणे के अंदर में हुआ। और जिस क्लाइंट का असेसमेंट उन लोगों ने पकड़ा, उतने अपने डिटेल्स जो थे वो मराठी में मेंटेन करके रखे थे। नाउ द पर्सन फ्रॉम साउथ वाज नॉट एबल टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि ये मराठी में क्यों लिखा। और आपके कई क्लाइंट्स अभी भी होंगे जो हिंदी में बहीकाते मेंटेन करते होंगे, स्पेशली जो गोल्ड ज्वेलर्स होते हैं, यस और नो, जो होलसेलर्स होते हैं, किराना मर्चेंट्स होते हैं, ये आज भी करते हैं। जो चिट्ठी का काम करते हैं, लोन देन का काम करते हैं, ये आज भी क्या करते हैं, हिंदी में मेंटेन करते हैं, अब ओन देयर रीजनल लैंग्वेज के अंदर मेंटेन करते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, दो बातें हो सकती है, या तो उसे मेरे अकाउंट समझ में आए या तो उसे मेरे अकाउंट समझ में नहीं आए। अब ध्यान से सुनिए, पहले चलते हैं, उसे मेरे अकाउंट समझ में नहीं आया, इंफॉर्मेशन मैंने लाया, इंफॉर्मेशन उसे मेरी कुछ भी समझ में नहीं आई। ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, एओ के हाथ में एक पावर है, ध्यान से सुनिए। पहला पावर है ऑडिट करवाने का। यस, अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है द ट्रांजैक्शन बहुत वॉल्यूमनियस है, यस, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहा है, या फिर ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द अकाउंट्स और नेचर ऑफ बिजनेस, ऐसे केसेस में वो क्या करता है, ऑडिट करवाता है, क्लाइंट को डायरेक्ट करता है टू गेट दैट स्पेशल ऑडिट डन। 142(2)(a) दोबारा से ऑडिट, याद रखने का तरीका, 142(2)(a) दोबारा से ऑडिट करवाने को बोलता है। सर, अगर एसएससी ने ऑलरेडी ऑडिट कराया होगा, क्या फिर भी ऑडिट कराना होगा? यस, अगर 142(2)(a) का ऑर्डर आता है तो उसको दोबारा से क्या करवाना होता है, ऑडिट करवाना होता है। डीप डाइव करेंगे, अंडरस्टैंड। ऑडिट करने से होगा क्या, अब जो ऑडिट करेगा, जो भी प्रोफेशनल ऑडिट करेगा, ये अपनी एक रिपोर्ट देगा किसको, एओ को, और उसके बेसिस पे वो रिलाई करके आगे बढ़ता है। सो अगर उसको समझ में नहीं आया, तो वन ऑफ द पावर अवेलेबल विथ असेसिंग ऑफिसर इज ही विल कंडक्ट एन ऑडिट। गेटिंग इट और नॉट? व्हाट इज द सेकेंड पावर? सेकेंड पावर इज 142(a). नाउ व्हाट इज दिस पावर फॉर, मैं आपको बताता हूं। कई बार उसको बाकी चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अकाउंट्स बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, लेकिन उसको वैल्यूएशन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक के वैल्यूएशन बहुत हाई हैं, स्टॉक के वैल्यूएशन बहुत हाई हैं, एंड ही वॉन्ट कि यार ये स्टॉक मेरे हिसाब से ओवर वैल्यूड दिख रहा है या स्टॉक अंडर वैल्यूड दिख रहा है। आपको तो पता है, बड़ा होके हमें समझ में आ गया कि बचपन में जो 11वीं 12वीं में हम पढ़ते थे सस्पेंस अकाउंट, बड़े होके हमें समझ में आ गया कि वो एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक था। जितने लोगों ने आर्टिकलशिप करी है और फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स में काम किया है, वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि सस्पेंस अकाउंट कुछ नहीं है हमारे कोर्स में। सस्पेंस अकाउंट का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक, नाम बदल दिया है, जज्बात बदल दिए गए हैं, उसका नाम क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। बाकी आप सब समझ रहे हैं, मैं ज्यादा पोल पट्टी नहीं खोल सकता। सो क्लोजिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड दिख रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बिल्डिंग का वैल्यू अप्रोप्रिएट वैल्यूएशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ऐसे केसेस में वो क्या करेगा, वैल्यूएशन ऑफिसर को बोलेगा सिर्फ इस चीज की वैल्यू करके दो, मुझे पूरा ऑडिट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इन चीजों का क्या करके दो, वैल्यूएशन, मे बी असेट्स वैल्यूएशन, मे बी इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन, मे बी स्टॉक वैल्यूएशन, मुझे सिर्फ वैल्यूएशन करके दीजिए। ऐसे केसेस में जो पावर यूज होता है वो 142(2)(a) होता है, और अब उनके फाइंडिंग्स के बेसिस पे हम अपना असेसमेंट आगे बढ़ाते हैं। गेटिंग इट और नॉट? तो ये और दो सेक्शन हुए, 142(a), 142(2)(a). यहां तक की स्टोरी मेरे साथ फिर से रिपीट कीजिए, और बिल्कुल ये चार्ट आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि 10 चैप्टर आगे, यहां से आगे के पूरा 10 चैप्टर, पूरा मॉड्यूल 1 इस चार्ट के ऊपर बेस्ड है। हर चीज एक दूसरे के साथ मैंने लिंक करके रखी हुई है, ध्यान से सुनना। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं उस सीक्वेंस में नहीं पढ़ाऊंगा जिस सीक्वेंस में सेक्शन चल रहा है, मैं उस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा जिस सीक्वेंस में सेक्शन जाना चाहिए। वापस से बताइए, एसएससी ने क्या किया, रिटर्न ऑफ इनकम से पहले सेल्फ असेसमेंट किया, देन ही फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम गया क्या करने के लिए, प्रोसेसिंग होने के लिए। जैसे ही वो प्रोसेसिंग होने के लिए गया, उसके बाद होता है इसका समरी असेसमेंट। दो बातें होंगी, कुछ लोगों ने रिटर्न नहीं भरा होगा, इनसे रिटर्न भरवाया जाएगा, और कुछ लोगों से इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। तीसरा सिचुएशन, असेसमेंट ही नहीं करना है, पूरा मैटर खत्म, बराबर है। जिन लोगों को रिटर्न भरने बोला है वो रिटर्न भरने के लिए चले गए, दूसरा इंफॉर्मेशन मंगाई। जैसे ही इंफॉर्मेशन आई, दो बातें होंगी, मुझे समझ आया, मुझे समझ नहीं आया। मुझे समझ नहीं आया तो दो बातें होंगी, एक, मुझे कुछ भी अकाउंट्स नहीं समझ में आ रहा, मैं दोबारा से ऑडिट वाला सेक्शन यूज करूंगा 142(2)(a). मुझे समझ तो आ रहा है, बस वैल्यूएशन रिलेटेड इश्यूज है, तो मैं 142(a) का इशू यूज करूंगा। गेटिंग इट और नॉट? अब आते हैं दूसरी चीज पे, मुझे अकाउंट्स क्या समझ में आ गए, मुझे उसके अकाउंट समझ में आ गए। अगर मुझे अकाउंट समझ में आ गए तो व्हाट आई विल डू, असेसी ने क्या क्लेम किया है, दूसरा क्या क्लेम होना चाहिए था और कितना नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें वो क्या करता है, आईटी नोट्स के अंदर में लिखता है, इनकम टैक्स नोट्स के अंदर में लिखता है। जैसे एक ऑडिटर ऑडिट करने के बाद अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करता है, ठीक उसी तरीके से एओ अपनी पूरी की पूरी फाइंडिंग्स आईटी नोट्स के अंदर में लिखता है। इसे आईटी नोट्स एंड समरी भी कहा जाता है, ग्रीन पेपर के ऊपर होता है जनरली।
अब क्या होता है, एक बार उसका सारी चीजें कंप्लीट हो गई, एक बार उसका सब कुछ देख के हो गया, मेजर पॉइंट्स उसको समझ में आ गए, अब वो क्या करेगा, 143.3 का असेसमेंट करेगा, 143। अब वो आपको पास बुलाएगा, बोलेगा आई लाइक यू, अब आओ तुम मेरे पास। यानी आपको भी याद होगा ऑडिट फाइनलाइजेशन से पहले क्या किया जाता है, बताओ मुझे, मैनेजमेंट डिस्कशन किया जाता है, बेसिक पार्ट ऑफ ऑडिटिंग, यस और नो, बेसिक पार्ट ऑफ ऑडिटिंग, हम ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करने से पहले मैनेजमेंट डिस्कशन करते हैं। ठीक उसी तरीके से क्या होगा, एओ आपका असेसमेंट कंप्लीट करने से पहले आपको बुलाएगा। इस असेसमेंट को कहते हैं हम लोग रेगुलर असेसमेंट, इस असेसमेंट को हम लोग कहते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट। 143 के ऊपर, 143 के ऊपर स्क्रूटनी असेसमेंट होगा। यह असेसमेंट के अंदर में क्या होगा, एओ आपको फिजिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर में बुलाएगा, एओ आपको फिजिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर में बुलाएगा और वो कहेगा खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप मैं और आपकी फाइल, 143.3, आप मैं और आपकी फाइल, तीनों मिलकर के बैठेंगे और डिस्कशन करेंगे। यहां पे होता क्या है, यहां पे डिपार्टमेंट आपको बुलाता है और आपके सामने वो अपनी सारी ऑडिट क्वेरीज रखता है। जैसे मान लीजिए अगर उसको कुछ बैंक अकाउंट में क्रेडिट्स दिखे और उसको वो नहीं समझ में आए कि ये क्रेडिट्स काय के हैं, तो वो क्या करेगा, बिफोर टेकिंग इट एज इनकम फ्रॉम पीजीबीपी और अदर सोर्सेस, ही विल आस्क द असेसी द एक्सप्लेनेशन, ही विल आस्क द असेसी द एक्सप्लेनेशन कि भैया मुझे बताइए ये क्रेडिट किस बात का है, और वो उसका सब्सटैंशियलिटी चेक करेगा, वो उसका प्रूडेंस एस्पेक्ट चेक करेगा, यस और नो, मटेरियलिटी चेक करेगा, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक ऑडिट हो रहा है। इसे हम कहते हैं 143.3 और इसको एक नोटिस भेज के बुलाया जाता है 143.2 का। मोटे मोटे तौर पे रखिए, रेगुलर असेसमेंट 143, रेगुलर असेसमेंट 143.3, रेगुलर असेसमेंट 143.3, समरी असेसमेंट 143.1, रेगुलर असेसमेंट 143.3, रेगुलर असेसमेंट 143.3, समरी असेसमेंट 143.1। क्लियर है मालिक? अच्छा जी, यहां तक के तो हम वो बातें कर रहे हैं जब असेसी ने रिटर्न भर दिया, उसने इंफॉर्मेशन दे दी, क्लाइंट को समझ में आ गया, उसने पूरा का पूरा आपका प्रॉपर असेसमेंट किया। नाउ डिपार्टमेंट विल डू रेगुलर असेसमेंट 143.3 बाय सेंडिंग अ नोटिस अंडर 143.2। ये तो हम तब की बात कर रहे हैं जब जिंदगी बहुत सुहानी चल रही है, असेसी रिटर्न भर रहा है, सब अच्छे से राम राज्य है, हम सब अच्छे से चला रहे हैं। लेकिन ऐसे भी तो लोग हैं जो रिटर्न ही नहीं भरते। ये पूरी स्टोरी तो हमने तब चालू की थी ना जब हमने रिटर्न भरा, पर ऐसे भी तो कई क्लाइंट है आप लोगों के जिनने रिटर्न ही नहीं भरे, ड्यू डेट पे रिटर्न नहीं भरे, उनका क्या? अगर रिटर्न नहीं भरा तो यहां से दो बातें होंगी, एक एरो देखिए नीचे जा रहा है, इफ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड, दिख रहा है यहां से एक एरो, इफ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड, अगर रिटर्न फाइल नहीं किया तो दो बातें होंगी, असेसिंग ऑफिसर एक या तो आपको नोटिस भेजेगा कि चल बेटा रिटर्न भर ले रहे, याद आ रहा है 142.1.1 आपको बोलेगा चल बेटा रिटर्न भर ले रे, और अगर उसको ये नहीं करवाना होगा तो वो सीधा आपकी बजा भी सकता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, दूसरे एक और प्रकार का असेसमेंट। पहला असेसमेंट कौन सा था सर? तीन हुए ना, दो नहीं, समरी असेसमेंट असेसमेंट्स के अंदर में नहीं काउंट होता, टेक्निकली वो सिस्टम करता है, एक्चुअली दो ही असेसमेंट है, 143.3 जहां पे डिपार्टमेंट आपका प्यार से असेसमेंट करता है, 143 प्यार से, आई लाइक यू प्यार से, और अगर प्यार से नहीं माना, लेट से असेसी ने रिटर्न नहीं भरा, असेसी को कुछ कंप्लायंस करने बोले थे, उसके 142.2a का ऑडिट कराने बोला था, उसने ऑडिट नहीं कराया, उसे इंफॉर्मेशन देने बोली थी, उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी, प्यार से माना 143, प्यार से नहीं माना सेक्शन बड़ा सिंपल है 144, 143 अगर प्यार से है तो, नहीं माना 144, तेरे जैसे चार मिलेंगे 144, बात सिंपल है भाई साहब, जरा ध्यान से सुनना, 143 प्यार से माना तो, और अगर प्यार से नहीं माना तो 144 ठीक है, तेरे से चार मिलेंगे, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, सो 144 इसको अलग असेसमेंट भी कहा जाता है, बजा देगा वो आपकी, बजा देगा मतलब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, असेसमेंट का एक क्रूड तरीका जहां पे आपने अगर डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं किया तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, अपने बेस्ट जजमेंट एंड स्किल के बेसिस पे आपकी इनकम को कंप्यूट कर देगा और अब आपको सीधा सीधा लेटर भेज देगा, बोलेगा आपकी अब टोटल इनकम ये है, आपने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया और ये है आपकी सजा, आपको अब इतना इनकम है और इतना टैक्स है, अब तुम देखते बैठो। तो असेसमेंट कितने प्रकार की, दो,
एक प्यार से मान गए 143, प्यार से नहीं माने तेरे से चार मिलेंगे 144। इसी बात से मैं आप सभी लोगों को बता दूं, मेरे सारे जितने भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं, बेटा लाइफ कहीं नहीं रुकती। तो क्योंकि मैंने मेरे कई दोस्तों को देखा है, कई स्टूडेंट से मैं हर बार बात करता हूं, तो मैं आपको बता दूं वो लोग कई लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं कि इंटर में बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, फाइनल में आते तक के ये टूट गया, आई थिंक द थिंग्स आर नॉट वर्किंग। एक बात मैं आप सभी को बता दूं, लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती, लाइफ आपकी बहुत ज्यादा है। सबसे पहले ड्रीम पूरे करो, गोल पूरे करो, लाइफ में सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं आपको मेरा स्टोरी भी बताऊंगा कैसे हुआ, मतलब उससे लव, मेरा खुद का लव मैरिज था, तो मैं आपको वो पार्ट भी बताऊंगा, उसमें भी कुछ हर्डल्स थे। तो एक बात आप समझ के रखिए, बस अभी का एक पॉइंट इतना समझ लीजिए पढ़ाई के बीच में, कि आपको किसी के लिए नहीं रुकना, और आपका एक गोल एज ऑफ नाउ है टू हैव अ डिग्री, टू हैव अ करियर फर्स्ट। एक बार आपका करियर होगा, एक बार आपकी डिग्री होगी, लाइफ में सब कुछ मेरे पास तेरे पास होगा मेरे भाई, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और लाइफ में कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो तेरे करियर के बीच में या तेरे फैमिली के हैप्पीनेस के बीच में आ जाए, ये बात हमेशा याद रखना। और तू सेल्फ सफिशियंट है यार, वो जब वो नहीं थे तब भी तेरी लाइफ थी, और जब वो आज नहीं रहेंगे तब भी तेरी लाइफ रहेगी। तो तूने तेरे लाइफ को बहुत अच्छे से करना है। सो प्यार से माने तो 143, प्यार से नहीं माने अब तेरे से चार मिलेंगे 144 बजा देंगे। असेसमेंट जो भी हो, असेसमेंट जो भी हो, रेगुलर असेसमेंट प्यार से या फिर फटकार से, एओ क्या करेगा, एक ऑर्डर देगा। एओ क्या करेगा, ऑर्डर देगा। इस ऑर्डर को हम कहते हैं असेसमेंट ऑर्डर, राइट, डिमांड ऑर्डर कहा जाता है टेक्निकली इसे, और इसको आता है 156, सेक्शन 156 में डिमांड ऑर्डर आती है। अब आपको एक लेटर आ जाएगा, ध्यान से सुनिए, लेटर आएगा, आपको बताया जाएगा कि आपकी टोटल इनकम कितनी कंप्यूट की गई है, आपका टैक्स कितना आ रहा है, और आपको कितना पेबिलिटी है। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई पेनल्टी लगाई गई है, इस पार्ट को ध्यान से सुनिए जो मैं आप कहने जा रहा हूं, इस पार्ट को ध्यान से सुनिए, अगर आपके कोई पेनल्टी लगने वाली है तो आप नीचे देखेंगे ऑर्डर के नीचे वहां पे लिखा होता है पेनल्टी प्रोसीडिंग इज इनिशिएटेड सेपरेटली, ये वर्ड वहां पे लिखा हुआ होता है। इस वर्ड का बहुत गहरा इंपॉर्टेंस है, आपके एक चैप्टर से जुड़ा है, पेनल्टी चैप्टर से, वहां पे भी हम डिस्कस करेंगे, यहां पे भी डिस्कस करेंगे कि पेनल्टी प्रोसीडिंग हैज बीन इनिशिएटेड सेपरेटली, ये वर्ड लिखा होता है कि पेनल्टी प्रोसीडिंग को हमने सेपरेटली क्या किया हुआ है, इनिशिएट किया हुआ है, ये वर्ड वहां पे क्या होता है, लिखा हुआ होता है। सो लेट अस स्टार्ट। आपने क्या किया, रिटर्न भरा, सॉरी सेल्फ असेसमेंट किया, सेल्फ असेसमेंट करके रिटर्न भरा, रिटर्न गया समरी असेसमेंट के अंदर में, इसके बाद कुछ लोगों से एओ ने रिटर्न भरवाया, कुछ लोगों को क्या किया, इन्फॉर्मेशन देने बोला। डिपेंडिंग अपॉन द केसेस, या तो आपका रेगुलर असेसमेंट हुआ 143.3 के अंदर में, या तो आपका क्या हुआ 144 के अंदर में, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुआ। दोनों असेसमेंट करने के बाद फाइनली एओ ऑर्डर निकालेगा। ऑर्डर में तीन चीजें पेबिलिटी में आती है, एक आता है टैक्स, दूसरा आता है इंटरेस्ट, और तीसरा आता है पेनल्टी, इफ एनी। ठीक है, तो टैक्स और इंटरेस्ट के बारे में तो उसी ऑर्डर में ही लिखा होता है, अगर कुछ पेबल आया है तो या रिफंड रिड्यूस किया है तो। और आपको एक लाइन नीचे लिखी होती है पेनल्टी प्रोसीडिंग हैज बीन इनिशिएटेड सेपरेटली। अब क्या होता है, दो बातें होंगी, अब या तो एओ का ऑर्डर चुपचाप मान के एसएससी पे कर देता, एक सिचुएशन ये कि जो एओ ने किया हाँ चल ठीक है। कई बार अगर घपले ज्यादा हो, घपले ज्यादा हो तो खुद प्रोफेशनल ही अपने क्लाइंट को बोल देता है, सर उसने कंप्यूट करके दिया है, मेरे हिसाब से सही है, मोटा मोटी तौर पे वो ज्यादा नहीं दे रहा है, पे करो खत्म कर दो। तो क्या होता है, ही एक्सेप्ट द ऑर्डर, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया सिंपली पे एंड द असेसमेंट इज ओवर, आपने पे कर दिया, उसके हिसाब से भी सही हो गया, आपने उसको पे कर दिया, पूरा चैप्टर यहीं पे क्लोज, आपकी फाइल आपकी फाइल क्लोज, काम खत्म, अब नेक्स्ट ईयर देखेंगे, असेसमेंट आया तो आएगा, बराबर है। दूसरा सिचुएशन, एओ ने जो दिया ये आपको एक्सेप्टेड नहीं है, यू डू नॉट एक्सेप्ट द सेम, एओ ने जो किया वो आपको एक्सेप्टेड नहीं है। मान लीजिए उसने कुछ एक्सपेंसेस जो आपने पीएनएल के अंदर में क्लेम किए हैं, ही डिसअलाउ द होल एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस को क्या कर देता है, डिसअलाउ कर देता है पूरा का पूरा। मान लीजिए आपने कोई एक्सपेंडिचर क्लेम किया है टू बी अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, वो रिजेक्ट कर देता है दैट दिस इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। आपने कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम किया है, वो बोलता है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कोई रिसीट आप मानते हैं ये कैपिटल रिसीट है, वो बोलता है नहीं नहीं ये रेवेन्यू रिसीट है। और ऐसे में आपका और डिपार्टमेंट का क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है, आप उसके ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। सो व्हेन यू डोंट अग्री विद द ऑर्डर ऑफ एओ, यू हैव थ्री ऑफ द रेमेडीज अवेलेबल विद यू, दीज आर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रोवाइडेड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दीज आर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रोवाइडेड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इफ यू डू नॉट अग्री विद द ऑर्डर ऑफ एओ और देर इज अ मिस्टेक इन द ऑर्डर ऑफ एओ, यू फाइंड आउट दैट देर इज अ मिस्टेक, यस ऑर नो, लेट्स से ये एक नया असेसिंग ऑफिसर था, उसने एक्सपेंडिचर को
डिसअलाउ कर दिया, बट यू यू आर अवेयर अबाउट वन ऑफ दी हाई कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, और योर प्रोफेशनल इज अवेयर अबाउट सच काइंड ऑफ जजमेंट वेयर डिडक्शन इज अलाउड. सो वट ही विल डू, ही विल ब्रिंग दिस इन फ्रंट ऑफ असेसिंग ऑफिसर एंड सेड, सर दिस एक्सपेंडिचर इज अलाउड बट यू हैवंट अलाउड, सो काइंडली मॉडिफाई योर ऑर्डर. तो तीन ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है आपके पास. अगर एओ का ऑर्डर आपको पसंद नहीं आया तो आप बोलेंगे अर अर, क्या बोलेंगे वापस बोलो, अर 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 अर, हाँ, अ अपील, र रिविजन, र रेक्टिफिकेशन, अ र र. सो अगर एओ का ऑर्डर आपको पसंद नहीं आया तो आप मेरे साथ चिल्लाएंगे अर 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 अर, का मतलब क्या, पहला आप अपील में जा सकते हैं. अपील मतलब क्या, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हायर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, लाइक सीआईटी अपील्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, ITAT, इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आप यहां पे जा सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, राइट. सेकेंड इज रिविजन, एओ का जो बॉस है सीआईटी, दैट इज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, आप उनके पास जा सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि सर ये मेरे, ये जो आपके ऑफिसर ने किया है ये सही नहीं है, प्लीज इसे सुधारिए. ये हो सकता है सीआईटी के पास जाना, जिसे हम कहते हैं रिविजन. आप सीआईटी अपील के पास गए, आपको समझ में आएगा क्या डिफरेंस है सीआईटी और सीआईटी अपील के बीच में. नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर में, जो भी हम टॉपिक ले रहे हैं उसके अंदर सब समझ में आ जाएगा, कौन किसके नीचे, कौन किसके ऊपर, हायरार्की क्या है, सारी चीजें आएगी. अभी सिर्फ मॉडल समझिए कि 10 मॉडल क्या होते हैं, आगे के 10 चैप्टर क्या है. तो एक चैप्टर बनता है आपका अपील, एक चैप्टर बनता है आपका रिविजन, जहां पे आप किसके पास जाते हैं, सीआईटी के पास जाते हैं. तीसरा है रेक्टिफिकेशन. रेक्टिफिकेशन बाय इट्स नेम सजेस्ट, एओ के ऑर्डर में कुछ गलती है, जैसा कि मैं बता रहा था, द एक्सपेंडिचर इज अलाउड बट यू ही हैज दिस अलाउड, तो ऐसी चीजों को क्या किया जाता है, रेक्टिफाई किया जाता है अंडर द चैप्टर रेक्टिफिकेशन. यहां तक है मेरे साथ पूरा चार्ट. प्लीज एक बार पॉसिबल हो तो आंखें बंद कीजिए और पूरे चार्ट को इमेजिन कीजिए. प्लीज प्लीज, दो बातें हो सकती है, एक उसने रिटर्न भरा, दूसरा उसने रिटर्न नहीं भरा. अगर उसने रिटर्न भरा, यानी पहले सेल्फ असेसमेंट पे क्या होगा, रिटर्न भरा होगा, ये रिटर्न जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिटर्न सीएएसएस या ट्रेसेस के अंदर में. फॉर द टाइमिंग समझते हैं सीएएसएस, तो वो चले गया किधर बेटा, CASS के अंदर में चला गया. अब यहां से दो बातें होगी, या तो उसे असेसमेंट करना है AO को, या तो असेसमेंट नहीं करना. AO को अगर असेसमेंट करना है तो अब उसको चाहिए इंफॉर्मेशन, और कुछ लोग जिनने क्या नहीं करे होंगे, रिटर्न नहीं भरे होंगे, उनसे वो भरवाएगा रिटर्न, बराबर है. अब जैसे ही इंफॉर्मेशन आई, इंफॉर्मेशन आने के बाद दो बातें होंगी, मुझे ये डेटा समझ में आया, मुझे ये डेटा नहीं समझ में आ रहा. अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा, दो बातें अगेन, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा 142(2)(a), मुझे कुछ तो समझ में आ रहा पर वैल्यूएशन रिलेटेड प्रॉब्लम है 142(a) के अंदर में जाऊंगा. क्लियर है मालिक? अच्छा जी, मुझे अगर सब सारी चीजें समझ में आ गई तो ऑडिट करने के बाद मैं एक फाइनल असेसमेंट करूंगा, जिसे हम कहेंगे 143(3), इसे हम कहते हैं रेगुलर असेसमेंट. ये सारी तब बातें जब लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है, पर इनमें से किसी भी जगह पे आपने अगर क्या कर लिया, एओ के ऑर्डर का सम्मान नहीं किया, तो एओ स्टिल, अगर आपने एओ के साथ कोऑपरेट नहीं किया तो आपका असेसमेंट कर सकता है. इस असेसमेंट को हम लोग कहेंगे 144, वो आपकी बजा देगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. तो असेसमेंट यहां तक के दो प्रकार की, 143, 144, प्यार से माना तो 143, प्यार से नहीं माना तो 144. यहां तक के क्लियर है मालिक? आगे चलते हैं. दो बातें, असेसमेंट करने के बाद वो अपना फाइनली क्या निकालेगा, ऑर्डर निकालेगा. अब तक 56, अब तक 56 का ऑर्डर निकाल देगा. दो बातें होंगी, ऑर्डर आपको पसंद आया, पे करो, पूरा असेसमेंट यहीं पे खत्म. अगर पसंद नहीं आया, तो असेसी क्या बोलेगा, अर बोले तो अपील, रिविजन, रेक्टिफिकेशन. ये तीन और चैप्टर यहां से जुड़ गए. मैं आपको बताऊं आपने यहां तक के कौन कौन से टॉपिक देख लिए. पहला इनकम टैक्स अथॉरिटीज, दूसरा रिटर्न ऑफ इनकम, तीसरा असेसमेंट, अपील, रिविजन, रेक्टिफिकेशन. ये आगे के 6 टॉपिक इंडेक्स में जाके देखिए, ये नाम आपको दिखेंगे और ये इस सीक्वेंस में चलते हैं. आगे बढ़ते हैं, इन फ्यूचर आप ध्यान से देखिए इस चार्ट को. इन फ्यूचर, फ्यूचर में जाके क्या होगा, इसी एसएससी के खिलाफ कुछ मिला और भी और कुछ नहीं मिला, दो बातें हो सकती है, बराबर है. इस एसएससी के खिलाफ कुछ मिला या कुछ नहीं मिला. जनरली अगर इसके खिलाफ कुछ नहीं मिला, डिपार्टमेंट ने इसके खिलाफ फ्यूचर में कुछ नहीं पाया, असेसमेंट कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, गेम ओवर. इस एसएससी के अगेंस्ट में अगर कुछ मिला तो हो सकता है दो बातें होंगी, कुछ बहुत बड़ा मिला, कुछ छोटी चीजें मिली जो उस असेसमेंट के दौरान छूट गई थी, राइट. या फिर वो असेसी कभी भी 143-144 के अंदर में आया ही नहीं और डायरेक्ट बाद में पता चला, मतलब ना उसको नोटिस इश्यू की गई थी ना उसने रिटर्न भरा. ऐसी भी चीजें हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है साहब, जरूरी थोड़ी ना हर एक को नोटिस भेजे गए वो, राइट.
अब वो पकड़ा जाता है, छोटी चीज है, स्मॉल में 147। ये है तीसरे प्रकार का असेसमेंट जिसे हम कहते हैं इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। क्या कहते हैं बोलो वापस से, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, EIA, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कहा जाता है। ये तब यूज होता है, इसे हम रीअसेसमेंट वाला भी सेक्शन कहते हैं। ये तब यूज होता है या तो आपकी कोई भी असेसमेंट नहीं हुई हो और डायरेक्ट असेसमेंट 147 में फॉल कर जाए, एक। दूसरा क्या हो सकता है, जब पहले भी असेसमेंट हुई हो लेकिन उस असेसमेंट में कुछ चीजें छूट गई हो, तो उसे क्या किया जाता है, रीअसेस किया जाता है बाय पावर ऑफ 147। अगर कुछ बड़ा मिला तो एओ जाता है आपके सर्च एंड सीजर के ऊपर। अगर कुछ बहुत बड़ा मिल जाता है उस एसएससी के खिलाफ, मान लीजिए उसी एसएससी के किसी फ्रेंड रिलेटिव्स एंड अदर केसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, और एओ को कुछ बहुत इंक्रीमेंटल मिल जाता है इस केस में, तो ऐसे केसेस में वो उसके अगेंस्ट में सर्च भी कर सकता है। ये वो चैप्टर है जिसे हम कहते हैं रेड। सर ये इसी मॉड्यूल में है? हाँ जी सर, आप कवर पेज देखिए ना सर, आपको कवर पेज पे दिख जाएगा बहुत सारे पैसे, मतलब ये पूरी थीम्ड है, ऐसा नहीं है। आप अगर बुक देखेंगे तो बहुत थॉटफुली बनाया हुआ है। आप कवर पेज देखिए, वहां पे आपको ऐसा करता हुआ फोटो दिख रहा है और वहां पे आपको पूरे पैसे, धन और प्रॉपर्टी के पेपर रखे हुए दिख रहे हैं। ऐसा सब क्यों? क्योंकि ये चैप्टर्स की थीम है। एओ आपका धन ढूंढता है, एओ असेसमेंट करता है, एओ आपके ऊपर रेड मारता है, और इसलिए उस चैप्टर के पेज का थीम इस तरीके से रखा गया है। अप्रिशिएट आप मुझे मैसेज में कर सकते हैं अगर आपको मजा आ रहा हो तो, नीचे मोबाइल नंबर लिखा है मेरा, राइट? आप अप्रिशिएट कर देना बाद में कि सर बहुत मजा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं सर। अब क्या होगा, अगर उस एसएससी के खिलाफ कुछ बहुत बड़ा मिल गया, एओ क्या कर सकता है, रेड कर सकता है, और रेड के आगे का प्रोसीजर हम इसके आगे पढ़ेंगे। यहां तक के बस आपको समझना है जो अपना चैप्टर चालू करने से पहले, ठीक है? तो 1 2 3 स्टार्ट। अभी इस चार्ट में कुछ चीजें जो हमने अब तक नहीं देखी, पहला ये 153 का असेसमेंट मतलब क्या होता है, दूसरा ये सेटलमेंट कमीशन वाला पार्ट सर आपने एक्सप्लेन नहीं किया, नहीं किया मैंने अभी बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया, और तीसरा ये एएआर क्या है ये भी आपने एक्सप्लेन नहीं किया, नहीं किया मैंने, बराबर है? ये तीन चीजें अभी तक मैंने एक्सप्लेन नहीं की, जो एज ऑफ नाउ आपको जरूरत नहीं है। जैसे हम चैप्टर में 3 4 चैप्टर के प्रोग्रेस कर लेंगे वहां आपको ये सारी चीजें आएगी। चलो मेरे को बात बताइए, सिर्फ यहां से आगे से, इन फ्यूचर उसके अगेंस्ट में कुछ मिला, उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं मिला? अगर उसके अगेंस्ट में कुछ मिला, डिपेंड करता है छोटा मिला बड़ा मिला। छोटा मिला 143 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, कुछ बड़ा मिल गया हम क्या कर देंगे, सर्च एंड सीजर की ओर चले जाएंगे, रेड की ओर चले जाएंगे, 133 के पावर को यूज करेंगे। ओके प्रभु। अब इन सब चीजों को समझने से पहले आपको समझना होगा, क्योंकि जब हम रेड में जा रहे हैं, इधर में जा रहे हैं, आपको सबसे पहले ये आइडिया क्लियर होना बहुत जरूरी है, आखिर डिपार्टमेंट है क्या, डिपार्टमेंट के पास क्या पावर है। मेरे डैड हमेशा कहते हैं आप जिससे लड़ रहे हो उसके बारे में आपको सबसे पहले पता होना जरूरी है कि वो है कौन, बराबर है? ठीक उसी तरीके से अगर आप डिपार्टमेंट के बारे में पता करने जा रहे हैं, द फर्स्ट स्टेप यू शुड स्टार्ट इट अंडरस्टैंड द डिपार्टमेंट, कौन किसके नीचे है, कौन किसके बाजू है, किसके पास कितने पावर है, एओ मतलब क्या। आपने तो सिर्फ नाम सुना है, क्या असेसिंग ऑफिसर और इनकम टैक्स ऑफिसर एक ही चीज होती है, क्या होता है, कैसे होता है? जब तक आप डिपार्टमेंट नहीं समझेंगे तब तक आप आगे की चीजें नहीं समझ सकते, गेटिंग इट और नॉट। तो इसीलिए हमारा दूसरा चैप्टर अगर आप देखेंगे, बिल्कुल अब आप पेज पलट सकते हैं, हमारा दूसरा चैप्टर अगर आप देखेंगे तो वो आपको दिखता है इनकम टैक्स अथॉरिटीज। ये वो चैप्टर है जो आपको बताता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या है, इसके पास पावर क्या है, और किस तरीके से ये पावर को यूज कर सकता है। मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं, जैसे कि एक कुछ सवाल, क्योंकि ये असेसमेंट के दौरान बहुत काम आने वाली चीजें हैं। पहला, मैं बैठा हूं पुणे के अंदर में, क्या असम का कोई असेसिंग ऑफिसर मेरे को नोटिस भेज सकता है, क्या गुजरात का कोई ऑफिसर मुझे नोटिस भेज सकता है, क्या मुंबई का कोई ऑफिसर मुझे नोटिस भेज सकता है? इसके पहले समझना तो पड़ेगा ना, व्हाट इज द ज्यूरिसडिक्शन, ये जो रेंज होता है, ये जो वार्ड होते हैं, ये किस बेसिस पे बने हुए हैं। जब तक ये नहीं, सर ऐसा कुछ लिखा है, लिखा है सर, यही तो वो चैप्टर है, यही तो वो चैप्टर है। साथ साथ में सीबीडीटी क्या पावर है, क्या पावर नहीं है, ये भी तो आपको समझना पड़ेगा, सीबीडीटी क्या करता है। क्योंकि अब तक तो हमने सिर्फ इतना देखा कि भैया सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, याद कर मेरे भाई, हिस्ट्री 2 3 दिन पहले ही पढ़ा है हम लोगों ने, राइट? सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, सीबीडीटी और सीबीआईसी। ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि सीबीडीटी के पास पावर कितने हैं, क्या कर सकता है सीबीडीटी, ये समझना पड़ेगा। इसके बाद मान लो
एक पर्टिकुलर एओ मेरा असेसमेंट कर रहा है, लेट से मिस्टर रंजन मेरा क्या कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं। सपोजिंगली सपोजिंगली मिस्टर रंजन का ट्रांसफर हो जाता है और उसके जगह पे दूसरा आ जाता है, तो मेरा असेसमेंट कहां से चालू होगा? बीच से चालू होगा, जहां से वो छोड़ के गए वहां से चालू होगा, या फिर से पूरी की पूरी शुरुआत होगी? समझना पड़ेगा, गेटिंग इट और नॉट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस बेसिस पे सिलेक्ट करता है कि कौन से असेसमेंट होने चाहिए? नहीं लगता आपको? क्या हर एक के लिए क्राइटेरिया सेम होगा? सोच के देखिए, क्या इंडिविजुअल के लिए क्राइटेरिया सेम होना चाहिए जो एचयूएफ के लिए है, जो कंपनी के लिए है? आंसर इज नो। दिस विल ब्रिंग अ अनरीजनेबल हार्डशिप टू द असेसी। सो ये भी समझना होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो क्राइटेरिया सिलेक्ट करता है किसी भी असेसमेंट का, ये क्या है। इन डेप्थ एनालिसिस करना होगा असेसमेंट खोलने से पहले कि पावर किसके पास क्या है। ये जो सेक्शन से ये आपको क्या राइट देंगे, ये एज अ प्रोफेशनल आपको बहुत बड़ा इंसाइट प्रोवाइड करेंगे कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। और कल चल के एओ अपनी मनमानी करने की कोशिश करे, आयो अपनी मनमानी करने की कोशिश करें कि चलो मैं इसके ऊपर असेसमेंट करूंगा, और आप देख लेते हैं कि उसका ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, आप खुद उसको बोल सकते हैं सर ये आपका जुरिस्डिक्शन नहीं, आप गलत जगह आए हुए हैं, कृपया यहां से जाइए। ऐसा होता है सर? बहुत बार होता है। कोई भी ऑफिसर अचानक आकर के नोटिस देता है, फिर हमको उनको बताना पड़ता है सर ना आना इस देश लाडो, ये आपका असेसमेंट का एरिया है ही नहीं, असेसी आपके जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं, आपने नोटिस कैसे दे दिया? हमें उनको लिख करके देना पड़ता है। और यही तो आप अपने क्लाइंट के लिए एज अ गार्ड खड़े होते हो, क्लाइंट आपके लिए इसी चीज के लिए पैसा देता है और यहां पे आप उनके लिए खड़े होते हो। गेटिंग इट और नॉट। सो आइए, इनकम टैक्स अथॉरिटी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं चैप्टर का इंपॉर्टेंस लेवल कितना है। बहुत हो गया तो 4 मार्क्स कुल मिलाकर, बहुत हो गया तो, बट दिस इज नॉट अ वेरी फेमस टॉपिक। आया तो आएगा, लेकिन इस साल आने के चांसेस बन सकते हैं क्योंकि हुआ है अमेंडमेंट। जैसा कि आप चैप्टर 1 ओपन करेंगे चार्ट के बाद, तो आपको दिख जाएगा चैप्टर नंबर 2 इनकम टैक्स अथॉरिटी। सबसे पहले तो आपको चार्ट इंडेक्स दिखेगा, आप इसके लिए मुझे सच में बहुत थैंक यू बोलने वाले हो, क्योंकि ये आपकी बहुत हेल्प करेगा कौन सा सेक्शन किधर है ढूंढने के अंदर में। साथ ही साथ में आपको नीचे दिख जाएंगे सर इसके साथ इस चैप्टर के की अमेंडमेंट। एक अमेंडमेंट हुआ है, 119A इज अ न्यूली इंसर्टेड सेक्शन बाय फाइनेंस एक्ट 20, जो बात करता है टैक्स पेयर्स चार्टर की, बारे में भी डिस्कस करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको पेज दिया हुआ है, ये पेज हमें यूज करना है, मैं जहां लिखने बोलूंगा वहां पे, ठीक है। सबसे पहले आपको एक और सेक्शन लिस्ट दी है, आप देखेंगे सेक्शन 116 से लेकर के यहां तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 129 तक के, प्राइमरीली एसेंशियली 116 टू 129। बट कुछ सेक्शन है जो यहां पे आपको नहीं देखने को मिलेंगे। सीक्वेंस अगर आप देखें तो 121, 122, 123 गायब है, 125, 126 गायब है, 128 गायब है। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको कि सर यहां पे आपने सेक्शन कम लिखे हैं, क्या आपने नोट्स को रिड्यूस कर दिया? बिल्कुल नहीं, द फॉलोइंग सेक्शंस आर ओमिटेड, आपको ये भी मैंने लिख के दिया है ताकि जब आप इस बुक्स को ऑफिसेज में रखें, या आपका कोई दोस्त होगा जिसको सेल्फ स्टडी करनी होगी, आप जब उसको कोई बुक रेफर कराएं तो आप हक से रेफर करें, भाई ये बुक ले, तेरे को पूरा इंसाइट मिलेगा किस सीक्वेंस में जाना है, कौन सी बुक पे क्या है और क्या नहीं है। तो दिस सेक्शंस आर ओमिटेड सेक्शंस, तो हमें ये सेक्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसीलिए बचे हुए सेक्शंस ही हम लोग पढ़ रहे हैं। सर इनकम टैक्स अथॉरिटीज नाम का कोई टॉपिक आपको मॉड्यूल के अंदर में नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनिए पहले मेरी पूरी बात। मॉड्यूल ने आपके कई टॉपिक के नाम ही नहीं लिखे हुए, इंस्टेड उनको एक टॉपिक के अंदर मर्ज कर दिया। जैसे ये चैप्टर अगर आप देखेंगे तो असेसमेंट सर्च एंड सीजर के अंदर में ये टॉपिक को मर्ज किया हुआ है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये टॉपिक पूरा अलग होना चाहिए ताकि किसी भी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आए। सबसे पहला सेक्शन की बात करते हैं, इन सेक्शंस में क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनिए। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज 116। 116 इज अमंगस्ट द इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपको पता होना चाहिए। ये वो सेक्शन है जो आपको बार बार याद रखना है पूरे इनकम टैक्स में, एक ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप डाल दीजिए, बराबर है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज 119, जो मैं इंपॉर्टेंट है मैं उसको यहीं पे आपको बता दे रहा हूं, इस चैप्टर में इनमें से आपको स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 119 ये अमेंडमेंट है, तो अमेंडमेंट जहां पे भी है वो इंपॉर्टेंट ही है, इस बारे में कभी कोई डिस्कशन ही नहीं होगा। देन 124 इज इंपॉर्टेंट, 127 इज इंपॉर्टेंट, गेम ओवर, बाकी कुछ भी
बाकी सब नॉट सो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाएगा, बराबर है। सो देर विल बी थ्री कैटेगरी, इंपॉर्टेंट और नॉट सो इंपॉर्टेंट और ओमिटेड। तो ओमिटेड हमने बता दिया, इंपॉर्टेंट यहां लिख दिया, नॉट इंपॉर्टेंट वाले आपको क्लियर कट है ताकि आप जब बुक खोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए बैरैक्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 116। व्हाट इज 116? इट टॉक्स अबाउट इनकम टैक्स अथॉरिटीज। पूरे सीबीडीटी का ऊपर से नीचे तक का क्या फ्लो है वो ये सेक्शन आपको बताता है। पूरे सीबीडीटी का क्या फ्लो है ये आपको क्या बताता है, ये सेक्शन बताता है 116। ये सेक्शन आपको इसलिए भी याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको आगे के पूरे चैप्टर्स में याद होना चाहिए कि कौन सा ऑफिसर किसके नीचे है और कौन सा ऑफिसर किसके ऊपर है, बराबर, ये आपको पता होना चाहिए। सो आइए सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटीज की। सबसे ऊपर पहला इनकम टैक्स अथॉरिटी, यहां पे आप ऐड करके लिखेंगे सीबीडीटी। सबसे पहला इनकम टैक्स अथॉरिटी है सीबीडीटी। सीबीडीटी इज इटसेल्फ अथॉरिटी। सीबीडीटी इज इटसेल्फ अथॉरिटी, इसका मतलब क्या है, सीबीडीटी को पावर दिए गए हैं। दीज आर डेलीगेटेड पावर्स, दीज आर डेलीगेटेड पावर्स। याद होगा तो पार्लियामेंट ने अपने पावर किसी अथॉरिटी के पास में सौंप दिए थे और वो अथॉरिटी कौन थी, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, अब इसे एक अथॉरिटी के हाथ में दे दिया गया, सीबीडीटी। इसी के लिए जब भी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई नोटिस खोलेंगे, कोई नोटिफिकेशन खोलेंगे, कोई सर्कुलर खोलेंगे, यहां आपको सबसे ऊपर में दिखता है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, फिर दिखता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, फिर आपको दिखता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और फिर आपको बाकी की डिटेल्स दी हुई होती है सीबीडीटी। अब ध्यान से सुनिए, सीबीडीटी के दो विंग, राइट, एक है एनालिसिस विंग, एक है इन्वेस्टिगेशन विंग। ध्यान से सुनिएगा, पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एक है एनालिसिस विंग, दूसरा है इन्वेस्टिगेशन विंग। मोटे मोटी तौर पे अगर आप देखें तो एनालिसिस विंग क्या करता है, आपकी इनकम को कंप्यूट करता है, आपकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम वाली जो बात है, साथ साथ में आपको किसी चीज की अप्रूवल चाहिए, जैसे कोई अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च कई जगह पे लिखा होता है, तो जब इसे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अप्रूव कर देता है तब बनता है ये अप्रूव्ड। तो ऐसे कुछ अप्रूवल्स वाली बात है, किसी के अप्रूवल वापस लेना है, चैरिटेबल ट्रस्ट को क्या करना है, चैरिटेबल ट्रस्ट को रिकॉग्नाइज करना है या अनरिकॉग्नाइज करना है, ये सारी बातें यहां पे आती है मोटा मोटी तौर पे एनालिसिस विंग। दूसरा होता है इन्वेस्टिगेशन विंग। इन्वेस्टिगेशन विंग जनरली वो लोग होते हैं जो सर्च सीजर रेड्स में काम करते हैं। हालांकि ऑल दीज आर पार्ट ऑफ वन डिपार्टमेंट ओनली, बट इनके क्राइटेरिया और राइट्स आपको अलग कर दिए गए। इसी के लिए जब आप रेड वाले टॉपिक पढ़ते रहेंगे आपको ये वाले नाम ज्यादा दिखेंगे, और जब आप असेसमेंट चैप्टर पढ़ते रहेंगे आपको ये वाले नाम ज्यादा दिखेंगे। तो जहां आपकी इनकम कंप्यूटेशन अप्रूवल रिमूवल वाली बातें आ गई, आपका एनालिसिस वाला पार्ट आ जाता है। जहां आप पे रेड वाली बात आ गई, सर्च वाली बात आ गई, सीजर वाली बात आ गई, सर्वे वाली बात आ गई, इन वर्ड से आप अभी अभी फैमिलियर हुए होंगे, पर सुनते रहिए मजा आएगा आपको, और ये है वो पार्ट इन्वेस्टिगेशन विंग। ठीक है, तो सबसे पहली अथॉरिटी है सीबीडीटी। सीबीडीटी के नीचे की अथॉरिटी कौन सी है, ये चारों नाम जब आप बैरैक्ट पढ़ेंगे तो ये चारों नाम आप एक साथ दिखेंगे। मैंने इसे जानबूझ के अलग कर दिया ताकि आपको अभी से समझ में आ जाए, एक बहुत अच्छी क्लैरिटी, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है मैं जो आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको दिखते हैं सीसीआईटी, इस नाम को सुनिए, सीसीआईटी और एक और पोस्ट डीजीआईटी। एनालिसिस विंग में इन्हें कहा जाता है सीसीआईटी, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अपॉइंटमेंट कौन देता है, अपॉइंटमेंट देता है सीबीडीटी। कौन सी एग्जाम होती है, अगर आपको बनने की कभी इच्छा है तो आईआरएस। मैंने आईएएस का एग्जाम दिया है तो मैं बहुत फैसिनेटेड हूं इन जॉब्स के बारे में, इसीलिए मैं आपको साथ साथ में बता दूं कि अगर कभी भी आपको आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स के बाद कुछ और करने की इच्छा हो तो मैं कहूंगा बाकी कोई चीज मत कीजिए, आप यूपीएससी ट्राई कीजिए, यूपीएससी आईआरएस एग्जामिनेशन ट्राई कीजिए, सीसीआईटी में जा सकते हैं, डीजीआईटी में जा सकते हैं। अब क्या होता है, कुछ बड़ी सिटीज होती है जहां पे एक या दो सीसीआईटी हो सकते हैं, सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, पुणे, ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, सीसीआईटी एक से ज्यादा होते हैं तो उनके ऊपर एक हेड बैठा दिया जाता है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल सीसीआईटी, प्रिंसिपल डीजीआईटी। इसीलिए पी सी सी आई टी और पी डी जी आई टी। पी मतलब क्या, प्रिंसिपल। सो व्हाट इज दिस, दिस एरो करके लिखिए, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स।
सो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ये क्या होता है, जब सीसीआईटी के ऊपर दो से ज्यादा सीसीआईटी, इनके ऊपर एक बॉस बैठा दे, वी कॉल इट एज अ प्रिंसिपल। डीजीआईटी, ऐसे मल्टीपल डीजीआईटी का एक बॉस बैठा दिया गया, वी कॉल इट एज अ प्रिंसिपल डीजीआईटी। सो सबसे पहले क्या होता है, सीसीआईटी डीजीआईटी, ये वर्ड याद रखे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रिंसिपल आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। सो सीसीआईटी डीजीआईटी, सीसीआईटी के नीचे होता है, सीसीआईटी के नीचे होता है सीआईटी, सीसीआईटी के नीचे होता है सीआईटी। अब वो चीफ वर्ड हटाना है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये ऐसे कई कमिश्नर्स के ऊपर एक हेड बताया जाता है जिसे हम कहते हैं सीसीआईटी, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और उसके नीचे वाले जो छोटे छोटे ऑफिसर्स होते हैं, राइट, इसे हम कहते हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, स्टेट वाइज सीसीआईटी तो होता ही है, पर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आपको सीआईटी जरूर मिलने मिल जाएंगे। सीआईटी के साथ साथ इधर इन्वेस्टिगेशन विंग में उसी का भाई है डीआईटी, डायरेक्टर जनरल की जगह सिर्फ डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, बराबर है। सो व्हाट इज सीआईटी, सीआईटी स्टैंड्स फॉर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डीआईटी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, बराबर, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। सो इस तरीके से मेरे साथ याद रखिए, सबसे ऊपर कौन, सीसीआईटी, सीसीआईटी के नीचे कौन, सीआईटी, इसके अपोजिट वाले आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, डीजीआईटी डीआईटी। इसी रैंक में एक और है सीआईटी ए, सीआईटी ए, व्हाट इज सीआईटी ए, इसे हम कहते हैं सीआईटी, दैट इज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। तो कहीं पे भी सीआईटी ब्रैकेट में ए लिखा हुआ हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एज सीआईटी अपील्स। ये क्या होता है, जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स का सताया हुआ हुआ व्यक्ति है, वो सबसे पहले जा करके इनके पास अपील रखता है अपनी, कि भैया मेरी बात सुनिए, काइंड ऑफ अ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, एज गुड एज आर्बिट्रेशनल अथॉरिटी, जो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट या आपके और डिपार्टमेंट के झगड़े के बीच में आएगा और इसे रिजॉल्व करेगा। ये है वो, अपील के लिए यूज होता है सीआईटी अपील। दे आर इन द रैंक ऑफ सीआईटी, याद रखिएगा, याद रखिएगा, सीआईटी डीआईटी और सीआईटी अपील्स, ये एक रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, काम अलग अलग होता है, एक रैंक के ऑफिसर्स होते हैं। वापस से स्टार्ट करते हैं, सबसे ऊपर कौन, सीसीआईटी, सीसीआईटी बाजू में कौन, डीजीआईटी, सीसीआईटी के नीचे कौन, सीआईटी, इन्वेस्टिगेशन विंग में डीआईटी, सात वाला भाई सीआईटी अपील्स, सीआईटी अपील्स, बराबर है, सीआईटी अपील्स। तो एक सवाल, वेदर सीआईटी अपील इज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी, आंसर इज यस। वेदर सीआईटी अपील इज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी, आंसर इज यस। वेदर सीआईटी अपील इज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी, आंसर इज यस। अच्छा जी सर, सबसे पहले सीसीआईटी, सीसीआईटी के नीचे सीआईटी, सीआईटी के नीचे कौन, जेसी, जेसी का मतलब होता है ज्वाइंट कमिश्नर, ध्यान से सुनिए, जेसीआईटी का मतलब होता है ज्वाइंट कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर। कमिश्नर की जगह आप डायरेक्टर वर्ड लगा दें, यहां पे बन जाएगा ज्वाइंट डायरेक्टर, ज्वाइंट कमिश्नर, ज्वाइंट डायरेक्टर। डन सर, ज्वाइंट कमिश्नर, ज्वाइंट डायरेक्टर। सो फर्स्ट सीसीआईटी, सीआईटी के बाद सीसीआईटी, सीसीआईटी के बाद सीआईटी, सीआईटी के नीचे कौन, जेसी, आप इसके शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकते हैं, इसके नीचे कौन, जेसी, ज्वाइंट कमिश्नर। ये जनरली सब डिस्ट्रिक्ट तालुका वाइज आपको मिल सकते हैं, यू नो डिस्ट्रिक्ट के अंदर में भी जो बड़ी बड़ी सिटीज होती है उनके अंदर में अप टू जेसी तक के क्या किया जाता है, बैठाया जाता है, ज्वाइंट कमिश्नर बोला जाता है इन लोगों को, और इन्वेस्टिगेशन इनमें इनको ज्वाइंट डायरेक्टर। तो ज्वाइंट कमिश्नर, ज्वाइंट डायरेक्टर, सेम लेवल ऑफ ऑफिसर है। जेसी के नीचे आता है एसीडीसी, जेसी के नीचे कौन आता है, एसीडीसी, नाम क्लियर रखिए सर, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर। यहां पे कमिश्नर वर्ड हटा के डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर,
चेक इट आउट। सबसे पहले सीसीआईटी, सीआईटी के नीचे सीसीआईटी, सीआईटी के नीचे सीआईटी, सीसीआईटी के नीचे सीआईटी, सीआईटी के नीचे जेसी, जेसी के नीचे एसीडीसी और एसीडीसी के नीचे आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर। ये दोनों के नीचे होता है एसीडीसी और एडीडीडी के नीचे, दोनों के नीचे होता है इनकम टैक्स ऑफिसर। ध्यान से सुने, अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। हु इज एओ? एओ कौन है? एओ कौन होगा आपका? आपकी इनकम को कौन असेस करने का राइट रखेगा? हु इज एओ? जेसी, जेडी, एसीडीसी, एडीडीडी, इनकम टैक्स ऑफिसर, ये है आपके एओ। सिर्फ यही लोग आपके रिटर्न ऑफ इनकम को एनालाइज कर सकते हैं। यही लोग वो लोग है मेरे भाई, जो आपकी इनकम को कंप्यूट करेंगे। 143.3 या 144 करने का पावर इन लोगों के पास आता है। यस, इन लोगों के पास आता है। दीज आर द एओज। वापस से बोलिए, एओ कौन कौन है? जेसी, एसीडीसी, आईटीओ, इंक्लूडिंग जेडीएन एडीडीडी, वो उसके साथ वाले ऑटोमेटिकली इसके अंदर में क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं। सो वापस से एक बार बताइए, इस वाले पार्ट का याद रखिए, कमिश्नर की जगह डायरेक्टर वर्ड यूज कर लेंगे, वो वाला पार्ट याद हो जाएगा। सो फॉर द टाइमिंग मैं इधर ही रहने वाला हूं, ठीक है? तो सबसे पहले ऊपर कौन? सीसीआईटी। सीसीआईटी के भी ऊपर कोई हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। प्रिंसिपल सीसीआईटी, उसके ऊपर भी कोई है क्या? हाँ है ना साहब। सीबीडीटी, तो सबसे ऊपर कौन? सीबीडीटी। सीबीडीटी के नीचे कौन? सीसीआईटी। सीसीआईटी के नीचे कौन? सीआईटी। उधर कौन? डीआईटी। उधर कौन? सीआईटी अपील्स। सीआईटी के नीचे कौन? जेसी। जेसी के नीचे कौन? एसीडीसी, राइट? और उसके नीचे कौन? आईटीओ। हु कैन बी एओ? बताइए, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का आपके क्लाइंट को नोटिस आया, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का आपके क्लाइंट को नोटिस आया और वो आपको बोलता है कि मैं आपका असेसमेंट करने वाला हूं। बताइए, क्या आप उस क्या कहना चाहिए आपने उसे? आपने उसे कहना चाहिए, सर आपके पास पावर ही नहीं है, यू आर नॉट अ असेसिंग ऑफिसर, आप मेरे रिटर्न को हाथ नहीं लगाएंगे, आप मेरी इनकम को कंप्यूट नहीं करेंगे, आपके पास पावर ही नहीं है। तो एओ कौन हो सकता है? आपके रिटर्न, आपका असेसमेंट करने वाले कौन हो सकते हैं? जेसी हो सकता है, एसीडीसी हो सकता है, आईटीओ हो सकता है। इनिशियली जो आपके रिटर्न को हाथ लगाता है, ये भी डिपेंड करता है इनकी वैल्यूज के ऊपर। मैं आपको बताता हूं कैसे। हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक सर्कुलर निकालता है और उसके अंदर में लिमिट रखता है। फॉर एग्जाम्पल, 10 लाख तक के लिमिट तक के जितने भी रिटर्न होंगे उनको आईटीओ हाथ लगाएगा। 10 लाख से 50 लाख के रेंज में जो भी रिटर्न होंगे उनको एसीडीसी हाथ लगाएगा। 50 लाख के ऊपर वाले जितने भी रिटर्न होंगे उनको जेसी हाथ लगाएगा। तो ऐसे बेसिस और क्राइटेरिया हर बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है और उस क्राइटेरिया हर साल बदलते हैं। वो क्राइटेरिया हमें याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो डिपार्टमेंट्स के क्राइटेरिया है और इस बेसिस पे आपके क्या करते हैं? रिटर्न जाते हैं। इस बेसिस पे आपके क्या करते हैं? रिटर्न जाते हैं। क्या आईटीओ पे खत्म हो जाता है? नहीं, उसके नीचे होता है टैक्स रिकवरी ऑफिसर और उसके भी नीचे होता है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। टैक्स रिकवरी ऑफिसर जिसे हम कहते हैं टीआरओ और इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स जिसे हम कहते हैं आईआईटी, दैट इज इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। ये होता है ओवरऑल डिपार्टमेंट। सर इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है क्या? इस पे क्वेश्चन नहीं बनता आपको कि पूरा डिपार्टमेंट एक्सप्लेन करो, ना थियरी ना प्रैक्टिकल, इस पे क्वेश्चन ही नहीं बनता आपको। सिर्फ आपको समझने के लिए कि डिपार्टमेंट का हायरार्की क्या है, राइट? सो व्हाट इज द हायरार्की ऑफ द डिपार्टमेंट, मेरे साथ एक बार जल्दी से बोल देंगे। सबसे ऊपर कौन? सीबीडीटी। इज सीबीडीटी द पार्ट ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी? आंसर इज यस। ये एमसीक्यू होगा, ये बड़ा होकर एमसीक्यू बनेगा, ठीक है? तो सबसे पहले सीबीडीटी। सीबीडीटी के नीचे कौन? सीसीआईटी। सीसीआईटी के भाई कौन? डीजीआईटी, क्लियर है? इनके बॉस प्रिंसिपल। उसके नीचे कौन? सीआईटी। सीआईटी का भाई कौन? डीआईटी। और एक नाजायज भाई कौन? सीआईटी अपील्स, क्लियर है? इसके नीचे जेसी, ज्वाइंट कमिश्नर। ज्वाइंट कमिश्नर का भाई कौन? जेडी। एसीडीसी, एडीडीडी, आईटीओ, टीआरओ, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, बराबर? एक बार वापस बोलिए, दो मिनट में खड़ा हूं, अपने मन में पूरा प्रोसेस रिपीट कीजिए, काम की चीज है। सीसीआईटी, सीआईटी, लेफ्ट याद रखिए, राइट ऑटोमेटिक हो जाएगा।
सीसीआईटी, सीआईटी, जेसी, एसीडीसी, आईटीओ, टीआरओ, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, दिस इज नथिंग बट योर डिपार्टमेंट। सर मैं आपको अभी से कहता हूं, आपको कभी भी ऐसा लगे बिंदास बेरैक्ट खोलिए, बेरैक्ट बाजू में रखिए, या आपके मोबाइल के अंदर में मोबाइल एप्लीकेशन भी मिलते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, मोबाइल एप्लीकेशन भी खोल दीजिए, आपको पूरा का पूरा बेरैक्ट दिख जाएगा, उल्टा आपको ये ज्यादा बेहतर प्रेजेंटेड फॉर्म में दिखेगा। Getting it or not? So AO कौन हो सकता है? यहां से अब एक चीज जो याद रखने लायक, AO कौन हो सकता है? JC, ACDC, ITO, ये तीन कौन होंगे? आपके AO होंगे, बाजू वाले ऑटोमेटिकली कवर्ड है, ध्यान से सुनना, बराबर है। तो ये थे सेक्शन 116, दिस इज द फर्स्ट सेक्शन। सर क्या मुझे लिखना है? लिखेंगे, जो पार्ट जरूरी है वो लिखेंगे, डोंट वरी। फिर आता है सेक्शन 117, ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 117 क्या कहता है, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं, बट मैं आपको बता दूं, इनके अपॉइंटमेंट्स कौन करेगा, राइट? इनकम टैक्स अथॉरिटीज तो है, इनके अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ये पावर दिया गया है सेक्शन 117 में सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट द अथॉरिटीज ऑफ इनकम टैक्स एज इट मे डीम फिट। एज इट मे डीम फिट का यहाँ पे बहुत क्लियर मीनिंग है, एज इट मे डीम फिट का यहाँ पे बहुत क्लियर मीनिंग है, जब जब उन्हें लगता है वो स्टाफ बढ़ा सकते हैं, जब जब लगता है वो कम कर सकते हैं। साथ साथ में अपॉइंटमेंट का पावर किसके पास दिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दिया हुआ है, यानी ये पब्लिक सर्विसेज है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या दिया हुआ है, आपको पावर दिया है इनके अपॉइंटमेंट का। साथ ही साथ में आपको लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी खाली होगी कि वो लोअर लेवल वाले स्टाफ्स भी अपॉइंट करे? आंसर इज नो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टेक्निकली सीआईटी तक के अपॉइंटमेंट करता है, और उसके नीचे के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनको अपॉइंटमेंट के पावर सीबीडीटी के मेंबर्स जो होते हैं उनके हाथ में दे देता है कि यू कंडक्ट एन एग्जामिनेशन एंड देन अपॉइंट दिस ऑफिसर्स। इसीलिए क्या होता है, इनकम टैक्स के अलग अलग एग्जाम होते हैं, अगर आपको कभी करना है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के भी एग्जाम होते हैं, आईआरएस एग्जामिनेशन होते हैं, अगर आपको बड़ी पोस्ट चाहिए आईआरएस एग्जामिनेशन के अंदर में जाइए, छोटी पोस्ट चाहिए तो आईआरएस की जो एग्जामिनेशन होती है इनकम टैक्स ऑफिसर्स की, उसके थ्रू आप बन सकते हैं। कभी आपको अगर इनके ऑफिसर्स के स्कीम में जाना हो, यूपीएससी का कभी इंटरेस्ट हो तो मेरे से जरूर पूछिएगा, अपन लोग डिस्कस करेंगे ओवर द व्हाट्सएप कि किस तरीके से आप लोग जा सकते हो। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैंने ट्राई किया है, इसके लिए मुझे पता है। देन इनफैक्ट अगर आप मेरा फेसबुक अभी भी ओपन करके देखेंगे तो मेरे फेसबुक पे अभी भी लिखा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो आज भी ऐसी इच्छा है कि मैं एक बार कर लूं, बट टाइम नहीं मिल पाता, ऑनेस्टली टाइम नहीं मिल पाता, फिर बैचेस आ जाती है और सब्जेक्ट इतना प्यारा है कि इतने छोटे छोटे अमेंडमेंट होते हैं, आपको तो पता ही है, तो वो टाइम नहीं मिल पाता, बट हाँ मेरी डीप डाउन बहुत इच्छा है एडमिनिस्ट्रेशन में जाने की। सो सेक्शन 117 क्या कहता है? सेक्शन 117 दो ही बातें कहता है, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव पावर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है टेक्निकली, अब सीबीडीटी के थ्रू ये कंडक्ट करता है, या जो यूपीएससी एग्जामिनेशन है उसके थ्रू ये क्या करता है, कंडक्ट करता है पब्लिक सर्विसेज के अपॉइंटमेंट्स, राइट? और ये सीआईटी तक के रख लेगा, और उसके लोअर लेवल के अपॉइंटमेंट करने का पावर इनको ऐसा दिया जा सकता है, और ये चीज लिखी है सबसेक्शन 2 के अंदर में, चेक करते हैं मेरे साथ बेरैक्ट। द सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट सच पर्सन एज इट थिंक फिट, सच पर्सन एज इट थिंक फिट, स्टॉप, सच पर्सन एज इट थिंक फिट का मतलब क्या होता है? यहां पे एक और चीज है जो मैंने जब डीप डाउन एनालिसिस किया, मैं आपको बताता हूं कि सच पर्सन एज इट थिंक फिट का मतलब क्या है। अलग अलग वेरियस कास्ट से इसके अंदर में लोग आते हैं, एंड सिंस इट्स अ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन कास्ट सिस्टम हैज टू क्लियर इट्स रूल। सेकेंड क्या होता है इसके अंदर में, सेपरेट डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को भी रखा जाता है, यस, विकलांग लोगों का भी एक सेपरेट कोटा होता है, क्योंकि मैं एग्जाम दे चुका हूं इसलिए मैं आपको बता दूं, उन लोग के लिए भी एक कोटा होता है, वुमेन्स के लिए एक स्पेशल कोटा होता है, स्पेशल कास्ट के लिए एक कोटा होता है, तो सारी चीजें इसके अंदर में होती है, इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट एनी सच पर्सन एज इट थिंक फिट टू बी द इनकम टैक्स अथॉरिटी, तो वो किसी को भी इनकम टैक्स अथॉरिटी के लिए कर सकते हैं, लेकर के आ सकते हैं। सेकेंड वाला, सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेटिंग द कंडीशन ऑफ सर्विस, ये देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेटिंग द कंडीशन ऑफ सर्विस का मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि ये कितने दिन काम करेंगे, कितने दिन छुट्टी लेंगे, इनका पे पैकेजेस क्या होंगे, वो मतलब ये कौन से ग्रेड पे सिस्टम के अंदर में आएंगे, किसकी पोस्टिंग का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एज ऑफ रिटायरमेंट क्या होनी चाहिए, ये सारी बातें आती है इसके अंदर में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेटिंग द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन इन पब्लिक सर्विस एंड पोस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑथराइज, किस किस को ऑथराइज किया जा सकता है, सीबीडीटी, डीजीआईटी, सीसीआईटी, डीआईटी, सीआईटी, यानी क्या मैं कह सकता हूं ऊपर वाले बॉसेस, सीसीआईटी,
भाई आ गया ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड, डीजीआईटी, सीआईटी, डीआईटी. सीआईटी अपील नहीं रखा गया यहाँ पे. तो मेजरली इनके अपॉइंटमेंट्स तक के कौन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाद में इनको अथॉरिटी दे दी जाती है आपके नीचे के जेसी, जेडी, एसी, डीएडी, आईटीओ एंड अदर, आप एग्जामिनेशन लेकर के कंडक्ट कीजिए. तो सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑर्थराइज सीबीडीटी, डीजीआईटी, सीसीआईटी, डीआईटी, सीआईटी टू अपॉइंट इनकम टैक्स अथॉरिटीज बिलो द रैंक ऑफ एसी डीसी. तो एसी डीसी के नीचे के रैंक वाले जो लोग हैं उनको ये अपॉइंटमेंट दे सकते हैं. एसी डीसी के नीचे कौन आता है मेरे भाई, इनकम टैक्स ऑफिसर आता है, टीआरओ आता है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स आता है, वो ये लोग अपॉइंट कर सकते हैं. और सर फिर एसी डीसी कैसे बनता होगा, कुछ नहीं, जो इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं उन्हें प्रमोट किया जाता है एसीडीसी क्राइटेरिया पे, इसीलिए उन्होंने बोला कि उनको रखने की जरूरत नहीं होती अपॉइंटमेंट की, क्योंकि ये प्रमोशन से ही आ जाते हैं जो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं उस हिसाब से. तो सर एज क्राइटेरिया, अदर क्राइटेरिया, सारी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल काम का नहीं. अब क्या कीजिए आप, अब अपने पर्सनल नोट्स मेरे साथ बनाइए, यहां पे स्पेस फॉर इंपॉर्टेंट नोट्स दिख रहा है, बराबर है, स्पेस फॉर इंपॉर्टेंट नोट दिख रहा है, आप यहां पे बना सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं अपने रजिस्टर के अंदर में बना सकते हैं. मेरी इच्छा है कि आप यू नो नॉन इंपॉर्टेंट जो है वो यहां रख लें, नॉट सो इंपॉर्टेंट जो है वो यहीं रख लें, ताकि आपको शॉर्ट में समझ में आ जाए आपके शॉर्ट नोट्स मेरे साथ ही, और जो इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन है सिर्फ वो आप अपने रजिस्टर में लेके जाएं, जहां मैं बताऊंगा सिर्फ वो अपने रजिस्टर के अंदर में लेके जाएं, बराबर है. रजिस्टर के अंदर में आप क्या कर लीजिए, रजिस्टर के अंदर में एक चैप्टर दे दीजिए, चैप्टर का नाम लिखिए इनकम टैक्स अथॉरिटीज, फटाफट लिखिए इनकम टैक्स अथॉरिटीज. डन. सबसे पहले सेक्शन 116 इनकम टैक्स अथॉरिटीज, सीबीडीटी, सीसीआईटी, डीजीआईटी, सीसीआईटी, डीजीआईटी, पहले सारे प्रिंसिपल का नाम लिखेंगे, उसके नीचे सीआईटी, डीआईटी, सीआईटी अपील्स. प्रिंसिपल कवर हो गए, मैं सेपरेटली नहीं लिख रहा हूं. इसके नीचे जेसी, जेडी, इसके नीचे ए सी डी सी, ए डी डी डी, आई टी ओ, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स. टी आर ओ, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स. इसी के बाजू लिख सकते हो सेक्शन 117 सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड डीजीआईटी, सीसीआईटी, सीआईटी, डीआईटी हैव पावर टू अपॉइंट ऑफिसर बिलो एसीडीसी. अलग पेन होगा तो यहां पे ऐसे एओ लिख देना.
डन है प्रभु। चलिए नेक्स्ट क्राइटेरिया पे अगर हम बात कर लें तो नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है कंट्रोल ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी। ये सेक्शन को लाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया था मैं आपको बताता हूं। देखिए हो ये रहा था कि कभी कभी जरूरत पड़ती है नए ऑफिसर्स को रिक्रूट करने की, कभी कभी जरूरत पड़ती है कि स्ट्रेस अगर ज्यादा हो जाता है तो कोई भी किसी के नीचे सबॉर्डिनेट बन सकता है। इस सेक्शन को लाना इसलिए भी जरूरी था कि ताकि कंट्रोल जो रहे वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहे। तो ये सेक्शन ला करके डिपार्टमेंट ने क्या किया, डिपार्टमेंट ने बहुत सिंपल सी चीज कर ली कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो रहेगा या बोर्ड जो रहेगा ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वो क्या करेगा कि किसी भी ऑफिसर को किसी के भी सबॉर्डिनेट में रखा जा सकता है इन द रिक्वायरमेंट्स, इन द पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। अब जैसे मैं आपको बताता हूं ये सेक्शन की जरूरत एग्जैक्टली कहां पड़ी और क्यों ये सेक्शन को लाने की जरूरत पड़ गई। मान लीजिए पुणे के अंदर में एक असेसी है जिसके ऊपर रेड चालू है, बराबर है। पता चलता है इसका एक ब्रांच मुंबई में है और पुणे के ऑफिसर क्या गए, मुंबई में रेड करने के लिए गए। अब उस टाइम पे मान लीजिए इन ऑफिसर्स को मुंबई के एरियाज के बारे में पता ना हो या यू नो वहां पे उनको लोकल असिस्टेंस की जरूरत पड़े, लोकल डिपार्टमेंट के असिस्टेंस की जरूरत पड़े, कुछ बहुत ज्यादा मिल जाता है इंक्रीमेंटल। तो ऐसे केसेस में क्या किया जा सकता है, बोर्ड क्या करता है इनको एक अथॉरिटी दे देता है वहां के कुछ ऑफिसर्स आपके साथ लेने के लिए, यानी अ ऑफिसर विल सबॉर्डिनेट अनादर ऑफिसर इन दिस पर्टिकुलर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ऐसा कुछ किया जा सकता है क्या, हाँ। और इसी चीज के लिए एक सेक्शन लाया गया सेक्शन 118 विच इज दैट बोर्ड, बोर्ड का एक ही मतलब इसके आगे सीबीडीटी, द बोर्ड विल हैव पावर टू यू नो प्रोवाइड सबॉर्डिनेट टू एनी अदर ऑफिसर। एक ऑफिसर किसी के नीचे सबॉर्डिनेट हो सकता है ऐसा एक पावर ला दिया गया। और इसके तहत बहुत बार ऐसा होता है कि एक ऑफिसर दूसरे के ऑफिसर को क्या करेगा, सबॉर्डिनेट करेगा। देखिए कई बार ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो बहुत वॉल्यूमिनियस होते हैं, ऐसे केसेस में एक ऑफिसर पूरी की पूरी फाइंडिंग नहीं कर सकता तो उसके साथ क्या किया जाता है, दूसरे ऑफिसर को अटैच कर दिया जाता है, बोलता है यू विल असिस्ट हिम, यू विल सबॉर्डिनेट हिम एंड विल वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। क्या ऐसा कुछ पावर है करने का, यस बिल्कुल कराया जा सकता है। उस टाइम पे आपके ईगोज हर्ट नहीं होने चाहिए, मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा, मैं इसके नीचे काम नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी के लिए एक सेक्शन लाया गया सेक्शन 118, गेट इट। पेरैक्ट पढ़ते हैं, द बोर्ड में, बोर्ड मतलब कौन, सीबीडीटी, बाय नोटिफिकेशन, इसके लिए एक सेपरेट नोटिफिकेशन निकलेगा, द बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डायरेक्ट दैट एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन शैल बी सबॉर्डिनेट टू सच अदर इनकम टैक्स अथॉरिटी एस मे बी नोटिफाइड। ये क्या किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है कि कोई भी किसी के नीचे क्या रहेगा, सबॉर्डिनेट बन सकता है। इसका यूज एक और जगह करते हैं, मान लीजिए अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई एक नई पोस्ट क्रिएट करनी होगी उन्हें, राइट, तब भी वो क्या कर सकते हैं इन दो पोस्ट के बीच में, लेट्स से एसीडीसी सॉरी जेसी और सीआईटी के बीच में एक नया पोस्ट क्रिएट करना है उनको, तो वो क्या करेंगे, सेक्शन 118 का पावर यूज करेंगे, एक नोटिफिकेशन लेंगे और कभी फ्यूचर में जाकर यू नो सीआईटी और जेसी के बीच में एक पर्सन को इंसर्ट कर दिया जाएगा, एक नया अथॉरिटी क्रिएट कर दिया जाएगा। यह भी इस सेक्शन के थ्रू किया जा सकता है। सो सेक्शन 118 क्या बोलता है, वन ऑफिसर कैन बी सबॉर्डिनेट टू अनादर ऑफिसर बाय वे ऑफ अ नोटिफिकेशन। क्लियर है प्रभु। सो रोमांसिंग द टैक्सेशन वे, सिंपल शब्दों में अगर कहूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं, वो यहीं पे लिख के दे दिया मैंने, द बोर्ड मे बाय नोटिफिकेशन एनी स्पेसिफाइड अथॉरिटी शैल बी सबॉर्डिनेट टू अनादर अथॉरिटी। सिर्फ ये दो लाइन में सेक्शन खत्म हो जाता है तो आपको ये सेपरेटली लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। सो बेरैक्ट पढ़ा, बेरैक्ट के नीचे हम लोगों ने सिंप्लीफाइड एनालिसिस भी देख लिया। ओके क्या क्या पढ़ा सर आज, मैं आपको बता दूं आज हम लोगों ने क्या क्या किया उस बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 19 का ब्रीफिंग करेंगे लेकिन आज इसके ऊपर जाएंगे नहीं क्योंकि टाइम नहीं बचा है। क्या क्या पढ़ा सर वो एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले आज हम लोगों ने पूरा का पूरा टैक्स कैलकुलेशंस खत्म किए, पूरे टैक्स कैलकुलेशंस हम लोगों ने खत्म किए। टैक्स कैलकुलेशंस खत्म करने के बाद हम लोगों ने असेसमेंट चार्ट कंप्लीट किया, इसके अंदर आज हमारा सब्सटैंशियल टाइम गया लेकिन आपको मजा जरूर आया होगा। इनकम टैक्स अथॉरिटी के तीन सेक्शन पढ़े, 116, 117,
118, ये तीन सेक्शंस आज हम लोगों ने पढ़े, राइट। आपका काम क्या है? आपका काम सिर्फ इतना है, आपको जाकर के टैक्स कैलकुलेशंस को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, प्लस इन सेक्शंस को आपको घर पे पढ़ना है, ठीक है। सो 116 इनकम टैक्स अथॉरिटी, 117 अपॉइंटमेंट ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी, 118 कंट्रोल ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी टू कंट्रोल दी हायरार्की ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, 119 पावर्स ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज। जब भी मैं बात करता हूं इनकम टैक्स अथॉरिटीज की, इसका मतलब होता है 116 में दिए हुए जितने अथॉरिटीज है उन सब की। याद रखें 119 जब आप बेरैक्ट से पढ़ेंगे, मैं आपको जगह जगह पे ये भी बताऊंगा कि हमने कहां बेरैक्ट का सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट लिया, पूरा नहीं लिया। ये है वन ऑफ दोस सेक्शन 119 को आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा सेक्शन है। इसमें का जो रेलेवेंट पार्ट है हम लोगों ने उतना निकाला है, और आगे के रेलेवेंट पार्ट आगे कवर किए हैं और कुछ नहीं भी कवर किए हैं। ध्यान से सुनिएगा, 119 किस बारे में बात करता है? 119 बात करता है पावर्स ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज की। किस बारे में बात करता है? पावर्स। जब भी नोटिफिकेशन आता है इन डिपार्टमेंट का, कोई भी सर्कुलर आता है, आप ये सेक्शन देखेंगे। ड्यू डेट एक्सटेंशन के जो नोटिफिकेशन आते हैं, आप ये सेक्शन देखेंगे। ये सेक्शन बताता है कि सीबीडीटी के पास क्या पावर है। जी हां, ये सेक्शन बताता है कि सीबीडीटी के पास क्या पावर है। क्या पावर है सीबीडीटी के? क्या एक्सरसाइज कर सकता है? क्या वो ड्यू डेट एक्सटेंड कर सकता है? नोटिफिकेशन निकाल सकता है? सर्कुलर निकाल सकता है? ऑर्डर निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता? ऐसे सारे पावर्स यहां पे दिए हैं। यही सेक्शन कहता है क्या सीबीडीटी कोई रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सकता है क्या? यहां पे दिया है इस बारे में डिस्कशन किया गया है। तो ब्रॉडली ये किस बारे में बात करता है? ब्रॉडली मोटे मोटी तौर पर यह बात करता है कि सीबीडीटी दैट इज बोर्ड क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, व्हाट ही कैन डू, व्हाट ही कैन नॉट डू, व्हाट सीबीडीटी कैन डू। Understand the first subsection 119 subsection 1 says that the CBDT can issue the instruction to the subordinates. CBDT क्या कर सकता है? अपने subordinates को instructions issue कर सकता है. So what he can do? He can issue NOC. Sir, NOC वो जो office वाला है वो ना मुन्ना ना. He can issue N notifications. CBDT has the power to issue the notification. याद होगा तो जब हम बेसिक चैप्टर पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने डिस्कस किया था नोटिफिकेशन कौन इशू करता है। सो नोटिफिकेशन इज इशूड बाय CBDT। कहां से आता है पावर? सेक्शन 119। CBDT कैन इशू NOC, N मतलब नोटिफिकेशन, O ऑर्डर, कोई जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर इशू किया जा सकता है। याद होगा तो सेक्शन 298 में हमने जनरल या स्पेशल ऑर्डर की बात करी थी। तो 298 के तहत कोई भी जनरल ऑर्डर इशू करना है या स्पेशल ऑर्डर इशू करना है, ये दोनों भी ऑर्डर सेक्शन 119 के हिसाब से इशू किए जा सकते हैं। सीबीडीटी क्या कर सकता है? एनओसी इशू कर सकता है। एन नोटिफिकेशन, ओ ऑर्डर, सी मतलब क्या? सर्कुलर। याद होगा तो सर्कुलर इज फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ डिपार्टमेंट। ये क्लैरिफिकेशन कौन देगा? सीबीडीटी देगा ये क्लैरिफिकेशन। सो दे कैन इशू सर्क्यूलर, दे कैन इशू व्हाट? सर्क्यूलर इशू कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन इशू कर सकते हैं क्या करना है कैसे करना है। तो सबसेक्शन 1 ऑफ 119 सेज द बोर्ड मे इशू एनओसी, नोटिफिकेशन, ऑर्डर एंड सर्कुलर, ये इशू किए जा सकते हैं कि असेसमेंट कैसे करना है, कौन से क्राइटेरिया सिलेक्ट करने हैं, यू नो ड्यू डेट्स एक्सटेंड हो रहे हैं क्या, सर्कुलर किस चीज को कैसे वर्क करना है, ये सारी चीजें वो कर सकता है। सो सीबीडीटी क्या कर सकता है? एनओसी इशू कर सकता है, नोटिफिकेशन, ऑर्डर एंड सर्कुलर इशू कर सकता है। सीबीडीटी हर तरीके के ऑर्डर इशू कर सकता है, काम की बात। सीबीडीटी हर तरीके के ऑर्डर इशू कर सकता है, लेकिन दो तरीके के ऑर्डर सीबीडीटी इशू नहीं कर सकता। मेरी बात इस पॉइंट पे जरा ध्यान से सुनिएगा, सीबीडीटी हर तरीके के ऑर्डर इशू कर सकता है लेकिन दो तरीके के ऑर्डर सीबीडीटी नहीं दे सकता। सीबीडीटी हर तरीके के ऑर्डर दे सकता है लेकिन दो तरीके के ऑर्डर सीबीडीटी नहीं दे सकता। वन, टू इंटरफियर विद द वर्क ऑफ सीआईटी अपील। ध्यान से सुनिए, थोड़ी देर पहले हम लोग सीआईटी अपील के बारे में बात कर रहे थे। सीआईटी अपील इज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और यही आपको डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में जाने के लिए पावर भी देता है। कई लोगों के मन में आया होगा कि जब ये खुद डिपार्टमेंट का पार्ट है तो ये कैसे डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में न्याय दिला सकता है। हाउ दे कैन गो अगेंस्ट द डिपार्टमेंट इफ इज ही अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? द आंसर इज 119 सबसेक्शन 1, which says that income tax authority will never interfere with the work of CIT appeal. It is totally unbiased, though it is a part of income tax department, but it will totally be an unbiased authority. He will not think from the point of view of income tax only. He will not think from the point of view of assessee only. He will think only what is right and what should be done.
और इसीलिए 119 में जब बात निकली कि ऑर्डर इश्यू करना है, यहां पे बहुत क्लियर कर दिया गया, हर तरीके के ऑर्डर इश्यू कर लो, जनरल या स्पेशल, पर सीआईटी अपील के काम में इंटरफेरिंग वाला कोई भी ऑर्डर इश्यू नहीं हो सकता। सीआईटी अपील हैज देयर ओन पावर। सर ये पावर्स कहां लिखे हुए हैं, आगे जाएंगे, अपील का एक चैप्टर आता है वहां पे हमें उसके पावर देखने को मिलेंगे। जी हाँ, वहां पे हमें उसके पावर देखने को मिलेंगे। सेक्शन 251 सीआईटी अपील के पावर की बात करता है, वहां डिस्कस करेंगे। है, ऐसा नहीं है नहीं है, है अपील का चैप्टर है, अपील के चैप्टर में जाकर के सेक्शन 251 सर्च कीजिएगा, जिसको चाहिए अपील के चैप्टर के इंडेक्स देख लो, सेक्शन 251 दिख जाएगा, आपको समझ जाएगा पावर ऑफ सीआईटी अपील। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बातें कर रहा हूं, ऐसा होगा नहीं, सारी चीजें कवर्ड है, डिस्कस करेंगे। तो एक चीज, सीबीडीटी क्या कर सकता है, एनओसी इशू कर सकता है। एनओसी मतलब क्या, नोटिफिकेशन ऑर्डर सर्कुलर इंस्ट्रक्शन, बराबर है। हर तरीके का ऑर्डर इश्यू हो सकता है, दो ऑर्डर इश्यू नहीं हो सकते। पहला, टू इंटरफियर विद द वर्क ऑफ सीआईटी अपील, सीआईटी अपील के वर्क में इंटरफियर करने वाला कोई भी ऑर्डर इश्यू नहीं हो सकता। दूसरा, टू मेक अ असेसमेंट और मेक अ असेसमेंट इन अ पर्टिकुलर मैनर, दैट सिंपली मीन्स दैट हुज असेसमेंट नीड्स टू बी डन, विच असेसमेंट नीड्स टू बी डन, हाउ असेसमेंट नीड्स टू बी डन, इसके ऊपर का कोई इंस्ट्रक्शन इशू नहीं हो सकता। किसका असेसमेंट ओपन करना है और किसका असेसमेंट ओपन नहीं करना है, ये प्योरली एओ का डिसीजन होगा, राइट? नहीं तो क्या हो सकता है, मैं आपको बताऊं। मान लीजिए मैं पहले एओ था, ऐसा पावर लाने की जरूरत क्या पड़ी, मैं आपको बताता हूं। मैं पहले एओ था, बराबर है, मैं प्रमोट होके सीआईटी पे चला गया। जब मैं एओ था, मैंने एक आदमी से ब्राइब मांगा था, उस आदमी ने ब्राइब नहीं दिया था, उल्टा मेरी कंप्लेंट की थी। अब मैं चले गया हायर अथॉरिटीज के ऊपर, मेरे ऊपर कुछ लगे होंगे दफा वफा, मैं चले गया, मेरे को बाद में प्रमोशन मिल गया, मैं प्रमोशन मिलके ऊपर चला गया। जब मैं ऊपर चले गया, हो सकता है मैं अपनी दुश्मनी निकालूं और बोलूं उसकी असेसमेंट ओपन कर। मान लीजिए जब मैं सीए कर रहा था, सीएस कर रहा था, सीएमए कर रहा था, जो भी कुछ अकॉर्डिंगली मैं सीए कर रहा था, उस टाइम पे एक लड़की मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा लग रहे थे, उसने मुझे ठुकरा दिया। इसके बाद मेरे अंदर एक ये जागी कि नहीं, अब तो मैं इससे बदला लूंगा ही लूंगा, उसने किसी और को सिलेक्ट कर दिया। मैंने सीए किया, आईआरएस की एग्जाम दी, आईआरएस की एग्जाम देकर के सीबीडीटी के अंदर में सीआईटी के पोजिशन पे गया। मैंने कहा बेटा एक काम करो, इसका और इसके पति का असेसमेंट ओपन करो। असेसमेंट ओपन क्या बोलने से हो जाएगा, आंसर इज नो। किसके असेसमेंट ओपन करना है और उस असेसमेंट को कैसे कैरी आउट करना है, ये प्योरली किसका काम है, एओ का काम है। जैसा कि हम कहते हैं ना, ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, स्किल और जजमेंट उसका होता है। ठीक उसी तरीके से किसका असेसमेंट ओपन करना है और असेसमेंट को कैसे आगे लेकर के जाना है, राइट? हाँ, आप उसको गाइड कर सकते हो, लेकिन उसको ऑर्डर नहीं दे सकते कि ये असेसमेंट कर या असेसमेंट को इसी प्रकार से कर। ये किसका पूरा जुरिस्डिक्शन होगा, एओ का जुरिस्डिक्शन होगा। सो यहां तक के सब सेक्शन 1 मेरे साथ रिपीट कीजिए। 119 सीबीडीटी क्या इशू कर सकता है, एनओसी इशू कर सकता है, किसी भी तरह का ऑर्डर, किसी भी तरह का नोटिफिकेशन, किसी भी तरह का सर्कुलर, किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन इशू हो सकता है, लेकिन दो तरीके के ऑर्डर इशू नहीं हो सकते, टू इंटरफियर विद द वर्क ऑफ सीआईटी अपील और टू मेक अ असेसमेंट और मेक अ असेसमेंट इन अ पर्टिकुलर मैनर। टू मेक अ असेसमेंट और मेक अ असेसमेंट इन अ पर्टिकुलर मैनर, ये ऑर्डर नहीं इशू हो सकते। बाकी हर तरीके के ऑर्डर क्या किए जा सकते, इशू किए जा सकते हैं, बराबर। यहां तक के बाद देख लीजिए, बेरैक्ट पढ़िए मेरे साथ, मजा आ जाएगा और आज का लेक्चर खत्म करेंगे फिर। 119 पावर ऑफ अथॉरिटीज, द बोर्ड में फ्रॉम टाइम टू टाइम इशू, क्या इशू कर सकते हैं, ऑर्डर इशू कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन इशू कर सकते हैं, डायरेक्शन इशू कर सकते हैं, ये तीन चीजें कर सकते हैं। तो सर इंस्ट्रक्शन के अंदर में क्या आ गया, सर ये बात कर रहे हैं एनओसी की, मतलब नोटिफिकेशन इशू कर सकते हैं, सर्कुलर इशू कर सकते हैं, ऑर्डर इशू कर सकते हैं, राइट? दे कैन इशू नोटिफिकेशन, ऑर्डर, सर्कुलर, दैट इज ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन टू अदर इनकम टैक्स अथॉरिटीज एज इट मे डीम्ड फिट फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट। Such authority and all the persons employed in the execution of this act shall observe and follow such order. ध्यान से सुनिए, सेक्शन 119 वर्ड ही क्या लिखता है, ही शैल ऑब्जर्व एन ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ, सर्क्यूलर जो इश्यू हो रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से, क्या ये एओ के ऊपर बाइंडिंग है? यस, द ऑर्डर shall be observed and followed। इसी के लिए
जाइए चैप्टर नंबर वन में जहां हमने लिखा था सर्क्यूलर, ये बोलते हैं चैप्टर को लिंक करना, हमने लिखा था सर्क्यूलर। सर्क्यूलर पे क्या लिखा था जरा देखना, एओ इज बाइंडिंग बाय द सर्क्यूलर, असेसी इज नॉट बाइंडिंग, क्योंकि यहां पे सबॉर्डिनेट बाइंडिंग करके रखा है, शल शल वर्ड यूज है वहां पे, सो सबॉर्डिनेट इज बाइंडिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, असेसी बाइंडिंग नहीं है। अगर कोई ऑर्डर इंस्ट्रक्शन या नोटिफिकेशन आया उसे मानना ही पड़ेगा, क्या वो ऑब्जेक्ट कर सकता है? कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं, बॉस ने बोला करने का, द बॉस इज ऑलवेज राइट, ये बात आपको याद रखना है, द बॉल इज इन हिज कोर्ट ओनली, आपके पास नहीं है। सो द बोर्ड में फ्रॉम टाइम टू टाइम इशू ऑर्डर इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन टू द अदर अथॉरिटीज एंड ऑल अदर पर्सन एम्प्लॉयड इन दिस एग्जीक्यूशन ऑफ दिस एक्ट शैल ऑब्जर्व एंड फॉलो सच ऑर्डर इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन when the instruction cannot be issued to the subordinate, दो चीजें नहीं हो सकती, so as to require any income tax authority to make a particular assessment or dispose a particular case in a particular manner, ये नहीं हो सकता, to make a particular assessment or make a assessment in a particular manner, ये नहीं हो सकता, आप किसी को force नहीं कर सकते कि इसका assessment open कर, AO का decision है, लेना है तो लेगा नहीं लेगा वो बॉस की बात नहीं मानना चाहिए उसने, ही शुड बी इंडिपेंडेंट, ऑडिटर ने ऑडिट करते वक्त इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक उसी तरीके से ये भी क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, राइट, किस तरह से असेसमेंट करना है ये भी उसका मैटर है। और लिखा है यहां पे एक दूसरा, इंटरफियर विद द डिस्क्रिशन ऑफ कमिश्नर अपील्स इन एक्साइज ऑफिस अपीलेट फंक्शन, तो भाई साहब क्या नहीं हो सकता, हर तरह के ऑर्डर इशू हो सकते हैं, दो ऑर्डर इशू नहीं हो सकते, एक टू मेक असेसमेंट और मेक असेसमेंट इन अ पर्टिकुलर मैनर, दूसरा इंटरफियर विद द वर्क ऑफ सीआईटी अपील, मतलब सीआईटी अपील अथॉरिटी तो है लेकिन वो कैसे काम करेगा, वो अपने फंक्शन को कैसे एक्सरसाइज करेगा, ये सीआईटी अपील के ओन गाइडलाइंस होंगे, यहां पे इनको कोई क्राइटेरिया इनका मानने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात, इसी को सिंपल शब्दों में यहीं पे मैंने शॉर्ट करके दिया हुआ है, 119 सबसेक्शन 1, द बोर्ड मे इशू नोटिफिकेशन ऑर्डर सर्कुलर, सीधे शब्दों में हम इसे क्या कहते हैं, सीधे शब्दों में हम इसे कहते हैं एनओसी इशू कर सकता है, क्या इशू कर सकता है, एनओसी इशू कर सकता है। इसी के लिए आज ही अगर आपको एग्जांपल चाहिए, कोई भी नोटिफिकेशन खोल लो वेबसाइट के ऊपर, उस पर 119 सेक्शन लिखा हुआ होगा, आप देखिएगा नोटिफिकेशन ऑर्डर सर्कुलर, ये मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इट दैट हाउएवर टू ऑर्डर्स कांट बी इशूड टू डिस्पोज और मेक अ पर्टिकुलर असेसमेंट और इंटरफियर विद द डिस्क्रिशन ऑफ सीआईटी अपील्स, यस और नो, हाउएवर द डिसीजंस ऑफ बोर्ड्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन कोर्ट, दिल्ली फ्लोर मिल एंड ओल्ड जजमेंट, मैंने बुक में पहले रखा करता था, हटा दिया, सिर्फ यहां पर नाम लिख दिया, दिल्ली फ्लोर मिल्स का एक केस है जिसने फर्स्ट टाइम ये प्रूव किया था, जो कोर्ट के डिस्क्रिशन है, जो ऑर्डर्स है, ये किसके ऊपर बाइंडिंग है, ये बाइंडिंग है सबॉर्डिनेट्स के ऊपर, कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, तो कोर्ट कैन हैव अ डिफरेंट व्यू अपार्ट फ्रॉम व्हाट इट इज गिवन। सेकंड, इस चीज को पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड वर्सेस सीसीई, दिस वॉज अ जजमेंट जिसमें ये प्रूव कर दिया गया था दैट सर्क्यूलर इशूड बाय बोर्ड आर बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग है, दीज आर नॉट बाइंडिंग ऑन इनका असेसी और एनी कोर्ट, इनके ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है। क्लियर है मालिक, ये दो पार्ट हमें कल पढ़ने होंगे, सी और डी वाले, और 119 हमें कल कैरी करना होगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या किया है सर, आज हम लोगों ने इतने सेक्शंस पढ़े हैं, 119 का सबसेक्शन 1 आज हम लोगों ने किया है, ठीक है। अच्छा जी, आज आप टैक्स कैलकुलेशन देखेंगे, आज का होमवर्क क्या है, आज आप टैक्स कैलकुलेशन देखेंगे घर के अंदर में, एक बार आप पूरा टैक्स कैलकुलेशन इंक्लूडिंग एग्जांपल्स, इंक्लूडिंग एग्जांपल्स, अगर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो इंक्लूडिंग एग्जांपल्स, जैसा बोल रहा हूं बिल्कुल वैसा कर लो, इंक्लूडिंग एग्जांपल्स जो हमने लिए, घर जाके एक बार रफ पेपर लेना और पूरे के पूरे वापस सॉल्व करना, पूरे के पूरे ए टू जेड वापस सॉल्व करना। दूसरा ये चैप्टर पढ़ के आना है आपको, ये चैप्टर पढ़ के आना है का मतलब क्या, 116, 117, 118 और 119 1, ये वाला पार्ट कल आपको क्या करना है, पढ़ के आना है, बस इतना ही होमवर्क है आपका, बराबर है। और एक होमवर्क और, असेसमेंट का चार्ट को फिर से बस एक बार रिवाइज कर लेना, उसके आगे के आपको सेक्शन समझे ना समझे, बस एक बार उसका फ्लो देख लेना, गेटिंग इट और नॉट, डन सर। सो आई टेक योर लीव फॉर द डे, आप अपना पूरा ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा, एंड बाय बोलो बच्चों।